हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यूज डूइंग एब्सोल्युटली गुड एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप पिछले जितने रिवीजन आ रहे हैं उस पर बहुत अच्छे अच्छे आपने मुझे पर्सनल कमेंट भेजे कि सर बहुत मजा आ रहा है और सबसे ज्यादा जो कमेंट मुझे भी अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि हाँ इस ब्रह्मा सीरीज का पर्पस इस कमेंट से पूरा होता है क्योंकि ये उद्देश्य पूरा हो रहा है वो कौन सा उद्देश्य पूरा हो रहा है बच्चों का कहना है कि सर रिविजन लेक्चर काफी सारे डले यूट्यूब पे बट ये जो रिविजन है सर ये रिविजन के साथ साथ सर आप इस पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी करा रहे हैं कुछ के आप हिंट आंसर लिखवा रहे हो और कुछ के आप पूरे आंसर लिखवा रहे हो पूरे पूरे राइटिंग प्रैक्टिस तो इससे स्पीड भी मेंटेन हो रही है सर कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने भी आ रहा है तो ये जो ये जो तैयारी है ना सर ये जो ब्रह्मा सीरीज है ये सिर्फ रिविजन नहीं है इससे हमारी एग्जाम की तैयारी हो रही है तो बच्चों का कहना यह था सर कि रिविजन तो हम कर लेते थे लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस जो नहीं आता था ना कुछ अधूरा सा लगता था वो ये पूरा कर दे रहा है पूरा पूरा और बस इसको करने के बाद ऐसा लगता है कि पूरे चैप्टर की जान अपने हाथ में तो मुझे बहुत अच्छे लगे वो कमेंट और एक के नहीं आए ऐसे कम से कम सात आठ स्टूडेंट ने मुझे बताया जनरली बच्चे सामने आके फ्रंट कमेंट नहीं करते कभी यूट्यूब पे कर देते हैं मन ही मन में अच्छा मान लेते हैं बट जो अपफ्रंट हो क्या आया उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे आगे प्रयास रहेंगे कि जितने चैप्टर में आगे करूं मैं उसी अप्रोच से करूं जिसमें आपका नस पकड़ में आ जाए चैप्टर को आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाए सो so गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम शुरू करने वाले मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सेक्शन नंबर 88 से शुरू होता है 122 तक जाता है और इसपे रिसेंट अमेंडमेंट की अगर बात करूं तो मेजरली अमेंडमेंट जो है पेनल प्रोविजन में पेनल प्रोविजन यानी कि थोड़ी सी जहां पे पेनाल्टी ज्यादा हो उसको कम कर दिया जहां पे इंप्रिजनमेंट था उसको हटा दिया इस प्रकार के इसपे अमेंडमेंट ज्यादा है जो कि हम लास्ट पे ही देखेंगे समय परमिट किया तो नहीं तो इसके अंदर जितने भी अमेंडमेंट हो पेनल प्रोविजन में और पूरे के पूरे कंपनीज के, के अंदर इतनी जगह अलग 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 किस्म की पेनाल्टी है मेरा हमेशा मानना यह रहा होता है कि आप पेनाल्टीज को साथ साथ तो पढ़ते ही हैं जब लेकिन अंत में उसके लिए समय निकाल लिया जाए एग्जाम के पहले एक आध घंटे आपने कोई चार्ट बनाया है उससे पढ़ लिए क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज होती है कि आप जितने भी अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो वहां टाइम डालना जिसपे इनपुट बहुत ज्यादा लगता है और आउटपुट बहुत कम निकलता है यानी कि मार्क्स बहुत कम आते हैं उसके लिए स्पेयर में कम समय रखना चाहिए जो लास्ट लास्ट में ताजा ताजा अपने को याद रही हमेशा की मेरी अप्रोच स्टूडेंट को मेरी बोली हुई है तो पैनल प्रोविजंस में मेजरली आपको अमेंडमेंट दिखेंगे और ये अमेंडमेंट ऐसा नहीं है कि ये आपके वाले कमिंग अटेम्प्ट के लिए नहीं ये अमेंडमेंट पहले वाले अटेम्प्ट के लिए जो गए वहां के लिए एप्लीकेबल थे तो मैं रिसेंट जब बोलता हूं तो हाल में एक दो अटेम्प्ट में जो अमेंडमेंट आए रहते हैं वो मैं कवर करवा के लेता हूं साथ साथ में ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए एप्लीकेबल है बस उसको ही कर रहे तो पैनल प्रोविजन में मेजरली है अमेंडमेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने रेलिवेंट नहीं है इतने सब्सटेंशियल रेलिवेंस नहीं है उनका एक सेक्शन 92 पे जो रीसेंट अमेंडमेंट था जो कि पहले वाले अटेम्प्ट में भी एप्लीकेबल था तब भी पढ़ाया था अभी भी पढ़ा रहे और पढ़ेंगे भी आगे साथ साथ में जब सेक्शन 92 करेंगे एनुअल रिटर्न नाइनटी टू से बात करता है सेक्शन 92 तो ये एज सच इसके अमेंडमेंट वाला सेगमेंट है मैं रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करूं तो जैसे कि आपको पता है सेक्शन नंबर एटी से लेके वन तक के इसमें सेक्शन है मैं बताना चाहता हूं उस पर ना यानी कि जो सब्सटेंस है चैप्टर चैप्टर का जो की जान है जहां से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है वो कुछ हार्डली चौदह पंद्रह सेक्शन है और बहुत सारे सेक्शन जो हैं जो कि मिसलिनियस कैटेगरी पे आते हैं वो किसी मेन सेक्शन से टकरा के उनका रेफरेंस लेके कुछ पूछ दिया तो बात अलग है अन्यथा अदरवाइज यहां पे जो मैं आपको कुछ सेक्शन से रेफर कराऊंगा चौदह पंद्रह सेक्शन है जो कि हम इस ब्रह्मा सीरीज के लिए एक्सक्लूसिवली कवर करेंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल के स्टडीज राइटिंग प्रैक्टिस की एक्सट्रैक्शन और पहले उसको पढ़ेंगे पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रैक्टिकल केस स्टडी करेंगे कुछ क्वेश्चंस को पूरा लिखेंगे कुछ क्वेश्चंस के हिंट आंसर लिखेंगे कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने के साथ तो अपना रिवाइज भी होता जाएगा और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा ये आपने लेक्चर देख लिया नस आपके हाथ में आ जाएगी फुल रिविजन लेक्चर देखना है तो नीचे एज यूजल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप फुल रिविजन वहां से देख सकते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है तो जैसे कि आप देख रहे हैं सेक्शन वन ये कोरम के रिलेटेड बात करता है 112 और 113 का रेफरेंस बार बार लेना पड़ता है जब आप 103 पढ़ते हो गहराई से जाके तो मैं इनको साथ में पढ़ाऊंगा से संबंधित सेक्शन है मैं नहीं बोलूंगा कि सारे कोरम के सेक्शन है कोरम का सेक्शन एक ही है सेक्शन नंबर 103 बट कोरम से संबंधित यानी कि कभी कभी कोरम वाले सेक्शन के साथ साथ इनको भी हमको रेफर करने की जरूरत पड़ सकती है तो ये हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी बनते फिर अगर मैं जाऊं सेक्शन रूल नंबर एक सौ पंद्रह जो कि स्पेशल नोटिस की बात करता है तो वन जीरो नोटिस की बात करता है वन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात करता है नोटिस के साथ जो जाता है सेक्शन 115 सौ पंद्रह रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस की बात करता है ये सब नोटिस से संबंधित है ये अपन यहां पे पढ़ेंगे रिलेटेड टू नोटिस है ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब नोटिस के सेक्शन रिलेटेड टू नोटिस है ठीक है है फिर 105 है अपने पास 105 बात करता है प्रॉक्सी की कि कौन प्रॉक्सी बन सकता है कौन प्रॉक्सी नहीं बन सकता सर क्या होता है प्रॉक्सी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो मैं बस आपको अभी फिलहाल थीम बता रहा हूं कि क्या क्या अपने को रेलिवेंट यहां पे पढ़ना है

अप्रोच मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि पहले हम प्रोविजन पढ़ेंगे उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे उस प्रोविजन की और पॉलिशिंग होगी फिर उसका या तो हिंट आंसर लिखेंगे तो पूरा पूरा लिखेंगे डेफिनेटली पूरे के पूरे के आंसर हम नहीं लिख सकते लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा मेरा उद्देश्य इस ब्रह्मा सीरीज में बहुत ही क्लियर है कि भाई कम समय में मैक्सिमम आउटपुट मुझे इस सीरीज में आपको देना है कि आपने जो रेगुलर लेक्चर देखा उसके बाद ये देखा और आपकी नैया पार तो डेफिनेटली जो रेगुलर लेक्चर हमारा लिए हुए हैं उसके तो वारे नारे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट करके रखा है ये सीरीज आपको बूस्ट देगी 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 एक देगी, एक एज एक्स्ट्रा माइल आपके प्रोबेबिलिटी इस एग्जाम को क्रैक करने की और बढ़ जाएगी एंड डेफिनेटली जिनने रेगुलर लेक्चर कहीं से नहीं किया आपको भी ये फायदा बहुत ज्यादा करेगा बट उतना नहीं जितना ये रेगुलर स्टूडेंट को करेगा सो so गाइस बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन मैंने नीचे यहां पे निकाल के रखे थर्टी फाइव क्वेश्चन रखे हैं जो कि इन सारे को जो मैंने आपको दिखाया उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे हम एक एक करके रैंडमली उठाएंगे जो जो सेक्शन पढ़ते जाएंगे सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं 103 ही से बट उसके पहले मैं आपको कुछ तो भी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं इस चैप्टर के बारे से अब ध्यान से समझना ये चैप्टर हमको क्या बताने वाला है ये चैप्टर बात करता है 88 से लेके 122 नाम पे लिखा है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इस चैप्टर के अंदर कंपनी वर्क कैसे करती है कंपनी का मैनेजमेंट कैसा होगा इसके बारे से बात की उदाहरण के तौर पे कंपनी को अगर एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी है जो कि साल पे एक बार होती है तो स्क्रैच से शुरू होगा कि भाई कब बुलानी है पहले तो बोर्ड डिसाइड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का फिर वो किसी को अथॉरिटी देगा इस बात की कि भाई तुम नोटिस भेजो नोटिस कैसे भेजा जाएगा मीटिंग के कितने दिन पहले भेजा जाएगा कौन भेजेगा नोटिस में कौन सी बात होनी चाहिए कौन सी बात नहीं होनी चाहिए क्या नोटिस में जब आप कुछ बता रहे हो उसके साथ कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा क्या यानी कि आपने बोला कि भाई हमको एक नई ब्रांच ओपन करनी कंपनी की तो उससे संबंधित कुछ सफाई पेश करनी है क्या उस बिजनेस से रिलेटेड ये स्टार्टिंग की बात हो गई तो ये कुछ काम हमको मीटिंग के पहले करना है जैसे कि नोटिस वाली बात, हो गई। वाली बात हो गई कुछ काम हमको मीटिंग के दौरान करना है, देखना है कि भाई कम से कम इतने मेंबर तो मीटिंग में आने ही चाहिए उसको बोलते कोरम कि कम से कम इतने मेंबर तो आने ही चाहिए ताकि हम मीटिंग को शुरू कर पाए उसको नाम दिया लॉ मेकर ने कोरम जैसे मान लो सपोज लॉ मेकर ने बोला कि पांच बंदे पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए पांच पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए तो वेन मेंबर में खुद नहीं आ रहा तो अपने बदले किसी को भेज दे इसको बोलते प्रॉक्सी को भेजा है उसने लेकिन कोरम काउंट किया जाएगा क्या प्रॉक्सी को नहीं पांच मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए तब मीटिंग शुरू होगी नहीं तो मीटिंग एडजन होगी एडजन का मतलब उस दिन ना हो के किसी और दिन समय जगह हो सकती है तो ये ड्यूरिंग द मीटिंग मीटिंग देखना है कि जब हो रही है है तो क्या कोरम है हमारे पास क्या मीटिंग में चेयरमैन प्रेजेंट है हमारे साथ चेयरमैन होना जरूरी है प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए जिसको हम कोरम देंगे नाम देंगे प्रॉक्सी वोटिंग कैसे होगी वोटिंग के दो तरीके हैं सामान्यता जनरली एक आप शो ऑफ हैंड से करते हो एक आप पोल से करते हो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी प्रावधान है जो आप घर से बैठे बैठे भी कर सकते हो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कितने प्रकार के के रेजोल्यूशन 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 होते हैं जो जो मैं हर बार आपको आपको बोलता था अब तक चैप्टर की ऑर्डिनरी और स्पेशल के बारे से तो पता ही होगा तो क्या होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है स्पेशल रेजोल्यूशन यही होगा इसके बाद मीटिंग होने के बाद क्या होता है मीटिंग की रिपोर्ट भेजनी पड़ती है अगर कंपनी लिस्टेड है तो लिस्टेड कंपनी कंपनी क्या क्या होती होती है 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 अपन ने चैप्टर के ब्रह्मास सीरीज में किया था मिनट्स 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 बनाने पड़ते हैं क्या होता होता है? की जो मीटिंग ना उसका minutes, कि उसका है कि कि रिकॉर्ड मेंटेन कौन सी मीटिंग थी कौन सी तारीख को थी कौन से बिजनेस डिस्कस किए गए रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ कितने मेंबर आए थे किसने ऑब्जेक्शन उठाया किसी मीटिंग में एक्सेक्ट्राक्ट्रक्सेन करेगा तो इस प्रकार से इस पूरी प्रोसेस में कैसे मैनेज होती है सारी चीजें लॉ उन चीजों को किस तरीके से रेगुलेट करके मैनेज करवाता है ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सो ये एक बेसिक आपको बताना था इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जैसे कि रजिस्टर इसी पे ही है रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना रहता है आपको कि भाई मेंबर का उसमें नाम होगा उसको कौन इंस्पेक्ट कर सकता है रजिस्टर के बारे से बातें हैं Annual return के बारे बातें 92 की भाई साल पे एक बार का पूरा साल भर की इंफॉर्मेशन आपको आर को देनी है हर कंपनी के लिए अलग अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट अपने को इस चैप्टर के अंदर दी हुई है उस प्रकार से अपने को पढ़ना है सो so गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सेक्शन नंबर वन से इसकी शुरुआत हम अपने चार्ट नोट से ही करेंगे चार्ट नोट्स में मैंने इतना क्रक्स निकाल के रखा है कि आपको एक दिन पहले इन चार्ट्स को देखना है और सारी चीजें आपके दिमाग में तो सबसे पहले मैं सेक्शन 103 से स्टार्ट कर रहा हूं आराम से बस सुनते जाइएगा ध्यान से इस इसमें बहुत छोटी 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 बारीक बारीक बातें हैं मैं कुछ सेक्शन को बहुत आराम से लेके जाऊंगा ताकि उसमें आपको क्वेश्चन जब मैं करवाऊं तो बहुत अच्छे से बन जाए चैप्टर बड़ा है इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा लंबा भी होगा ये वाला लेक्चर बट आपको मजा बहुत आएगा ये मेरा आश्वासन है आप लास्ट में जब उठोगे चैप्टर करके बोले यस जितने दिमाग में जाले थे जितनी भी तकलीफें थी सब के सब हमारी तकलीफें दूर हो गई है सबसे पहले बात करता हूं सेक्शन नंबर 103 की जो बात करता है कोरम फॉर मीटिंग अगेन रिपीट करना चाहता हूं कोरम मतलब मीटिंग स्टार्ट करने के पहले कम से कम इतने मेंबर तो मीटिंग के मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में इतने मेंबर कम से कम तो चाहिए ही चाहिए मीटिंग की शुरुआत करने के लिए तो उस मिनिमम मेंबर की कम से कम इतने चाहिए उसको बोला जाता है कोरम सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करूं तो वन जीरोक्शन वन जीरोन वो बोलता है जब तक आर्टिकल में कोई बड़ा नंबर प्रिस्क्राइब नहीं है बड़ा नंबर यानी कि क्या कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी का जो कोरम होगा वो 25 मेंबर का होगा एग्जाम्पल के तौर पर तो भाई आपको पच्चीस में बैठाने पड़ेंगे पर्सनली प्रेजेंट करके लेकिन अगर आर्टिकल में कोई ऐसे अलग से स्पेसिफाई नहीं किया गया कि मिनिमम कितने होंगे अलग से कुछ बोला नहीं है तब बोलता एक्ट बोलता तब हम बता रहे कि आपको कितना कितना मेंबर लगेंगे बराबर है क्या तो देखो शब्द देखो क्या यूज हुआ अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर पहले आर्टिकल चेक करो क्या आर्टिकल में कोरम से संबंधित कोई स्पेसिफिक नंबर अपने को दिया कि कम से कम इतने तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए तो अनलेस का मतलब जब तक आर्टिकल में अलग से कोई नंबर ना दिया हो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो कि कोरम कहलाएगा जब तक ना दिया है तब तक लॉ जो बोल रहा है वो सुनो लेकिन अगर आर्टिकल पे कोई नंबर लिखा है तो वो सुनना पड़ेगा समझिएगा तो बोले अगर जब तक आर्टिकल में कोई बड़ा नंबर ना दिया हो पब्लिक कंपनी अगर है उस सिचुएशन में देखा जाएगा कोरम कितना है तो कैसे पता चलेगा कोरम तो बोले जिस दिन कंपनी की मीटिंग है एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग का मतलब है मान लीजिए कि 30 सितंबर को मीटिंग है 30 सितंबर 2022 को मीटिंग है इस दिन कंपनी के कितने मेंबर इस दिन

पांच हजार से भी ज्यादा हो तो तीस मेंबर पर्सनली प्रेजेंट अपने को चाहिए ये तीनों ही लिमिट जो है ये पब्लिक कंपनी के लिए है एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग हमको देखना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर है उस हिसाब से हम क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे समझा सर लेकिन पहले क्या करना है अपने को आर्टिकल देखना है पहले ये देखना है कि आर्टिकल में कहीं ज्यादा नंबर तो नहीं दिया तो मान लीजिए फर्ज कीजिए कंपनी में हजार मेंबर से ज्यादा नहीं है लेकिन कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वहां पे लिखा हुआ है कि कंपनी में कम से कम 20 मेंबर पीपी होने चाहिए पीपी यानी कि पर्सनली प्रेजेंट ऑल दो कंपनी में अप टू थाउजेंड मेंबर है लेकिन आर्टिकल में लिख दिया कि 20 मेंबर तो अपनी तो शुरुआत ही हुई थी कि जब तक आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है तो यह देखना है अब जब आर्टिकल पर लिखा है, तो भले ही आपके अप टू थाउजेंड मेंबर है लेकिन फिर भी आपको बीस लाना पड़ेगा ऑल दो एक्ट बोलता है पांच लेकिन पांच कब जब आपके आर्टिकल में कोई ज्यादा नंबर ना दिया हो तो यानी कि अगर आपने मान लो कंपनी में आपके हजार मेंबर है और आपके आर्टिकल में आपने लिख दिया चार नहीं 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 कर सकते चार लिख ही नहीं सकते क्यों अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर यानी कि एक्ट ने जितना बताया है 103 में लॉ मेकर ने जितना बताया है उससे ज्यादा कर सकते हो कम नहीं कर सकते अगर आप कम करोगे तो वो जो अपने अपने आर्टिकल के अंदर जो क्लॉज डाला है वो इनवैलिड कहलाएगा क्योंकि वो एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है तो तुम्हारा आर्टिकल एक्ट से बड़ा नहीं हो सकता तो आप ये कर सकते हो पांच की जगह आप पंद्रह लिख दो छह लिख दो बीस लिख दो पच्चीस लिख दो तो उतना गौरव माना जाएगा लेकिन लेकिन कम नहीं लिख सकते आप तो अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लू कि एसोसिएशन में ट्वेंटी तो ट्वेंटी होंगे अपटू पांच हजार है पंद्रह मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए पांच हजार से भी आपके ज्यादा मेंबर है एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग पब्लिक कंपनी केस में तो थर्टी मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए तो मेरे भाई और बहनों ये पर्सनली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब आपको खुद आना है मेंबर, जो उस का मेंबर है पांच में पंद्रह तीस कम से कम इतने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए डिपेंडिंग एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग कितने मेंबर है यानी कि आपको खुद आना पड़ेगा आप अपने बदले किसी प्रॉक्सी को नहीं भेज सकते स्कूल में होता था ना कोई टीचर का पीरियड uh, चल रहा है वो टीचर लेकिन एबसेंट है तो दूसरा टीचर उसकी आके क्लास लेता था जिसको हम बोलते थे प्रॉक्सी पांच तो कम से कम, कम, कम पंद्रह कम से कम तीस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स आपको पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा समझा सर सर मान लीजिए अप टू थाउजेंड सर और पांच मेंबर पर्सनली प्रेजेंट तो हैं और 25 तो प्रॉक्सी भी आए हैं यानी कि 25 मेंबर के बिहाफ में 25 प्रॉक्सी आए हैं चलेगा हाँ चलेगा ना अगर अब 2000 मेंबर है तो अपने को पांच ही लोग पर्सनली प्रेजेंट चाहिए बाकी प्रॉक्सी आए चलेगा इतने तो कम से कम पर्सनली आने चाहिए बिना प्रॉक्सी के चलेगा अपन मिनिमम की बात कर रहे हैं गोरम में हाँ तो इतने अगर हैं हजार मेंबर हैं तो पांच मोर देन हजार अप टू पांच हजार तो कम से कम पंद्रह से ज्यादा है तो कम से कम तीस इतने तो कम से कम पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए बाकी प्रॉक्सी और है चलेगा कम से कम इतने होने चाहिए समझा सर एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग देखेंगे और ये नंबर तब देखेंगे जब आर्टिकल में कोई ज्यादा नंबर ना हो जब तक आर्टिकल में कोई ज्यादा नंबर स्पेसिफाई ना किया हो कोरम तो पहले आर्टिकल देखेंगे आर्टिकल में जितना अगर नंबर दिया उतने करने पड़ेंगे भले फिर यहां पे एक्ट कम बोल रहा और आर्टिकल में ज्यादा चलेगा ज्यादा करना पड़ेगा तब तक मीटिंग शुरू नहीं होगी जब तक उतने लोग आएंगे नहीं आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है तो पब्लिक कंपनी अगर है तो देखेंगे एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग वो कौन से क्राइटेरिया में जा रही उस हिसाब से ये पब्लिक कंपनी के लिए था अब प्राइवेट में आते प्राइवेट कंपनी के केस में क्या बोला है पहले आर्टिकल देखो आर्टिकल में ज्यादा नंबर बोला है क्या अगर हाँ तो वो ज्यादा नंबर कोरम कहलाएगा। कम से कम उतने आने चाहिए मैक्सिमम दो सौ है। तो होते हैं है। अब मान लो कंपनी में दो ही मेंबर है और तुमने अगर ये क्राइटेरिया फॉलो कर लिया तो भाई इतने मेंबर तो कंपनी में होंगे ही नहीं प्राइवेट कंपनी में ये तो पब्लिक के लिए तो प्राइवेट में बोला पहले आर्टिकल देख लो आर्टिकल में तुमने कोई ज्यादा नंबर डाला है क्या तो उतने चाहिए मान लो तुमने प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में लिखा है तो कुछ नहीं लिखा है कम से कम दो आ जाओ हो सकता है तुम्हारे प्राइवेट कंपनी में दो ही मेंबर हैं वही दोनों मेंबर है वही दोनों डायरेक्टर है पॉसिबल है ये तो अगर आर्टिकल में ज्यादा नंबर नहीं लिखा दो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होंगे चलेगा बहुत बढ़िया सर ये चार्ट एकदम दिमाग में बैठ गया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं आगे बढ़ते अब बात आती है मान लीजिए कीजिए मस्त चार्ट बना ध्यान से देखना सब बैठते जाएगा थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है लेकिन मजा बहुत आएगा अंत तो में आपको लगेगा इस चैप्टर की आप अच्छी पकड़ बना लीजिए ठीक है कोरम मान लीजिए प्रेजेंट नहीं है हाफ एन आवर में हाफ एन आवर पे कोरम प्रेजेंट नहीं है यह नहीं कि एक अपॉइंटेड टाइम होता है वर्ड है अपॉइंटेड टाइम अपॉइंटेड टाइम यानी कि मीटिंग का टाइम था ग्यारह बजे 11 ये मीटिंग का टाइम था कि इलेवन एम मीटिंग का टाइम है तो अपॉइंटेड टाइम से आधा घंटा तक वेट किया जाता है अगर आधे घंटे में वो जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिसको हम कोरम बोल रहे हैं वो नहीं आता है। तो क्या होगा तो देखो लिखा है कोरम नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर कहां से हाफ एन आवर अपॉइंटेड टाइम से जो टाइम नोटिस पे लिखा वहां से तो उस सिचुएशन में नॉर्मल सिचुएशन में मीटिंग एडजर्न हो जाएगी अब ये नॉर्मल सिचुएशन क्या बाकी की सिचुएशन भी समझेंगे पहले यहां ध्यान दो एडजर्न का मतलब किसी दूसरे दिन किसी दूसरी जगह जरूरी नहीं दूसरी जगह सेम डे आज थर्सडे और आज ही मीटिंग थी तो अगले हफ्ते की थर्सडे को यही ग्यारह बजे और जो भी होटल में था मान लो ताज होटल में था तो सेम प्लेस तो सेम प्लेस सेम टाइम सेम डे नेक्स्ट वीक में हो जाएगा ये बाय डिफॉल्ट है या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाहते हैं कि भाई हमको नहीं कोई दूसरा दिन देखना है कल ही कर लेते परसों ही कर लेते अरे तीन दिन बाद चार दिन बाद कर लेते तो नेक्स्ट वीक तक नहीं जाएगा जनरली क्या बोला अगर हाफ एन आवर में नहीं है तो सीधा नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक में जैसे आज थर्सडे था तो अगले हफ्ते के थर्सडे में उसी जगह उसी टाइम और उसी समय होगी मीटिंग इसको बोलते हैं एडजन हो गई क्योंकि और मिनिमम उतना चाहिए ये नॉर्मल सिचुएशन मान लो फर्स करो दूसरी सिचुएशन मीटिंग रिक्विजिनिस्ट के द्वारा बुलाई गई थी अंडर सेक्शन सौ जो रेगुलर वाले उनको तो पता ही होगा

अलग अलग बिजनेस अपने को कभी डिस्कस करने का भी कुछ अर्जेंसी आ गई जैसे हाल में कोविड आया बहुत सारी बिजनेस का धंधा डाउन हुआ किसी का बढ़ा तो उस वक्त अब मीटिंग करनी है तो एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा भी एक मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो मेंबर रिक्वेस्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करके बुलवा सकता है एजीएम के अलावा तो एजीएम के अलावा जितनी भी मीटिंग होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रोर्डिनरी जनरल मीटिंग और स्पष्ट करूं एजीएम के अलावा मेंबर्स की जितनी भी और मीटिंग होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रोर्डिनरी जनरल मीटिंग तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से खुद भी बुला सकते हैं चाहे तो जरूरत पड़ने में या तो मेंबर बोर्ड को रिक्वेस्ट करके बुला सकते हैं तो मान लीजिए मेंबर ने एक्स्ट्रो ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोर्ड को रिक्वेस्ट करके बुलवाई थी Extraordinary General Meeting का सेक्शन आज ही वाले हैं पूरा पूरा टेंशन मत लेना कवर होगा अभी करो कि Extraordinary General Meeting के लिए बुलाया रिक्वेस्ट किया 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 किसको बोर्ड को किसने मेंबर ने अंडर सेक्शन सौ में ही करते क्योंकि सौ में जनरल मीटिंग के बारे से बोला अब भाई तुमने रिक्वेस्ट करके मीटिंग बुलाई है तुम खुद सोचो तुम रिक्वेस्ट करके मीटिंग बुला रहे हो और खुद नहीं आ रहे हो अब रिक्वेस्ट करके तुम बुला रहे हो मान लो तुमने बीस लोगों ने मिलकर रिक्वेस्ट किया था तो जनरल मीटिंग बुलाई है एजीएम तुम साल में एक बार होनी तो लॉ बोलता है सेक्शन नंबर नाइनटी सिक्स पे तो वहां पे तो अपन कार्यक्रम पढ़ लेंगे क्या होगा बता दिया दूसरी सिचुएशन ईजीएम की बात हो रही रिक्वेस्ट करके बुलायो तुम मेंबर रिक्वेस्ट करके बुलाए और खुद नहीं आ रहे रिक्वेस्ट करने के बाद नहीं आ रहे रिक्वेस्ट करने के बाद कोरम प्रेजेंट नहीं है उस सिचुएशन में मीटिंग सीधा कैंसिल हो जाएगी तीसरा सिचुएशन मान लीजिए ये वाली सिचुएशन थी नॉर्मल अब एडजन किए नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे और एडजन मीटिंग में भी यहां पे वर्ड में ध्यान दो आल्सो एट दीटिंग ऑल्सो नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रही है तो कवर हो गया इसको मैं बंद कर देता हूं यहां पर तो कैंसिल आपने नॉर्मल वाली सिचुएशन में एजीएम को कोरम की वजह से एडजेंट कर दिया क्योंकि अपॉइंटेड टाइम से आधे घंटे में कोरम नहीं था तो एडजन मीटिंग में भी एडजेंट मीटिंग ऑल्सो एडजेंट मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो कोरम नॉट प्रेजेंट विद इन एन हाफ एन आवर एट मीटिंग ऑल्सो तो बोले अब कितनी बार इसको एडजन करेंगे तो जितने भी मेंबर प्रेजेंट है ना मान लो यहां पे लिखा था कि हजार मेंबर है तो कम से कम पांच चाहिए अब एडजन मीटिंग में भी दो ही लोग आए तो बोले जितने मेंबर आए हैं ना उनको आप कोरम कहला दोगे मेंबर्स प्रेजेंट शेल बी द कोरम बर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम अब कई बच्चों का आएगा सर एक एक मेंबर भी आएगा तो भी उसको कोरम मानेंगे क्या वैसे तो वहां पर वर्ड लिखा है मेंबर्स मेंबर्स यानी कि एस लिखा है एस कम से कम दो होने चाहिए कम से कम दो एस लिखा है क्योंकि मेंबर्स लेकिन आप जनरल क्लॉजे एक्ट अगर पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि जहां पर प्लुरल यूज हुआ है वहां पे आप उसको सिंगुलर फॉर्म में भी ले सकते हो जहां पे सिंगुलर फॉर्म है आप उसको प्लूरल भी ले सकते हो तो मैं आपको उसका आंसर देना चाहता हूं हाँ, परिस्थितियां ऐसे भी हैं जहां पे अकेला मेंबर आएगा वही कोरम कहलाएगा वही डिसीजन जो ले लेगा वो फाइनल हो जाएगा आएगी परिस्थिति आगे बताऊंगा लेकिन अभी फिलहाल के लिए सामान्यता इतना समझ के लीजिए अगर एडजन मीटिंग में भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो पहली वाली मीटिंग कहा के लिए एडजन हुई थी कोरम की वजह से हुई थी अब उसको एडजन किया तो एडजन में भी अगर कोरम नहीं है तो जितने मेंबर आए उतने कोई कोरम मान के मीटिंग शुरुआत उनने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल अब इसमें और किंतु परंतु करेंगे तो स्टैंड एडजन कब होती है नॉर्मल सिचुएशन में या तो सेम डे सेम टाइम या तो सेम प्लेस नेक्स्ट वीक एज द बोर्ड में डिसाइड बोर्ड चाहे तो अदर डे अदर टाइम अदर प्लेस भी डिसाइड कर सकती है समझ में ही बात मुद्दा यह है कभी भी कोई भी समय आप डिसाइड कर रहे हैं बोर्ड नेक्स्ट वीक कर रहे हैं चार दिन कर रहे हैं पांच दिन बात कर रहे हैं जो अगला अर्जेंट डे है ना उसका एटलीस्ट तीन दिन पहले का नोटिस दे दो शेल बी गिवन टू मेंबर्स इंडिविजुअली दे दो या तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर दो और न्यूज में करोगे तो एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक वर्नेकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए वर्नेकुलर यानी कि उस न्यूज का सर्कुलेशन उस लैंग्वेज में होना चाहिए जिस लैंग्वेज में लोग सामान्यता बात करते जैसे महाराष्ट्र की कंपनी पुणे की कंपनी तो मराठी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट दोगे कि भाई कोरम नहीं आया था फलाने दिन में एडजन किए कम से कम तीन दिन पहले आपको नोटिस देना है तो कौन सी लैंग्वेज कैसे पता चलेगा देखो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां सिचुएटेड है अगर पुणे में है तो मराठी पंजाब में है अंबाला मंबाला में बराबर है तो पंजाबी लैंग्वेज सूरत में है तो गुजराती लैंग्वेज वो बर लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट देना अब प्रश्न आता है सर मान लो बोर्ड ने डिसाइड किया कल ही कर लेना है सर उन बोला तो नहीं है ना कोई कंपलसरी थी नेक्स्ट वीक ही करना है कल ही करना है बोल रहा है कल ही बोल रहे बोर्ड डिसाइड कर रहा है तो आप तो दे नहीं पाएंगे तो जो भी पॉसिबल मीन्स है तीन दिन पहले तो दो ही नहीं पाओगे कल ही कर रहे हो तो ई मेल ईमेल भेज के बता दो उनको ठीक है सर समझ के अब ध्यान से समझना ये तो हो गया यहाँ पे अब मैं तुमको ना कुछ केस स्टडी देना चाहता हूँ अब जैसे कि मैंने आपको बताया देखो कोरम प्रेजेंट था मीटिंग थी कोरम प्रेजेंट था प्रेमाइसिस में आग लग गई थी तो इसलिए मीटिंग को एडजर्न किया अब समझना यहां पे कोरम था लेकिन प्रेमाइसिस में आग लग गई थी इसलिए एडजर्न किया कोरम की वजह से एडजर्न नहीं किया कोरम था आग लग गई थी इसलिए एडजर्न किया ठीक है अब एडजर्न में आ गए अपन ये मीटिंग थी यहां पे कोरम तो था लेकिन आग लग गई थी इसलिए एडजन किया कोरम की वजह से नहीं किया आग लगने की वजह से अब एडजन में क्या हुआ एडजन में अब कोई कोरम नहीं है तो फिर से एडजन किया इसको अब आप बोलोगे कि एडजन मीटिंग में भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो मेंबर्स प्रेजेंट शेल बी द कोरम इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट बराबर अब आपका दिमाग में आ रहा होगा सर ये वाली सिचुएशन में ही क्यों नहीं हमने मान लिया कि जितने मेंबर आए उतने कोई कोरम कर लो क्योंकि यह भी तो सर ओरिजिनल मीटिंग एडजन हुई बारीकी यहां पे यह है हम कब बोलेंगे कि एडजेंट मीटिंग में भी कोरम नहीं आया जब पिछले वाली मीटिंग में भी कोरम ना हो तब तो भी वर्ड लगाएंगे ना कि एडजेंट मीटिंग में भी कोरम नहीं आया मैं भी कब बोलेंगे जब ओरिजिनल मीटिंग में भी कोरम ना हो तो एडजेंट मीटिंग में भी नहीं था लेकिन ओरिजिनल मीटिंग में कोरम था कोरम की वजह से एडजन नहीं हुई वो तो आग लगने की वजह से एडजन हुई मैसेप था मैसेप था तो अब जब एडजन में गए तो यहां कोरम नहीं था तो आप ऐसे बोलोगे क्या कि एडजन मीटिंग में भी कोरम नहीं था नहीं पहले में था ओरिजिनल में अब आप एडजन कर रहे हो क्योंकि कोरम नहीं है तो बेस क्या है कोरम की वजह से मीटिंग एडजन होनी चाहिए

ओरिजिनल मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं अब लेकिन एडजन मीटिंग में कोरम प्रेजेंट था लेकिन में आग लग गई तो अब आप क्या बोलोगे क्या बोलोगे एडजन मीटिंग में भी कोरम नहीं आया एडजन मीटिंग में कोरम आया था आग लगने की वजह से आप एडजन कर रहे हो तो अब जब एडजन किए यहां पे एडजन मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आता तो ये भी कहां से आया क्योंकि ओरिजिनल मीटिंग में कोरम नहीं था अब एडजन मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं था तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम तीसरा रिक्विजिनिस्ट ने बुलाया था कोरम प्रेजेंट था लेकिन प्रेमाइसिस में आग लग गई तो इसकी वजह से एडज़न एडज़न किया किया अब किया तो वहां पे कोरम नहीं था कैंसिल तो समझ में आ गया होगा रेगुलर क्लास में और अपन इसको थोड़ा सा विस्तार में करके लेते बट अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है तो भाई और बहनों ये था कोरम के बारे से सारी चीजें कोरम से संबंधित मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ जैसे मिनिमम नंबर में एक सौ तीन के अंदर की इतने कोरम के लाएंगे। अब मैं ना सेक्शन एक और तेरह में आपको लेके जाना चाहता हूं उसको साथ में लिंक करके पढ़वाऊंगा एक था 112 और 113 भी कोरम से संबंधित सेक्शन है ध्यान से इसको समझना फिर इकट्ठा इसके क्वेश्चंस कर लेंगे मजेदार आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी जस्ट अ मोमेंट मैं 112 निकाल लू समझिएगा भाई और बहनों 112 और 113. जस्ट अ मोमेंट गाइस 112 और 113 देख लेता हूं मैं हां जी भाई और बहनों 112 अपने को बोलता है ध्यान से सुनना आपने ना गवर्नमेंट कंपनी जब मेरे से पढ़ा होगा चैप्टर नंबर वन पे तो गवर्नमेंट कंपनी में मैंने आपको बताया था कि कम से कम फिफ्टी वन परसेंट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या फिर किसी एक स्टेट गवर्नमेंट या एक और एक अनेक स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके है या आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा स्टेट गवर्नमेंट government और गवर्नमेंट के पास है तो जब भी मैं बोलता हूं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंपनी के शेयर है या स्टेट गवर्नमेंट के पास कंपनी के शेयर है तो वो शेयर किसके नाम से लिए जाते हैं भाई गवर्नमेंट कौन है गवर्नमेंट बोलने से लोगों के द्वारा मिली गई एक बॉडी जिसको हम सरकार बोल रहे हैं। तो जब भी हम बोलते कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फलानी कंपनी पे शेयर लिया हुआ है कम से कम इतना तो गवर्नमेंट कंपनी होगी तो वो शेयर किसके नाम से लिया जाता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ले रही है बोल रहे तो हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट शेयर ले रहा है उस कंपनी में तो प्रेसिडेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इनके मान लीजिए में प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने क्या लिया हुआ है, है. प्रेसिडेंट और स्टेक गवर्नर तो नहीं आएंगे अरे भाई प्रेसिडेंट जैसे आ जाए तो सिक्योरिटी इतना तामझाम इतना डेफिनेटली उनके लिए आना डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट तो बोले अगर मान लीजिए Of India या गवर्नर ऑफ स्टेट के तो वो चाहे तो एक देंगे उसको डीम्ड टू बी अमेम्बर माना जाएगा डीम्ड टू बी अमेम्बर अब जब मैं बोल रहा हूं उसको डीम टू बी अमेम्बर माना जाएगा यानी कि या तो खुद आ जाए क्योंकि उसको मेंबर माना जाएगा तो उसको काउंट भी किया जाएगा

वो चाहे तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर ले वो चाहे तो पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट कर ले माना जाएगा कि जैसे साक्षात प्रेसिडेंट और गवर्नर खुद आए अब समझना जब भी मैं आपको प्रॉक्सी वाला सेक्शन पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे एक बात बताऊंगा अगर मान लो किसी व्यक्ति ने खुद ना आके अगर किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट किया है मेरे बदले कि ये प्रॉक्सी आएगा ये करेगा तो प्रॉक्सी को बहुत ही लिमिटेड अथॉरिटी है मीटिंग के अंदर जैसे कि प्रॉक्सी ना तो वहां पे कुछ बोल सकता है क्योंकि वो मेंबर नहीं है ना प्रॉक्सी वोट कर सकता है वोट का मतलब दो तरीके से वोट होते हैं सामान्यता जनरली एक होता है शो ऑफ हैंड से एक होता है पोल से शो ऑफ ऑफेंस का मतलब मान लो कंपनी में सौ लाख रुपए लगे आपने पचास लाख रुपए भी लगाए हो ना कंपनी में आप हाथ उठाओगे तो कि हाँ भाई ये वाले रेजोल्यूशन से मैं सहमत हूं कंपनी नई ब्रांच खोलना चाहती हाथ उठा तो दिए आपका एक ही वोट काउंट किया जाएगा लेकिन यही पोल पे क्या होता है आपका सौ लाख में कितना लगा हुआ है पचास लाख यानी कि फिफ्टी परसेंट का शेयर कैपिटल आपके द्वारा है आपका हक आपका वोट पचास गुना काउंट किया जाएगा यानी कि आउट ऑफ हंड्रेड परसेंट ऑफ द वोटिंग पावर योर वोटिंग पावर विल काउंट एस फिफ्टी परसेंट पोल पे आपका पेडअप शेयर कैपिटल पे इक्विटी पेडअप शेयर कैपिटल में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उस हिसाब से आपके वोट वोटिंग का वेटेज बढ़ जाता है तो प्रॉक्सी जो है ना वो शो ऑफ फ्रेंड्स में वोट नहीं कर सकता वो पोल पे ही वोट कर सकता है जब अगर पोल होगा ना और पोल डिमांड करना पड़ता है या चेयरमैन खुद कर लेता है पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे तब वो वोट करेगा प्रॉक्सी, तो ना तो प्रॉक्सी को बोलने का हक होता है ना तो प्रॉक्सी को शो ऑफ फ्रेंड्स में वोट करने का हक होता है उसे पोल पे वोट कर सकता है तो ये जो मेंबर है ये तो मेंबर अगर खुद आया ये जो रिप्रेजेंटेटिव है खुद आया तो ये तो है तो मेंबर तो बोलेगा भी शो ऑफ हैंड्स में भी वोट करेगा मान लो ये, जो है, ये अगर पे वोट नहीं करेगा एक पोस्टल बैलेट भी होता है पोस्टल बैलेट क्या होता है इस पर मीटिंग ही नहीं होती है आएगा आगे ये थोड़ा सा सुन लो पोस्टल बैलेट में ऐसा होता है कि घर पर रेजोल्यूशन भेज दिया जाता है हर मेंबर के वो वहां से यस नो करके भेजता है इतना फिलहाल समझ लो ठीक है जी तो रिप्रेजेंटेटिव अगर अपॉइंट कर दिए तो मेंबर माना जाएगा वो मेंबर माना जाएगा जैसे उसको प्रॉक्सी अपॉइंट करना है प्रॉक्सी अपॉइंट करे खुद जाना है खुद जाए माना जाएगा कि जैसे प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास एज अ मेंबर राइट है वो वही सारे राइट एक रिप्रेजेंटेटिव के पास है ठीक है जी चलिए 113 पे आते हैं 112 हो गया एक सौ बारह पे प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे से बोला एक सौ तेरह क्या बोल रहे एक सौ तेरह बोलता है कि भाई अगर मान लो एक कंपनी की मेंबर कोई दूसरी कंपनी है तो देखो लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट वेदर कंपनी और नॉट इन दिस एक्ट कहने का मतलब यह है फॉरेन कंपनी भी होती है तो मान लीजिए अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड है या अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड है मेरी कंपनी की मेंबर एक बाहर की कंपनी है फॉरेन कंपनी है फॉरेन कंपनी कब कहते हो जब इनकॉर्पोरेट इंडिया में है सॉरी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया पे है और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया पे है या तो इलेक्ट्रॉनिकली या तो फिजिकली या तो एजेंट के थ्रू और आप बिजनेस कर रहे हो इंडिया में तो बने बाहर बिजनेस इंडिया में करें मोटा मोटा अगर बोलू तो फॉरेन कंपनी कहते हो लेकिन आप कंपनी तो नहीं हो ना आप फॉरेन कंपनी हो एक टर्मिनोलॉजी होती उस होती body corporate. Body corporate एक है कोई भी कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेटेड होती है इनकॉर्पोरेट हुई लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में और काम कर रही अब ऐसी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं तो उसका फॉरेन कंपनी तो बोलोगे नहीं बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हो कि बाहर की बाहर ही है कुछ काम ही नहीं उसको आप बॉडी कॉर्पोरेट बोलोगे कंपनीज एक्ट की भाषा पे बाहर वाले उनको अपनी भाषा में कंपनी बोलते होंगे लेकिन कंपनी दो हजार तेरह के हिसाब से कंपनी वो कंपनी कहलाएगी जो कंपनीज एक्ट दो हजार तेरह पे इनकॉर्पोरेट है या प्रीवियस कंपनी लॉ पे सीधी सी बात करूं इंडिया इंडिया की कंपनीज एक्ट में कोई भी इंडिया का कंपनीज एक्ट में इंडिया का कंपनीज एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है तो कंपनी

2013 या प्रीवियस कंपनी ठीक है जी? तो बॉडी कॉर्पोरेट या तो वो क्या है Member है है मेंबर यानी कि कोई कंपनी कंपनी बाहर बाहर की, बाहर की हो अच्छा जरूरी नहीं बॉडी कॉर्पोरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पॉसिबल है, एक है। तीनों आ जाएंगे कंपनी, फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट किसी दूसरी कंपनी की कौन सी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है कंपनी मेंबर, या मान लो कोई क्रेडिटर है इंक्लूडिंग डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर में बैंक भी हो सकता है डिवेंचर होल्डर एक बैंक भी हो सकता है तो भैया बैंक खुद चल के तो आएगा नहीं और कंपनी अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि चाहे कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी वो अगर मेंबर है किसी कंपनी की जो भारत की है तो बोले वो कैसे आएंगे कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बैंक का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो बोले वो भी ऑथराइज है मतलब उनको भी पावर दिया कि तुम किसी पर्सन को अपॉइंट कर लो अपना रिप्रेजेंटेटिव बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन तो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मेंबर है तो हम अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके मान लो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के सीएस को ऑथराइज कर दिया जाओ जरूरी नहीं कि सीएस को करना है एनी पर्सन लिखा है तुम कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को भी ऑथराइज कर दो कि भाई तुम अटेंड करके ले आओ तो वो सिक्योरिटी गार्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाएगा ऑफ अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड का और उस पर्सन को मेंबर माना जाएगा कि वो साक्षात मेंबर आ रहा है यानी कि अर्जुन छावड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड साक्षात आई उसको एज अ मेंबर काउंट किया जाएगा कोरम में सेम राइट्स एंड पावर एज अंडर सेक्शन 112 जैसे 112 में बोला ना रिप्रेजेंटेटिव को जो पावर थी सेम जैसे माना जाएगा कि साक्षात प्रेसिडेंट और गवर्नर जा रहे वैसे ही माना जाएगा कि कंपनी खुद जा रही है डिवेंचर होल्डर या क्रेडेटर खुद जा रहा है तो ये था बेटा 112 और एक इसको मैंने साथ में इसलिए पढ़ा है कि अब जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको सारी चीजें दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगी तो फटाक से हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं सो तो भाई और बहनों क्वेश्चन नंबर एट कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा इसको पी क्यू लिमिटेड है पी क्यू लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है क्वेश्चन में मेंशन है पब्लिक कंपनी है रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई पे है और उसके थ्री सिक्स एट जीरो मेंबर्स है कंपनी ने नोटिस भेजा सारे मेंबर्स को जनरल मीटिंग के लिए पर्सनली प्रेजेंट वर्ड में ध्यान देंगे क्या लिखा है ट्वेल्व पर्सनली प्रेजेंट अब मेरे भाई और बहनों कायदे से अगर आप देखोगे तो जहां पे अपने को थ्री सिक्स एट जीरो मेंबर है यानी कि हजार से ज्यादा अगर हजार से ज्यादा मेंबर होते हैं तो अपने को 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट चाहिए होते हैं यहाँ पे सिर्फ 12 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है मेरे ख्याल से आपने अज्यूम कर लिया होगा क्वेश्चन क्या चेयरमैन ने अर्जन कर दिया मीटिंग को सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस तो चेयरमैन ने बोला क्योंकि कोरम नहीं है तो सेम डे में यानी कि मंडे था तो अगले हफ्ते के मंडे यानी कि नेक्स्ट वीक सेम टाइम एंड प्लेस पे वहीं रजिस्टर्ड ऑफिस में ग्यारह बजे अगले हफ्ते अगले हफ्ते यानी कि अगले मंडे अब मीटिंग में सिर्फ दस गए चेयरमैन ने मीटिंग शुरू कर दी साढ़े ग्यारह के बाद क्योंकि आधा घंटा अपने को वेट करना है ग्यारह बजे मीटिंग का टाइम था साढ़े ग्यारह बजे चेयरमैन ने मीटिंग शुरू कर दी रिजोल्यूशन पास हो गया आफ्टर डिस्कशिंग एज पर द एजेंडा रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है

तो जब मोर देन थाउजेंड होते हैं और होते तो अपने को 15 member personally present होते हैं। आप थे इसकी वजह तो जितने members है उनको कोरम मान लिया जाएगा और मीटिंग शुरुआत कर दी जाएगी तो चेयरमैन ने कोई गलत तो नहीं किया मेरे हिसाब से आइए इसके क्रक्स आंसर लिख लेते मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं फटाफट इसके क्रक्स आंसर लिख लेते आपके आपके दिमाग में ना पिक्चर छप जाए जस्ट अ मोमेंट गाइस लिखिएगा भाई और बहनों सबसे पहले तो सेक्शन का रेफरेंस क्रक्स आंसर दे रहा हूं मैं आपको सेक्शन 103 तीन आएगा कंपनीज एक्ट 2013 का दूसरा करेक्ट आंसर अपने को 50 मेंबर्स चाहिए पर्सनली प्रेजेंट चाहिए वो भी ठीक है क्योंकि अपने मेंबर्स उतने हैं ठीक है और ये कब लगता है जब इफ नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज मोर देन वन थाउजेंड बट अप टू फाइव थाउजेंड ठीक है जी तीसरा अगर जो कोरम है वो अगर प्रेजेंट नहीं होता विद इन हाफ आवर मीटिंग क्या हो जाएगी एडजेंट और एजेंट हो सकता है नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम में हो सेम प्लेस में हो और एज दोर्ड में डिटरमाइन चौथे में लिखे एडजेंट मीटिंग ऑल्सो नो कोरम मेंबर्स प्रेजेंट जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे कोरम मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम ठीक है जी अब यहां पे सीधा कंक्लूजन ये है कि चेयरमैन ने क्या कर दिया कि भाई एडजर्न मीटिंग में भी दस मेंबर जब आए उनने मीटिंग शुरू कर दी तो पांचवा पॉइंट एजीएम कंडक्टेड बाय पीक्यू लिमिटेड आफ्टर एडजर्नमेंट इज वैलिड अब इसी सिचुएशन में ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मान लीजिए मान लीजिए कि भाई ये प्राइवेट कंपनी होती तो प्राइवेट कंपनी होती तो दो मेंबर चाहिए थे तो अगर दो मेंबर होते तो कोई बात ही नहीं थी यहाँ पे तो काफी सारे आए थे और अपना मीटिंग सक्सेसफुली हो सकता था एक ये है दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करके लेते हैं एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे पास इससे रिलेटेड कोरम का ध्यान से समझिएगा इसको देखो क्या लिखा है कविता है कविता, है। कविता ने कविता लिमिटेड एक मीटिंग शेड्यूल करती है को है 2020 को 11 बजे कंपनी के पास टोटल 900 मेंबर हैं 11 मार्च 2020 को साढ़े ग्यारह बजे इतने लोग प्रेजेंट है और 11 मार्च अपनी क्या है एजीएम की डेट है तो पी वन पी टू पी थ्री ये अवेलेबल हैं ये कंपनी के शेयर होल्डर हैं पी फोर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एबीसी लिमिटेड को और पी फाइव जो है वो डीईएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि एबीसी लिमिटेड लिमिटेड और डीईएफ ये दो कंपनी है तो इन दो कंपनी के पी फोर और पी फाइव रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव है ठीक है और पी सिक्स और पी सेवन जो है ये प्रॉक्सी है शेयर होल्डर के यानी कि बदले में आए पी सिक्स और पी सेवन के बदले में आए अब बोल रहा है एग्जामिन विद रेफरेंस टू रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013

तो हैं क्या पांच मेंबर बिल्कुल है पांच मेंबर समझ में आ गया अपने को ठीक है अब भाई और बहनों पूछ रहा है कि भाई कोरम प्रेजेंट है कि कि नहीं मीटिंग में तो तो मेरे ख्याल से तो भाई बराबर प्रेजेंट है 11 बजे बजे का टाइम था तक यानी आधे घंटे में वे आर प्रेजेंट बाय इलेवन थर्टी एम इन हाफ एन आवर जो रुकने का समय होता है पांच लोग यहां पे हैं तो पहले वाले के हिसाब से तो कोरम प्रेजेंट है दूसरा बोले मान लो P4 जो है जो कि ABC लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर ये नहीं होता तो क्या होता ये लिखा है आधा घंटा वेट करते हैं तो मेरे हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी मीटिंग एडजेंट हो जाएगी क्यों कोरम प्रेजेंट नहीं है बिल्कुल करेक्ट बात है सर आइए इसको लिख लेते इसका क्रक्स आंसर लिख रहे हैं जस्ट मोमेंट लिखेगा भाई और बहनों पहला अगेन सेक्शन नंबर कौन सा है 103 है ठीक है नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से अपने को कितने चाहिए पांच मेंबर पीपी यानी कि पर्सनली प्रेजेंट तीसरे में अपन लिखेंगे कि पी वन पी टू एंड पी थ्री विल बी काउंटेड एस मेंबर्स ठीक है जी उसके बाद चौथे में लिखेंगे P4 फोर एंड पी फाइव विल बी काउंटेड एज टू मेंबर्स फिफ्थ में लिखेंगे पी सिक्स एंड पी सेवन बींग प्रॉक्सी शेल नॉट बी काउंटेड इन कोरम सिक्स में लिखेंगे हेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम इज फुलफिल्ड ठीक है जी और लास्ट में लिखना है कि मान लो अगर ये बंदा नहीं रहता पी फोर नहीं रहता तो क्या होता सेवेंथ वाले पे फ पी फोर रीचेस आफ्टर इलेवन थर्टी ए एम द मीटिंग विल बी अर्जेंट ये सारे मैंने आपको क्रक्स लिखवाया मैं बता दू ये रेगुलर आंसर नहीं है पहले तो आपको प्रोविजन भी लिखना पड़ेगा कि भाई इतने से इतने में इतने मेंबर होने चाहिए इतने से इतने में इतने मेंबर होने चाहिए ठीक है तो आपको ये क्रक्स आंसर है इससे आपको पूरा बन जाएगा लेकिन थोड़ा सेक्शन कोट करके एक्सप्लेन करके आपको समझाना पड़ेगा ये भी हो गया जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करके लेते हैं इस क्वेश्चन में आपकी और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी साथ साथ में चलते जाइएगा क्वेश्चन नंबर 19 जैसा कि आप देख रहे स्क्रीन पे बोल रहा है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनी रिलेटिंग टू कोरम फॉर जनरल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी ये जरूरी है पब्लिक कंपनी टोटल थर्टी मेंबर्स जिसपे से दो मेंबर्स बॉडी कॉर्पोरेट है और एक मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि उनतीस में दो मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट है और एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब आपको बताना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड है बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएगा जनरल मीटिंग में और क्या उसको कोरम के लिए काउंट किया जाएगा और क्या वो रिप्रेजेंटेटिव वोट कर सकता है जनरल मीटिंग में तो तीन बात है क्या जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा क्या कोरम में काउंट होगा क्या वो कोरम काउंट होने के बाद वोट कर सकता है क्या अब एक क्वेश्चन आपको सेकंड में पूछा उसके लिए थोड़ी सी ना चीजें समझना एक कांसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो आज की ही क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे टाइम परमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दो प्रकार की होती है ई e वोटिंग मैं बोलूं दो प्रकार की होती है एक होती है जनरल मीटिंग में ई e वोटिंग और एक होती है रिमोट ई वोटिंग यहां पे जिस ई e वोटिंग की बात कर रहे हैं वो रिमोट वोटिंग e है समझिएगा कैसे आजकल क्या हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो ऐसा होता है कि आप कभी एयरपोर्ट गए हो तो स्क्रीन बनी होती है जिसमें आप अपना पीएनआर नंबर डाल के बोर्डिंग पास निकाल लेते हो उसी प्रकार से कंपनी में भी यदि की वोटिंग नहीं होती है पोल के द्वारा हो रही है तो ना स्क्रीन लगी होती है कंपनी में अलग अलग जैसे बोर्डिंग पास के लिए स्क्रीन पासपोर्ट पे एयरपोर्ट पे लगी होती है तो आप जाओ वहां पे शेयर होल्डर को अपना एक नंबर डालना होता है जिसको आप फोलियो नंबर भी बोल सकते हो वो जैसे ही डालता है तो उसका जितना शेयर कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से दिखा जाता है कि हाँ भाई तुम अगर वोट करोगे तो कितना अकाउंट होगा तो आपके सामने रिजोल्यूशन आ जाता है आप यस नो करो और वो वोटिंग सबमिट हो जाती है एक तरीका पोल का भी है जिसपे आपको पोल दिया पोल का मतलब आपको एक पेपर दिया जाता है उस पर रिजोल्यूशन रहता है उस पर आप अपना ना डाल सकते हो और वो एक बॉक्स में डाल दिया जाता है फिर बाद में स्क्रूटनाइजर उसकी स्क्रूटनी करता है देखता है कि भाई हर रेजोल्यूशन में कितने लोगों ने कितने वेटेज का वोट दिया पास हो जाता है एक जो ई e वोटिंग की बात है एक शो ऑफ एंड हो गया पोल हो गया शो ऑफ एंड में आपके पास कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहे आपका एक ही वोट गिनाएगा उस पर प्रपोर्शन नहीं देखते कि आपने कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल में कितने पैसे लगाए वन हैंड वन वोट शो ऑफ एंड की तरह वोट करते हो पोल पे आपका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आपका वोटिंग का वेटेज कैलकुलेट होता है एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में आप घर बैठे वोट करते हो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का लाया भी इसलिए गया है कि जो शेयर होल्डर है पार्टिसिपेट करें तो ई e वोटिंग के कंसेप्ट में क्या होता है मेरे भाई और बहनों आप घर से वोट करते हो एजीएम होती है अपनी जगह लेकिन मान लो कंपनी पुणे की है पुणे में रजिस्टर्ड ऑफिस है आप गुजरात के हो आप दिल्ली के हो आप आओगे फ्लाइट का खर्चा करोगे रहने का खर्चा करोगे इससे बेहतर आप घर बैठे बैठे भी वोट दे सकते हो ये कॉन्सेप्ट है ई वोटिंग का आप चाहो तो एजीएम में भी आ सकते हो ई वोट करने के बाद लेकिन एक बार आपने वोट कर दिया तो आप एजीएम में आ जाओ ऑब्जर्व करो क्या डिस्कशन हो रहा है वोट नहीं कर सकते दोबारा लॉजिकल है भाई जब घर से बैठ के वोट करके आ गए हो एजीएम हो रही है चाहो तो एजीएम में आके वोट कर दो चाहे घर बैठे वोट कर लो सुविधा बराबर है लेकिन अगर घर में बैठे बैठे ई वोटिंग का इस्तेमाल करके वोटिंग कर ली तो एजीएम आओ वोट करने नहीं मिलेगा घर से नहीं क्यों एजीएम आओ भी अटेंड भी करो वोट भी करो अब दूसरा क्वेश्चन अपने को यही बोल रहा है लिस्टेड कंपनी का एक मेंबर है ठीक है इफ अ कास्टेड हिज वोट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अपना वोट दे चुका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कैन अटेंड जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हा अटेंड कर सकता है क्या अपना वोट चेंज कर सकता है बाद में यानी कि पहले कुछ दिया क्वेश्चन क्या वो लिए क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि भाई अगर आता है तो ना तो उसको बोलने का अधिकार होता है ना तो वो शो ऑफ हैंड्स में वोट कर सकता है वो सिर्फ पोल पे वोट कर सकता है अगर पोल डिमांड हो रहा है तो यानी कि पोल डिमांड नहीं भी हो रहा है यानी कि सिर्फ शो ऑफ हैंड्स में वोटिंग हो रही है तो प्रॉक्सी का हक ही नहीं है वोट करने का तो भाई जब तुमने घर बैठे बैठे वोट दे दिया है तो तुम्हारे को प्रॉक्सी का काम क्या वैसे भी बोलने का अथॉरिटी नहीं तो मेरे हिसाब से तो आप प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते और अपना वोट भी नहीं चेंज कर सकते तीसरा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन में डिफरेंस बताने बोला तो इसी क्लास में पढ़ेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है पहले अपन सबसे पहले वाले का आंसर करते हैं फर्स्ट वाला क्या रिप्रेजेंटेटिव

पहले इसका क्रक्स आंसर लिख लो जितना आपको समझा हुआ है उस हिसाब से उसके बाद जो एडिशनल चीजें अपन आराम से कर लेते हैं समझिएगा ध्यान से लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स चलिए लिखिएगा फटाफट सबसे पहला पॉइंट क्रक्स आंसर का कि यहां पे अपने को क्योंकि तीस मेंबर है अब टू थाउजेंड है तो फाइव मेंबर्स पीपी चाहिए शैल बी द कोरम शैल बी द कोरम दूसरी अगर बात करें सेक्शन 113 अपने को क्या बोलता है कि भाई एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी की मेंबर है तो रिप्रेजेंटेटिव शेल बी डीम टू बी अ मेम्बर प्रेजेंट इन पर्सन एनकाउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम एंड Entitled to टू वोट यही बात कहता है प्रेसिडेंट वाले बंदे के लिए सेक्शन 112 यही बात बोलता है प्रेसिडेंट वाले बंदे के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव और सेम चीज ऊपर वाली काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कोरम एंड एंटाइटल टू वोट जो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं ठीक है जी यहां तक की बात हो गई सेकंड वाले का जो क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाले का उसको एक बार लिख लीजिएगा क्रक्स आंसर फिर मैं आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन के बीच का डिफरेंस बता देता हूं ध्यान दीजिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स जो ई e वोटिंग वाला है ना उसका रूल है जो कि टाइम परमिट होगा तो करेंगे रूल नंबर ट्वेंटी के अंदर ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि भाई एक बार आपने वोट कर दिया ना तो शेल नॉट बी इंटाइटल टू वोट है आपका ठीक है तो मेंबर्स कास्टेड देयर वोट By remote e voting prior to the meeting, may also attend the meeting, but shall not be entitled. टू कास्ट देयर वोट अगेन ठीक है जी चेंज कर सकता है क्या वोट तो कैन नॉट चेंज हिज वोट सब्सिक्वेंटली एंड इज नॉट परमिटेड अपॉइंट अप्रोक्सी बात कर लेते हैं मेरे बच्चों और ऑर्डिनरी रेजोलूशन सेक्शन कवर हो जाएगा जो सेक्शन नंबर वन हंड्रेड फोर्टीन में तो बेटा वन हंड्रेड फोर्टीन के अंदर अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के बारे से डिफरेंस बताया हुआ है ध्यान से समझिएगा इसको एकदम आराम से थोड़ा सा बारीक कंसेप्ट है लेकिन मजेदार है मिनट से ज्यादा मुझे नहीं लगता इसमें लगेगा बोल रहा है को ऑर्डिनरी बोलोगे जब नोटिस रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट हैज बीन ड्यूली गिवन नोटिस दे दिया किसी भी एजीएम का जिस पे जो भी निर्णय लेना है वो एक रेजोल्यूशन पास करके लिया जाता है रेजोल्यूशन दो प्रकार के एक ऑर्डिनरी और एक स्पेशल क्या फर्क होता है वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन लाइन इंपॉर्टेंट है वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन से समझना इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बड़े आराम से बारीक कंसेप्ट है समझना मान लीजिए भाई एक कंपनी है अर्जुन छाबड़ा टूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड टोटल हंड्रेड मेंबर्स है उसके अब इस हंड्रेड में मीटिंग में प्रेजेंट कौन है भैया प्राइवेट कंपनी में तो ऐसा है ना दो मेंबर भी पर्सनली आ गए तो कोरा में अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर मान लीजिए दस मेंबर आए अब इस लाइन को अगर बेस बनाए वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन एक्सीड वोट कास्ट अगेंस्ट यानी कि जितने अगेंस्ट में वोट अगेंस आए उससे ज्यादा फेवर में आने चाहिए तो बोला जाएगा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया अब मीटिंग में कंपनी ने बोला कि भाई सपोज डिविडेंड के बारे से बात चल रही है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कि भाई डिविडेंड हम इतना रिकमेंड कर रहे हैं बोर्ड बोल रहा है कि भाई हम 10 परसेंट डिविडेंड देना चाहते हैं बताइए आपकी सहमति है तो भाई शेयर होल्डर का मन हो सकता है लगे कि भाई नहीं इसको और इन्वेस्ट कर दो बाद में देना तो भाई दस मेंबर में से मान लो तीन अगेंस्ट में है इस बात के कि भाई नहीं डिविडेंड नहीं देना है बराबर है क्या अब क्या बोल रहा है कि भाई वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन एक्सीड होना चाहिए वोट कास्ट अगेंस्ट में अगेंस्ट में कितना हुआ अगेंस्ट में हुआ तीन बराबर है क्या अब चार लोग फेवर में वोट कर दिए बोले हा हा भैया डिविडेंड दीजिए बिल्कुल टोटल देखोगे तो सात लोगों ने वोट किया बच्चे हुए तीन क्या कर रहे हैं तीन साइलेंट बैठे हुए इसको बोलते हैं वोट नहीं कर रहे फ्रॉम वोटिंग लेकिन इससे कोई फर्क पड़ेगा हमारा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ हमारे ख्याल से तो हो गया भाई क्योंकि सीधा सीधा एक बात बोली कि वोट जो कि अगेंस्ट में है उससे ज्यादा अगर फेवर में आ जाएगा तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास तो भैया वोट अगेंस्ट में कितना था तीन था फेवर में कितना है चार क्या ज्यादा है हाँ ज्यादा है ये तो बोला है यहाँ पे वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन जो फेवर में होगा वो एक्सीड करना चाहिए अगेंस्ट के तो फेवर वाला जो है वो चार है अगेंस्ट वाला है तीन में तो क्या एक्सीड कर रहा है तीन से ज्यादा है चार पास इससे मतलब नहीं है कंपनी में टोटल मेंबर कितने हैं मतलब इससे है कि कितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट है और कितने लोग अगेंस्ट में कर रहे उससे ज्यादा होना चाहिए एक भी ज्यादा है तो एक्सीड हो गया ये तीन फाइलेंट है इससे भी कोई लेना देना नहीं है समझ में आया सर सर मान लीजिए कि सर चार अगेंस्ट में रहते सर तो पांच फेवर चाहिए भाई और पास हो जाएगा सर मान लीजिए मान लीजिए चार अगेंस्ट में थे सर और फेवर में थे सबके सब वोट कर रहे तो भी पास हो गया अब मान लीजिए सर एक परिस्थिति ऐसी आ सकती है सर जहां पे पांच मेंबर फेवर में हैं और पांच मेंबर अगेंस्ट में हैं ये हो गया सर टाई अब यहां पे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है चेयरमैन चेयरमैन के पास होता है कास्टिंग कास्टिंग वोट। वोट और ये कास्टिंग वोट वो तभी मतलब ये है अब टाई हो गया पांच फेवर में पांच अगेंस्ट में अब चेयरमैन अगर बोल दिया अगेंस्ट तो रिजोल्यूशन फेल चेयरमैन बोल दिया कि भाई फेवर में तो रिजोल्यूशन पास डिपेंड करता है कि कैसे वोट हो रहा है शो ऑफ हैंड्स में हो रहा है तो शो ऑफ हैंड कर देगा बराबर है क्या इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट कास्टिंग वोट पिक्चर में आता ही तभी है जब टाई हो जाता है तब अब इसमें मैं मान लो मैं बोलता हूं कि चेयरमैन जो है वो खुद एक मेंबर है कंपनी का हो सकता है पॉसिबल है ये जो कंपनी का चेयरमैन है पॉसिबल वो कंपनी का मेंबर भी हो यानी कि उस जनरल मीटिंग में जो चेयरमैन है कोई बड़ी बात नहीं है वो कंपनी का मेंबर ना हो और कोई बड़ी बात नहीं वो कंपनी का मेंबर मेंबर खुद हो तो आप मान लो कि जो मेंबर फेवर पे हैं और अगेंस्ट में, में, में चेयरमैन खुद है यानी कि जो पांच फेवर दिए उसमें चेयरमैन खुद इन्वॉल्व है और पांच जो अगेंस्ट है वो अन्य है अब चेयरमैन के पास एक कास्टिंग वोट भी है क्योंकि टाई हुआ मैं फिर बोल रहा हूं कास्टिंग वोट का पिक्चर में आना तब होगा जब टाई होता है टाई नहीं हुआ पिक्चर पे नहीं आएगा चेयरमैन खुद था उन पांच में। खुद था खुद फेवर में किया अब हो गया, गया कास्टिंग वोट आ पिक्चर में कास्ट किया कि फेवर में पास मान लो उन पांच में चेयरमैन नहीं है ना अगेंस्ट में चेयरमैन है टाई हो गया चेयरमैन के पास आया कास्टिंग वोट अब वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर लेगा कि भाई फेवर में करना है कि अगेंस्ट में उस हिसाब से रेजोल्यूशन पास एक ज्यादा चाहिए अगेंस्ट से एक भी ज्यादा है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास स्पेशल की बात करते हैं स्पेशल की बात करते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है इसमें की टेक अवे क्या ध्यान से समझना इससे मतलब नहीं है कि कंपनी में टोटल कितने मेंबर है मतलब इससे है कि मीटिंग में प्रेजेंट कितने हैं और मतलब इससे है कि जितने अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं उससे एक भी ज्यादा अगर फेवर में तो क्या वो एक्सीड कर रहे फेवर वाले हाँ इससे मतलब है कोई साइलेंट बैठा है वोट नहीं कर रहा उससे भी मतलब नहीं है बट मीटिंग में जितने प्रेजेंट है उसमें जितने लोग अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं उससे अगर एक भी ज्यादा एक्सीड हो रहा है फेवर में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कास्टिंग वोट पिक्चर में तब आएगा जब टाई हो जाएगा चेयरमैन के पास होता है कास्टिंग वोट टाई होने पे ही कास्टिंग वोट का आएगा नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं और जैसा कास्टिंग वोट में चेयरमैन ने वोट दिया हिसाब से रेजोल्यूशन पास हो गया ठीक है सर स्पेशल रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन को कब स्पेशल बोला जाएगा कुछ कंडीशंस पूरी होगी तब पहला इंटेंशन कि भाई आप इसको एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे हो ये नोटिस पे स्पेसिफाइड है यानी कि कंपनी एक नई ब्रांच खोलना चाह रही है और इसके लिए कंपनी इसका निर्णय स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लेगी बात लिखना है इंटेंशन आपको नोटिस में बताना है कि स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस कॉलिंग द जनरल मीटिंग और अदर इंटीमेशन गिवन टू द मेंबर्स बताना है माइंडसेट करके आएंगे वो कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा नोटिस ऑफ द मीटिंग गिवन ड्यूली गिवन यानी कि कानून पे जैसे लिखा है उस तरीके से नोटिस देना है कानून पे क्या लिखा है सेक्शन पढ़ेंगे नोटिस का वो अगर आपने पूरा रिक्वायरमेंट पूरा किया उसको बोलते ड्यूली ड्यूली गिवन गिवन सही सही तरीके तरीके से से नोटिस को देना गिवन. और सही देना यहां तरीका यानी कि कानूनी कानून ने जैसा बताया तीसरा वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन और नॉट लेस देन थ्री टाइम्स द वोट कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन यहां पे अपना जो की पॉइंट है वो ये है वोट जो फेवर में हो रहा है ना ऑफ द रिजोल्यूशन वो कम से कम नॉट कम से कम तीन गुना होना चाहिए और the vote cast against the resolution. बहुत बढ़िया. लेंगे. मैं कहता हूं यही वाली चीजों को ले लेते दोबारा अर्जुन छाबड़ा प्राइवेट लिमिटेड है सौ मेंबर है दस प्रेजेंट है कॉपी किया नई स्लाइड खोला यहां पे मैंने पेस्ट मारा समझिएगा भाई और बहनों अर्जुन टूटोरियल जो वोट फेवर में वो कम से कम तीन गुना होने चाहिए वोट अगेंस्ट में क्या बात हो रही है नया ब्रांच खोलना है कंपनी का वोट कीजिए तीन लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया अब अगर जैसा स्पेशल रिजोल्यूशन बोला है कि भाई इसके लिए ये वाले बिजनेस के लिए कि नई ब्रांच खोलना है इसके लिए बताया गया स्पेशल पास करना तो तीन अगेंस्ट में है तो बोला जितने वोट्स अगेंस्ट में है ना उससे कम से कम तीन गुना फेवर में होने चाहिए कम से कम तीन गुना फेवर में होने चाहिए यानी कि अगर 3 अगेंस्ट में है तो 3 गुना इसका अगर आप करोगे तो *3 अगर करोगे तो 3 थ्री 3 कितना आता है 9 यानी कि कम से कम नौ लोग फेवर में होने चाहिए तब जाके एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा भावना समझो ध्यान से लाइन यहां पे क्या बोला कि भाई वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन आर नॉट लेस देन जो फेवर में होगा आर नॉट लेस देन थ्री टाइम्स तीन गुना से कम नहीं होना चाहिए द वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन अगेंस्ट द रेजोल्यूशन कितने लोग हैं तीन लोग हैं अब इसका तीन गुना करो थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा अपने को कम से कम नाइन क्या चाहिए चाहिए. पॉसिबल है क्या टोटल तो दस मेंबर तो आए हैं तीन मना कर दिए अब दस मेंबर में अगर तीन मना कर दिए तो सात बचते हैं सात के साथ फेवर में भी कर दिए तो कम से कम अपने को नौ चाहिए भाई तब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा समझिए मेंबर से मान लीजिए कंपनी में प्रेजेंट मतलब मीटिंग में, में प्रेजेंट इन पंद्रह में तीन अगेंस्ट में है। अब अगर एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है तो कम से कम मिनिमम नाइन मेंबर्स फेवर पे वोट करेंगे तो अगेंस्ट में जितना है उसका तीन गुना फेवर पे है तो रेजोल्यूशन पास तो नौ दस ग्यारह बारह मान लो जो तीन मेंबर है वो वोट भी नहीं कर रहे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है जितने अगेंस्ट में है ना जितने अगेंस्ट में है, उससे तीन गुना फेवर में होने चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास माना जाएगा तीन नहीं भी कर रहे कोई दिक्कत नहीं है ना तीन अगेंस्ट में थे हमने उसका तीन गुना किया नौ फेवर में आ गए तो टोटल हो गए ग्यारह ग्यारह नौ दस दस बारह और तीन वोट नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है बट अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कम से कम तीन तीन गुना वोट फेवर पे है नॉट लेस अपने को ठीक है नॉट लेस थ्री टाइम्स वोट फेवर में होने चाहिए अब और एक बात बताता हूं मान लीजिए कि भाई दो लोग अगेंस्ट में हैं तो फेवर में चाहिए बराबर है क्या चार लोग अगेंस्ट में हैं, तो इसका तीन गुना अगर आप करोगे तो बारह लोग फेवर पे चाहिए क्योंकि चार अगेंस्ट में तो इसका तीन गुना बारह लोग चाहिए तो भाई जितने वोट आपके अगेंस्ट में हैं, उससे तीन गुना फेवर पे होंगे इसको बोला जाएगा आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना ठीक है सर समझ में आया सर आगे बढ़ते तो आपका एक सेक्शन और कवर हो गया 103 कवर हो गया कोरम 112 कवर हो गया 113 कवर हो गया 114 कवर हो गया डिफरेंस बिटवीन स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आगे बढ़ के लेते मेरे भाई और बहनों और कौन सा क्वेश्चन है देखते फटाफट एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री बहुत प्यारा यानी कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है इससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे तो देखिएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है आजाद लिमिटेड का वो बोल रहा है कि भाई पर्सनल प्रेजेंट ऑफ सेवन है देखो आर्टिकल में ही बोल दिया है कि भाई सात मेंबर चाहिए पर्सनल प्रेजेंट चाहिए आर्टिकल पे ही बोल दिया कंपनी के नौ सौ पैंसठ मेंबर है नाइन सिक्स अब टू थाउजेंड है तो एक्ट बोलता है कि पांच मेंबर पर्सनली प्रेजेंट लेकिन इनके आर्टिकल पे ही साथ लिखा हुआ है ठीक है

बी एंड सी बी एंड सी शेयर होल्डर्स ऑफ द प्रिफरेंस शेयर बी एन सी जो है वो क्या है शेयर होल्डर्स है किसके शेयर होल्डर्स हैं प्रेफरेंसर्स बी एनसी शेयर होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दो कंपनी को एक वाई लिमिटेड को और एक जेड लिमिटेड को यानी कि दोनों कंपनी ने एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया यानी कि वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड ने डी को अपॉइंट किया उसके बाद अपने को बोल रहा है ई एफ जी एच ये प्रॉक्सीज हैं शेयर होल्डर्स के और बाकी जो शेयर होल्डर हैं उनके प्रॉक्सीज हैं अब प्रश्न ये आता है सबसे पहले यहां पे बोला है सात मेंबर चाहिए अपने को पर्सनल आर्टिकल पे बोल दिया सात पर्सनल चाहिए तो भैया सात तो लगेंगे इनको मैं एक गिन लेता हूं जो गवर्नर है दूसरा मैं प्रिफरेंस शेयर होल्डर को गिनूं कि नहीं गिनूं ये मुझे आप बताइएगा मैं अभी तीसरे में जाता हूं डी रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को और जेड को तो इसको मैं एक गिनूंगा कि दो गिनूंगा लॉजिक लगा के सोचेंगे कहीं पे भी कंपनीज एक्ट 2013 पे ये नहीं बोला कि भाई एक ही व्यक्ति दो कंपनी को एट अ टाइम रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कंपनीज एक्ट में मेरी जानकारी पे नहीं है ठीक है जी तो अगर Y लिमिटेड और Z लिमिटेड दोनों एक ही को कर रहा है और वो दो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि तुम एक ही को एट अ टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हो तो लॉजिकली कानूनी तौर पे इसको मैं दो दो गिनूंगा ये हो गया एक ये हो गया अब बात आती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को गिनोगे कि नहीं गिनोगे मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप तब गिनते हो आप उनको तब वोटिंग का राइट देते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो सिचुएशन में जब उनका आपने अगर वो क्यूमलेटिव प्रेफरेंस है मतलब आपने क्यूमलेटिव लगातार दो साल तक उनको डिविडेंड नहीं दिया या आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे कंपनी कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जिससे उनके राइट right डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे उनका हक अफेक्ट हो रहा है तो उनको वोटिंग राइट right मिलता है मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने में दूर दूर तक उनका कोई भी राइट right अफेक्ट नहीं हो रहा है जिसमें उनको वोटिंग पावर मिले तो जब तुमको वोटिंग के लिए है ही नहीं तुमको जब कोई गिना ही नहीं जा रहा है तो मेरे हिसाब से भाई आप तो आउट हो। अब आर्टिकल में लिखा सात चाहिए और आप पर्सनली प्रेजेंट हो कितने तीन पर्सनली प्रेजेंट हो ठीक है मेरे भाई और बहनों कोरम है नहीं बिल्कुल भी अपने को क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि क्या कोरम प्रेजेंट है मीटिंग में भाई कोरम प्रेजेंट नहीं है आइए फुल स्क्रीन करिए क्रक्स आंसर लिखिए फटाफट चलिए सुनिएगा पहला पॉइंट लिखेंगे भाई फटाफट पहला सेक्शन 103 ठीक है जी 103 के हिसाब से सारी चीज चलेगी दूसरा प्रॉक्सी जो है वेदर दे आर मेंबर्स नॉट अब मैं ये क्यों लिखा हुआ वेदर दे आर मेंबर्स आर नॉट विल हैव टू बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम समझिएगा इस बात को क्यों लिखा है मैंने वेदर दे आर मेंबर्स और नॉट इसका मतलब यह कि मान लो भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मीटिंग है मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेंबर हूं मैं तो जा ही रहा हूं एक मेरा दोस्त है राहुल राहुल भी उस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेंबर है बट वो नहीं जा रहा है वो मेरे को प्रॉक्सी अपॉइंट कर दे रहे बोले मेरे बदले तू तो प्रॉक्सी अब मैं जो हूं दो कैपेसिटी में जा रहा हूं एक मेंबर की कैपेसिटी में एक प्रॉक्सी की कैपेसिटी में तो मैं मेरे इंडिविजुअल जो मेंबर की कैपेसिटी में तो काउंट होऊंगा लेकिन मैं मेंबर हूं और साथ में प्रॉक्सी हूं तो जस्ट बिकॉज एक मेंबर प्रॉक्सी बन के आया तो उसको दो काउंट कर लोगे क्या राहुल के बदले नहीं तो प्रॉक्सी चाहे वो मेंबर हो वेदर दे आर मेंबर और नॉट विल हैव टू बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम ठीक है सर समझ में आ गया तो प्रॉक्सी को गिनोगे नहीं यहां पे अपने को कितने मेंबर चाहिए सात मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए एओए इसको बाद में लिखेंगे तीसरा अपन लेके लेते हैं कि भाई ये जो बंदा है जो डी करके एक बंदा है उसको आप काउंट करोगे कोरम में टू और मोर कंपनीज विच आर मेंबर्स ऑफ अनदर कंपनी टू आर मोर कंपनी विच आर मेंबर्स ऑफ अनदर कंपनी अपॉइंट अ सिंगल पर्सन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव देन ईच सच कंपनी विल बी Counted as quorum एट अ मीटिंग ऑफ द लेटर कंपनी ठीक है भाई और बहनों ये हो गया तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट अपन लिखेंगे कि बी एंड सी एक्सक्लूड हो जाएंगे क्योंकि अपन उनको देंगे नहीं राइट पांचवा लिखेंगे एस पर सेवन मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट रिक्वायर्ड है कंक्लूजन लिखेंगे ओनली Three members personally present. Requirement of quorum has not been met and shall नॉट constitute वैलिड कोरम फॉर मीटिंग ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन अब एक क्वेश्चन नंबर थर्टी टू करा के लेना है मैं आपको मेज आपको एक पॉसिबिलिटी बस थोड़ी सी कवर कर ले टूलिप लिमिटेड है एक रजिस्टर नहीं टूलिप वाला नहीं

और मीटिंग को एडजर्न किया गया क्योंकि कोरम नहीं था अरे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट पे मीटिंग बुलाई थी और कैसे हो जाएगी भाई कोरम की वजह से अरे जब आप रिक्वेस्ट पे मीटिंग बुलाते हो और कोरम नहीं आता तो उसको कैंसिल किया जाता है मेरे भाई और बहनों बताया था मैंने आपको तो लिखिएगा सेक्शन एक की बात है जस्ट मोमेंट क्या हो गया इसको एक ही सेकंड दोस्तों हाँ जी लिखिएगा स्क्रीन कर देता हूं फटाक से एक सौ तीन के अंदर ये लिखा है सेक्शन एक सौ तीन के अंदर कि अगर भाई कोरम नहीं आता है आधे घंटे में ठीक है सो इफ मीटिंग कॉल्ड बाय Requisition of Member The Meeting Shall Stand Cancelled If Quorum Not Present Within Half an Hour ठीक है जी तो एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ये कवर होगी सो गायस आगे बढ़ते हैं और आगे अब अपने पास है एक नया सेक्शन जो कि बताना चाहता हूं मैं आपको जी दोस्तों ध्यान दीजिएगा नोटिस ऑफ मीटिंग सेक्शन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कोरम से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे वो हमारे सारे हो गए सेक्शन एक सौ बारह एक सौ तेरह और घुमा घुमा के जितने क्वेश्चन आपको कोरम में पूछ सकता था लगभग लगभग हमने कवर कर लिए अब इसी प्रकार से नोटिस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब खत्म करेंगे प्रोविजन पढ़ने के बाद तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो सेक्शन है नोटिस ऑफ मीटिंग तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई मीटिंग के पहले आपको नोटिस भेजना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करते हैं किसी व्यक्ति को जो कि नोटिस भेजने की अथॉरिटी रखता है ठीक है जी स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं कि जनरल मीटिंग आप बुला सकते हो बाय गिविंग नॉट लेस देन ट्वेंटी वन डेज नोटिस ठीक है जी क्लियर ट्वेंटी वन डेज नोटिस देना पड़ेगा सेक्शन एट कंपनी के के केस पे फोर्टीन डेज होता है क्लियर क्लियर अब व्हाट डू यू मीन बाय डेज नोटिस इसका मतलब है कि जब भी आप नोटिस भेजेंगे तो नोटिस भेजने वाला दिन और मीटिंग होने वाला दिन तो नोटिस ऑफ मीटिंग जब आप भेज रहे हैं भेजने वाला दिन और मीटिंग वाला दिन ये दोनों के दोनों एक्सक्लूड होंगे और इनके बीच में कम से कम 21 क्लियर डेज होना चाहिए तो व्हेन आई से 21 क्लियर डेज इट मींस जिस दिन मीटिंग होगी और जब आपने नोटिस भेजा इनको एक्सक्लूड करने के बाद इनके बीच में कम से कम ट्वेंटी चाहिए क्लियर डेज मीटिंग जब हो रही है जब नोटिस भेज रहा है बीच में क्लियर पूरे के पूरे इक्कीस दिन होने चाहिए नोटिस आप कैसे भेज सकते हो नोटिस आप राइटिंग में भी भेज सकते हो और नोटिस आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेज सकते हो यानी कि ईमेल के थ्रू समझने वाली बात यह है मेरे भाई और बहनों ध्यान से समझना एक जगह तो अपने को बोल दिया कि भाई मीटिंग, अपने को 21 देना है, मीटिंग के लिए अब एक जगह बात आती है मतलब क्या होता है जहां आपको कम से कम ट्वेंटी डेज की बात किया है वहां पे आप चाहो तो ट्वेंटी डेज का नोटिस ना देके आप चार दिन का दो आप पांच दिन का दो वो भी चलेगा लेकिन वो कब चलेगा आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन किसकी लेनी है ध्यान से समझना जैसे कि मैंने आपको बताया दो प्रकार की जनरल मीटिंग होती है एक एनुअल जनरल मीटिंग और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसको अपन ने लिखा है अदर जनरल मीटिंग तो अगर आप नोटिस भेज रहे हो एनुअल जनरल मीटिंग का जो साल पे मैंडेटरी एक तो करना ही होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आप साल पे एक बार दो बार तीन बार यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा कितनी भी बार कर सकते हो तो यदि आप नोटिस भेज रहे हो एनुअल जनरल मीटिंग का तो एनुअल जनरल मीटिंग को आपको शॉर्टर नोटिस पे अगर बुलाना है तो कम से कम 95 परसेंट ऑफ द मेंबर्स इंटाइटल टू वोट की आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी यानी कि मान लीजिए कंपनी में अगर सौ लाख रुपए लगे हुए हैं अब सौ लाख रुपए में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल जितना आप लेते हो उतना आपको वोटिंग पावर आता है उस सौ लाख में किसी ने दस लाख इन्वेस्ट किया इक्विटी शेयर कैपिटल में किसी ने पंद्रह लाख किसी ने पच्चीस लाख किसी ने तीस लाख ऐसे करते 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 सबके इक्विटी शेयर कैपिटल है तो कम से कम उतने लोगों की आपको कंसर्न लेना है जिनके पास मिला जुला के लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे अधिकार से आता है। तो कम से कम उतने लोगों की आपको कंसेंट लेना पड़ेगा कि भाई कम से कम इक्कीस दिन का तो क्लियर डेज का नोटिस नहीं दे पा रहे हैं थोड़ा सा कम दे दे दस दिन का बारह दिन का पंद्रह दिन का चलेगा तो अगर 95% फाइव परसेंट ऑफ द मेंबर्स जिनका वोट करने का हक है वो अगर कंसेंट दे देते कंपनी को तो कंपनी चाहे तो एक दिन के नोटिस पे भी मीटिंग बुला सकती है उसको बोलते शॉर्टर नोटिस लेकिन अगर बात आती किसी ईजीएम की तो उस सिचुएशन में दो परिस्थिति अपने पास है इसको समझ के लीजिएगा एक होती है कंपनी होल्डिंग शेयर कैपिटल एक होती है विदाउट शेयर कैपिटल आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा ये आपके चैप्टर नंबर वन में भी कवर होती है लिमिटेड बाय गारंटी लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय लिमिटेड बाय गारंटी लिमिटेड बाय शेयर्स और एक होती है शेयर्स वाली भी और गारंटी वाली भी एक अनलिमिटेड भी होती है तो जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होता वहां पर गारंटी होती है और गारंटी उनके उससे देखी जाती है कि भाई उसने कितना प्रॉमिस किया वाइंडिंग अप के समय कि वो कितना पैसा देगा जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी उसको बोलते लिमिटेड बाय गारंटी तो अक्सर लिमिटेड बाय गारंटी जो कंपनी होती है पे नहीं होते तो वहां पे हर एक व्यक्ति का कितना वजन है उस कंपनी के अंदर यानी कि वो वोट कैसे देते हैं फिर तो जितनी ज्यादा अमाउंट की वो गारंटी देते उतना ज्यादा उनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में और उतना ज्यादा उनके वोट का वेटेज होता है तो कंपनी अगर शेयर कैपिटल वाली है तो आपको मेजोरिटी ऑफ मेंबर से कंसेंट तो लेनी ही लेनी है साथ ही साथ में उनके पास 95 फाइव परसेंट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल जिसपे वोट हो वो होना चाहिए जैसे कि मान लो कंपनी में टोटल 100 मेंबर है और कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 100 लाख ,00 की है तो बोल रहे हैं कि पहले तो मेजोरिटी ऑफ मेंबर से कंसेंट लो अगर कंपनी कौन सी है होल्डिंग शेयर कैपिटल मेजोरिटी में अगर आप जाओगे तो कितने आएंगे फिफ्टी वन कि इन फिफ्टी वन मेंबर के पास टोटल पेड़ अप शेयर कैपिटल का कम से कम नाइनटी फाइव परसेंट अप शेयर कैपिटल होना चाहिए जिनसे इनको वोटिंग का राइट right मिलता है तब जाके आप शॉर्टर नोटिस में मीटिंग बुला सकते हो अब बात यह आती है मान लीजिए पचास मेंबर कंसेंट करते हैं प्लस इनके पास 96 सिक्स परसेंट की पेडअप शेयर कैपिटल है क्या ये कंसेंट वैलिड मानी जाएगी द आंसर इज नो क्यों क्योंकि हमको मेजोरिटी चाहिए मेजोरिटी 100 का मेजोरिटी 51 है अब मान लीजिए कि मेजोरिटी हो जाती है 55 मेंबर की लेकिन इनके पास जो 95 फाइव परसेंट चाहिए होता है वो नहीं होता है। इनके पास 94 फोर परसेंट ऑफ द पेडअप शेयर कैपिटल होता है तो क्या यह कंसेंट वैलिड मानी जाएगी द आंसर इज अगेन नो तो कब मानी जाएगी आंसर तब माना जाएगा जब कम से कम इक्यावन और इनके पास नाइंटी फाइव परसेंट ऑफ कैपिटल नहीं रखी हुई है अब उनमें उनका स्वार्थ देखा जाता जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया तो ऐसे व्यक्ति जो कम से कम 95 परसेंट ऑफ द टोटल वोटिंग रखती है वो लोग कंसेंट देंगे तो आप शॉर्टर नोटिस पे बुला सकते हैं एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा इस बात को सबसे पहले तो भाई और बहनों बात ऐसी है कि कंपनी को अगर जनरल मीटिंग का नोटिस देना है तो 21 क्लियर डेज का नोटिस मिलेगा जब मैं बोलता हूं 21 क्लियर डेज तो उस डेट ऑफ सर्विंग नोटिस एक्सक्लूड हो जाएगा एंड डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड हो जाएगा इन दोनों के बीच में कम से कम ट्वेंटी क्लियर डेज होना चाहिए सेक्शन एट कंपनी में यही 21 से 14 क्लियर डेज हो जाता है क्योंकि वो एक चैरिटेबल कंपनी आप कह सकते हैं ठीक आप इसको इंडिविजुअली भेज सकते हैं ठीक है आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज सकते हैं जैसे आपको लिखा हुआ नोटिस राइटिंग में भी जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी जा सकता है, आप में बुला लो, अगर बात की है तो नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द में वोट है उनकी कंसेंट ले लो एजीएम को शॉर्टर नोटिस पे बुला लो अदर जनरल मीटिंग है अगर कंपनी होल्डिंग शेयर कैपिटल है तो आप मेजोरिटी ऑफ द कि रिप्रेजेंट करते है उनकी कंसेंट ले लो Holding share capital नहीं है so 95 of the member entitled to vote है तो उनकी consent ले लो अब बात आती है सर नोटिस जाएगा किसको किसको हर मेंबर को और अगर मेंबर की डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एल का मतलब legal representative. को जाएगा ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर जैसे विजय माल्या विजय माल्या जी इंसॉल्वेंट हो गए तो जितनी भी कंपनी में उनके स्टेक थे वो सारे स्टेक किसके पास चले गए के के पास के पास असाइनर यानी कि कि कोर्ट अपॉइंट करता है कि भाई इसकी सारी प्रॉपर्टी लो बेचो और लाइबिलिटी पे करो तो हर मेंबर अगर मेंबर मर गया है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज के पास ऑडिटर के पास भी जाएगा नोटिस जो कंपनी का ऑडिटर है और हर उस डायरेक्टर के पास जाएगा जो कंपनी का उस वक्त डायरेक्टर है ठीक अब एक बाजू में एक बात लिखी है कि any accidental omission to give notice, किसी व्यक्ति को नोटिस मिलना था लेकिन एक्सीडेंटली नहीं दे पाए पाएटल था इससे मीटिंग में जो भी बातचीत होगी मीटिंग में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे जो प्रोसीडिंग होगी वो इनवैलिड नहीं होगा अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है यानी कि कंपनी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया कि भाई इसको तो नोटिस ही मत भेजो इट एक्सीडेंटल एक का नाम छूट गया किसी गलती की वजह से उनको नोटिस नहीं गया और बाद में मीटिंग भी हो गई वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं है कि मीटिंग ही इनवैलिड हो जाएगी क्योंकि जिस व्यक्ति को नोटिस मिलना था उसको नोटिस नहीं मिला ऐसा नहीं होगा सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 101 आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है जी अब इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं ध्यान दीजिएगा जो नोटिस मैंने बोला ना वैलिड तो रहेगी अगर जान कैसे करेंगे नोटिस नहीं गया उसका उस कंपनी में क्या तवज्जो है तवज्जो का मतलब क्या उसके पास अच्छे खासे वोटिंग पावर है वो आता तो मीटिंग के बहुत सारे रेजोल्यूशन को वो अफेक्ट कर देता अपने रेजोल्यूशन से तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि भाई उस व्यक्ति का उस मीटिंग में आने से कितना फर्क पड़ता इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि, भाई में है कि वो डेली सारी चीजें स्कोप से फिलहाल बाहर है जब वो कोर्ट पे चले जाती है तो सुनिएगा अब।, अब जो नोटिस है नोटिस आप टैक्स के थ्रू या तो वेबसाइट ऑफ द कंपनी में डाल दो इफ एनी ठीक है अटैचमेंट टू ई मेल कर दो नोटिफिकेशन प्रोवाइडिंग ई लिंक या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के थ्रू अब बात सुनना 101 हो गया 102 और 101 आपस में एक साथ पढ़ना ज्यादा बेहतर रहता है 102 क्या बोलता है पहले मेरे से समझ लेना उसके बाद इस चार्ट में देखना पहले मेरी बात सुन लो 102 बोलता है आपको आपके नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको यानी कि कंपनी को अपने नोटिस के साथ जिसको अपने 101 में पढ़ा उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा अब बात आती है कि वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या है नाम पे लिखा एक्सप्लेन करेगा कुछ स्टेटमेंट रहेगी जिसमें कुछ बातें एक्सप्लेन रहेगी सेक्शन 102 बहुत क्लियरली ये बात बोलता है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट स्पेशल बिजनेस के लिए जाएगी ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए नहीं जाएगी ठीक है जी अब ध्यान से इस बात को समझना अगर मैं बोलता हूं कि 102 कहता है कंपनी को कि आपको एक्सप्लेनेटरी भेजना है स्पेशल बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी के लिए नहीं भेजना है तो हमको यह पता होना चाहिए कि क्या ऑर्डिनरी है और क्या स्पेशल है तो कंपनीज एक्ट दो के अंदर हमको चार ऐसे बिजनेस बताए सेक्शन 102 के अंदर जो ऑर्डिनरी है और कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 102 ही ये बात करता है कि ये चार को छोड़ के जो ऑर्डिनरी है इसके अलावा जितने भी बिजनेस है सबके सब स्पेशल है आई रिपीट 102 के अंदर चार बिजनेस बताएं और बोले ये ऑर्डिनरी बिजनेस छोड़ के जितने भी बिजनेस होंगे वो सब स्पेशल होंगे ठीक है सर यहां तक समझा ये पहला टेक अवे था कि 102 के अंदर चार प्रकार के बिजनेस बताएं। ये चार प्रकार के बिजनेस ऑर्डिनरी हैं इसको छोड़ के सब स्पेशल है ठीक है सर समझा ये पहला टेक अवे दूसरा टेक अवे 102 से कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 102 के हिसाब से ये जो चार बिजनेस ऑर्डिनरी है ये सिर्फ एजीएम में ही आप ट्रांजेक्ट कर सकते हो यानी कि इन चार बिजनेस का डिस्कशन ट्रांजेक्शन बातचीत वार्तालाप रिजोल्यूशन सब का सब एनुअल जनरल मीटिंग में ही होगा तो क्या सर एनुअल जनरल मीटिंग में चार के अलावा और कोई बिजनेस नहीं हो सकते क्या हो सकते ना। मैं कह रहा हूं ये ये जो चार बिजनेस है एनुअल जनरल मीटिंग में ही होंगे इसके अलावा छह तो दस बिजनेस हो गए ये चार ऑर्डिनरी है ये चार तो सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में ही होंगे बाकी के छह क्या है डीम्ड स्पेशल है क्योंकि मैंने बोला ना इनको चार को छोड़ के सब स्पेशल है तो क्या ये भी एजीएम में हो सकते हैं हां एजीएम में चाहे ऑर्डिनरी बिजनेस हो चाहे स्पेशल बिजनेस हो सब हो सकते लेकिन जो चार ऑर्डिनरी बिजनेस है वो सिर्फ एजीएम में ही होंगे वो ईजीएम में नहीं होंगे समझिएगा इस बात को तो दो टेक अवे हो गए एक तो जो चार बिजनेस बताए हैं ये ऑर्डिनरी है इसको छोड़ के सब स्पेशल है पहला ये चार बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एजीएम में ही होंगे ये दूसरा टेकअवे एजीएम में नहीं हो सकते चार। तीसरा टेक अवे जब मैं बोलता हूं ये चार बिजनेस एजीएम में ही होंगे इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये चार ही होंगे इसके अलावा और बाकी बिजनेस भी होंगे यानी कि हो सकते हैं एजीएम में तो ये चार को छोड़ के बाकी जितने बिजनेस होंगे एजीएम में वो डीम दे स्पेशल कहलाएंगे तो वो स्पेशल बिजनेस भी हो सकते हैं एजीएम के अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस भी है मुद्दा ये है ये चार बिजनेस हमेशा एजीएम में ही ट्रांजेक्ट होंगे ये चार और कोई जनरल मीटिंग में ट्रांजेक्ट नहीं होंगे तो सर क्या एजीएम में सिर्फ ये चार होंगे नहीं ये चार के अलावा और दूसरे बिजनेस स्पेशल बिजनेस भी कर लो यानी कि एजीएम के अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस दोनों हो सकते हैं लेकिन ये जो चार बिजनेस है ये सिर्फ एजीएम में होंगे इसके अलावा तुम 25 और बिजनेस ले चलेगा ये चार बिजनेस एजीएम के अलावा और कहीं पे भी ट्रांजेक्ट नहीं होंगे ठीक है सर से। समझा सेक्शन नंबर 102, बोले बिजनेस अगर एजीएम है तो एजीएम में ये चार प्रकार के बिजनेस जिसपे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर की रिपोर्ट शेयर होल्डर के सामने रखते हो डिविडेंड डिक्लेरेशन की बात करते हो कि भाई डिविडेंड देना है कि नहीं डिविडेंड वाले चैप्टर में आपने पढ़ लिया है तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ध्यान से सुनना रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह पे अगर नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो तो ऑर्डिनरी बिजनेस है लेकिन आप नया नवेला डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो तो स्पेशल है पॉइंट टू बी नोटेड क्या लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसके प्लेस में नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो ठीक है ये ऑर्डिनरी है लेकिन कोई रिटायर नहीं हो रहा आप सिर्फ अपॉइंट कर रहे हो डायरेक्टर को स्पेशल बिजनेस है जो कि एजीएम में हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह अगर आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हो यानी कि इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते ये AGM हो यह सिर्फ एजीएम में होगा क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंट सिर्फ एजीएम में होगा क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिजनेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट ऑडिटर रिपोर्ट सिर्फ एजीएम में होगा लास्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना और उसके रेमोनेशन को फिक्स करना यह भी ऑर्डिनरी बिजनेस है यह सिर्फ एजीएम तो यह चार बिजनेस एजीएम में होंगे नोट में नीचे लिखा है अलावा जितने भी बिजनेस इन चार के अलावा जितने भी बिजनेस एजीएम में ट्रांजेक्ट होंगे सबके सबको आपको स्पेशल मानना है ठीक है क्यों क्योंकि यह चार को छोड़ के सब क्या है स्पेशल अब बात करें ईजीएम में तो भाई जब ये चार बिजनेस तो सिर्फ एजीएम में ही हो सकते हैं इसके अलावा तो होंगे नहीं यानी कि एजीएम के अंदर जितने बिजनेस होंगे वो सबके सब स्पेशल होंगे क्योंकि ये चार तो हो ही नहीं सकते वहां पे तो एजीएम में ही होंगे तो जितने बिजनेस होंगे ईजीएम में सबके सब स्पेशल माने जाएंगे और ये चार क्या है ऑर्डिनरी बिजनेस अब यहां पर तुम थोड़ा सा ठहरना और समझना क्या बोला 102 के अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए explanatory statement नहीं जाएगा स्पेशल बिजनेस के, के, सब के, सब के लिए क्या जाने वाला है नोटिस जाने वाला है नोटिस के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा जैसे कि कंपनी एक नया ब्रांच खोलना चाह रही है क्या ये चार के बाहर है वो हाँ चार में है नहीं ब्रांच ओपन करने वाला कंपनी कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहती है तो कंपनी अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहती है कि आपको दिख रहा है चार बिजनेस में नहीं तो वो स्पेशल बिजनेस है सो लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स जितने भी स्पेशल बिजनेस है नया ब्रांच ओपन करना फॉरेन में अपनी ब्रांच डालना कंपनी की नई बिल्डिंग बनाना है कंपनी में नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है ये सब स्पेशल बिजनेस है इसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट स्पेशल बिजनेस के लिए जाता है जिस पे आप एक्सप्लेन करते हो नया ब्रांच क्यों खोलना है नया डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करना है मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी बढ़ानी स्पेशल बिजनेस से क्यों बढ़ानी है कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना है क्यों बढ़ाना है कितने से बढ़ाना है क्या जरूरत पड़ गई बढ़ाने की या आप स्पेशल बिजनेस के लिए जब नोटिस भेजेंगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा तो नोटिस अंडर वन जीरो नेचर ऑफ इंटरेस्ट भाई मान लो कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही है स्पेशल बिजनेस है ये तो क्या उस कंपनी में किसी डायरेक्टर का मैनेजर का या की मैनेजेरियल पर्सन या तो डायरेक्टर के रिलेटिव काम पी का कोई इंटरेस्ट है उस कंपनी में वो बताओ फाइनेंशियल हो चाहे अदरवाइज हो हर स्पेशल बिजनेस के लिए आपको बताना पड़ेगा कि क्या इनमें इनका कोई स्वार्थ है है क्या ठीक उसके बाद दूसरी भी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी इलेबलिंग द मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द आइटम बिजनेस एंड टू टेक डिसीजन यानी कि नया ब्रांच खोल रहे हो क्यों खोलने की जरूरत है क्या वहां पर कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं क्या आपकी वहां पर सर्विस ज्यादा बिक्री है क्या वहां पे कस्टमर बेस अच्छा है नया ब्रांच खोलोगे तो उससे क्या फायदा होगा कितने पैसे लगेंगे खोलने के लिए क्या विजन है अगर वो नहीं चला तो क्या होगा तो आप अदर इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन दो जो शेयर होल्डर को डिसीजन लेने में मदद करे कि क्या वो उस बात से सहमत है कि नहीं है ठीक है अब प्रोवाइडेड एक बोला है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो स्पेशल बिजनेस ऐसा कोई ट्रांजेक्ट हो रहा है कंपनी की मीटिंग में जिसका संबंध किसी दूसरी कंपनी से मान लो अपनी कंपनी जो है वो किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रही है जिसपे हमारी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर के एम पी सबका मिला जुला के इस कंपनी में अदर कंपनी जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे कम से कम दो परसेंट ऑफ द अप शेयर कैपिटल है तो ये बात भी हमको उस स्टेटमेंट में बतानी पड़ेगी कि भैया जिस कंपनी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं ना उस कंपनी में अदर कंपनी में हमारी कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर के MP का सबका मिला जुला के पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव भी है दो परसेंट तो यह भी आपको स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा क्यों कहीं ना कहीं ये लोग स्वार्थी हैं इनका तो लाभ है उस कंपनी में।, में मेंबर का पैसा लगा है ना इस कंपनी में वो बताएंगे समझ के देख के कि हाँ भाई हमको इस कंपनी के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको उस स्पेशल बिजनेस को असेंट करना है कि नहीं करना ठीक है सर समझ में आए अब ये जो नॉन डिस्क्लोजर वाली बात है इस पे ये इमेंटमेंट वाला पॉइंट आप हटा देना जो भी रेगुलर स्टूडेंट है ये चार्ट से हटा देना फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। पेनल प्रोविजन को हम फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं और ये अपन पढ़ के ले, ले लेते हैं ठीक है सर यहां पे समझ में आ गया तो ये बात हो गई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की ऑर्डिनरी बिजनेस की स्पेशल बिजनेस की एक ना क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं बच्चे जनरली एक अजम्शन अपने दिमाग में रख लेते हैं कि ऑर्डिनरी बिजनेस होगा तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा स्पेशल बिजनेस होगा तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है बहुत सारे स्पेशल बिजनेस हैं जिनके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चल जाता है तो यह धारणा बिल्कुल गलत है या गलत होगी अगर आप ये सोचते कि ऑर्डिनरी बिजनेस के केस पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा और स्पेशल 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 के पे, special business के केस केस पे पे बिजनेस लगेगा नहीं बहुत सारे स्पेशल बिजनेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चलिए जी ये होने के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स सेक्शन वन और वन होने के बाद एक सेक्शन में आपको और पढ़ाना चाहता हूं सेक्शन नंबर एक तो 101, एक और 115 ध्यान से समझना 115 क्या बोलता है 115 कह रहा है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस अब क्या कहता है यह वाला सेक्शन समझिएगा सो लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स 115 के अंदर सेक्शन 115 के अंदर चार ऐसे मैटर हमको बताए हुए हैं जिसके लिए बोला है कि आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा अब किसको स्पेशल नोटिस देना है सेक्शन नंबर 115 मेंबर्स को कह रहा है कि मेंबर अगर तुम इन चार में से कोई बिजनेस करना चाहते हो इन चार में से वन और मोर बिजनेस करना चाहते हो वन और मोर बिजनेस करोगे इन चार में जो मैं आपको बताऊंगा इसके लिए कंपनी को आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा यानी कि मेंबर इन चार में से कोई मुद्दा डिस्कस करना चाहते हैं कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते तो सेक्शन 115 यह कहता है कि भाई उस रिजोल्यूशन का आपको नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को कि भाई इन चार में से आप कोई एक काम करना चाहते हो एक से ज्यादा काम करना चाहते हो हां तो मेंबर आप एक काम करो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो इन चार में से वन और मोर करना चाहते हो और इन मुद्दों में आप रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो इन चार में से किसी एक या एक से ज्यादा में तो इन रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए जनरल मीटिंग में यानी कि पास करवाना बोलना उचित नहीं रहेगा इन रेजोल्यूशन को मीटिंग में पुट ऑन करवाने के लिए रखवाने के लिए आपको कंपनी को एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा एंड से आपको कंपनी को स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा तो सामान्यता जनरली ऐसा बोला जाता है कि आपको मीटिंग से कम से कम चौदह दिन पहले यह कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा यानी कि जो मीटिंग होगी ना कंपनी की वहां से कम से कम चौदह दिन पहले कम से कम चौदह दिन पहले मेंबर्स को एक नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को कि कंपनी हम इन चार रेजोल्यूशन में से वन और मोर रेजोल्यूशन को मीटिंग में रखना चाहते हैं वो चार रेजोल्यूशन कौन से मैं आपको बताऊंगा अभी कहानी समझो पूरी सो लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स सेक्शन नंबर 115 कहता है ये चार बिजनेस में अगर मेंबर एक या एक से ज्यादा रेजोल्यूशन कंपनी के मीटिंग में रखवाना चाहता है तो मेंबर को इस रिजोल्यूशन को मीटिंग में रखवाने के लिए कंपनी को एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा जो कि मीटिंग से कम से कम चौदह दिन पहले मेंबर को देना पड़ेगा अब पॉइंट यह है ये कौन सा मेंबर है जो मीटिंग के कम से कम चौदह दिन पहले इन चार में से एक और अनेक मुद्दों का रिजोल्यूशन रखवाने के लिए स्पेशल नोटिस दे सकता है किसका राइट right है स्पेशल नोटिस देने का कोई भी एक शेयर होल्डर आ जाएगा मुंह उठाकर बोलेगा कि इन चार में से एक मुद्दा मेरे को करना है रिजोल्यूशन करवाओ तो थोड़ी चलेगा भाई तू तो एक शेयर रखा उसमें एक परसेंट का भी वोटिंग राइट right नहीं है तो क्राइटेरिया बताया गया है क्राइटेरिया में यह बताया है कि वेयर बाय एनी प्रोविजन कंटेंट इन दिस एक्ट और इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड ऑफ एनी रिजोल्यूशन कहने का मतलब यह है ये चार बिजनेस तो अपने को एक्ट ने बता दिए लॉ मेकर ने बता दिए इसके अलावा किसी और मुद्दों में भी कंपनी चाहती है कि अगर शेयर होल्डर कोई उस किसी और मुद्दे में रेजोल्यूशन पास करवाना है तो आर्टिकल पे लिख सकते हो तो स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच रिजोल्यूशन यानी कि आपको अपने इरादे का नोटिस देना है कि हम ये रेजोल्यूशन वहां पर रखवाना चाहते हैं मीटिंग में शेल बी गिवन टू द कंपनी बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन वन परसेंट ऑफ द टोटल वोटिंग पावर यानी कि हंड्रेड परसेंट वोटिंग पावर में उतने मेंबर्स जिसके पास कम से एक कम परसेंट का तो वोटिंग पावर हो या तो वो नहीं है तुम्हारे पास एक परसेंट तो क्या कम से कम तुम इतने लोगों की मिला जुला के कम से कम पांच लाख रुपए तो तुम्हारे पास हो अब बच्चे को ना कई बार यहां पे डाउट आता है कि सर ये ना नॉट एक्सीडिंग नहीं होगा नॉट लेस देन फाइव लाख रुपीज होना चाहिए कम से कम तो यहां पे नॉट एक्सीडिंग फाइव क्यों है ये मेरे को भी डाउट है कि ये कहीं ना कहीं एक क्लरिकल मिस्टेक है बट ये ऐसा ही है ठीक अब स्पेशल नोटिस में जो चार मुद्दे कौन से हैं एक ही बार बोलूंगा ज्यादा नहीं पहला अगर आप रिटायरिंग ऑडिटर की जगह किसी दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना चाह रहे हो यानी कि जो रिटायर हो रहा है उसको रीअपॉइंट नहीं करना चाह रहे हो रिटायरिंग की जगह दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हो इसके लिए आप एनुअल जनरल मीटिंग में बोल रहे हो दैट रिटायरिंग ऑडिटर शेल नॉट बी री अपॉइंटेड समझना बात को दोनों की बारीकी समझना पहला पॉइंट है कि जो रिटायर हो रहा है उसको अपॉइंट नहीं करना है उसकी जगह दूसरा करना है दूसरा आप बोल रहे हो कि चलो वो रिटायर हो रहा है ठीक है दूसरा नहीं पता कौन अपॉइंट होगा हमको नहीं पता कंपनी तुम देख लेना लेकिन रिटायरिंग ऑडिटर दोबारा रीअपॉइंट नहीं होगा दोनों में फर्क है तीसरा आप किसी डायरेक्टर को उसका ऑफिस का टेन्योर खत्म होने के पहले ही निकालना चाहते हो शेयर होल्डर पांच साल के लिए अपॉइंट किया था दो साल में निकालना चाहते हो उसको आप स्पेशल नोटिस लगेगा रिजोल्यूशन के लिए आप अपॉइंट करना चाहते हो अनदर डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द रिमूव डायरेक्टर यानी कि जो डायरेक्टर को आप रिमूव कर रहे हो उसकी जगह एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो तो भी आपको क्या लगेगा स्पेशल नोटिस लगेगा तो ये चार बिजनेस के लिए अगर शेयर होल्डर कंपनी की जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं तो इस रिजोल्यूशन के लिए पहले इनको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को ठीक है सर कब देंगे बोले नॉट अर्लियर देन थ्री मंथ यानी कि कंपनी की जो मीटिंग की डेट है ना उससे तीन महीने पहले मत दे दो नॉट अर्लियर देन थ्री मंथस जो मीटिंग की डेट है ना उससे छह महीने पहले दे दियो तुम नहीं तो, दो महीने दे दियो चलेगा लेकिन तीन महीने पहले दे दियो नहीं चलेगा तो मीटिंग से तीन महीने पहले दे दिए नहीं चलेगा भैया रेलवे का टिकट है तीन महीने पहले बुक करा ले रहे हो नहीं तीन महीने पहले नहीं होगा तो सर तीन महीने के पहले नहीं होगा विद इन थ्री मंथ हो सकता है सर आपने बोला तीन महीने पहले नहीं करो एकदम मीटिंग है उससे तीन महीने पहले दे रहे नहीं इन चलेगा विद इन चलेगा विद इन थ्री मंथ चलेगा एटलीस्ट थ्री मंथ नहीं चलेगा ठीक है सर बट एटलीस्ट फोर्टीन डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग तुम लेकिन कम से कम चौदह दिन पहले तो दे देना मीटिंग के बराबर है क्या ठीक है सर अब वो रिजोल्यूशन जो है कंपनी इमिडिएटली जैसी उसको रिसीव होगा वो अपने मेंबर्स को देगी बाकी मेंबर्स को क्योंकि जिसने नोटिस भेजा है उसको तो पता ही है तो सेवन डेज क्लियर नोटिस जाएगा बाकी मेंबर को अगर मान लो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उनको देना जैसे कोविड का समय है चीजें बंद चल रही थी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो अब उस समय आप या तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दो ना नोटिस शैल भी पब्लिश्ड इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश न्यूज़पेपर में वर्नाकुलर लैंग्वेज जैसे अपनी बात हुई हुई थी पहले भी ठीक है तो क्लियर सेवन डेज का नोटिस अब इसके आगे की बात सुनना इसके आगे चीज ऐसी है मेरे भाई और बहनों की जिसको भी जैसे मान लो आपने रिटायरिंग डायरेक्टर के ऑडिटर की जगह किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट करने की बात की रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा रीअपॉइंट नहीं करना है इसकी बात की डायरेक्टर को उसका टेन्योर खत्म होने के पहले निकालना है इसकी बात की रिमूव डायरेक्टर के जगह में किसी नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना है इसकी बात की तो जो भी डायरेक्टर और ऑडिटर कंसर्न जिसके लिए रिजोल्यूशन की रखने की बात हो रही है कंपनी तुरंत उसको भी एक नोटिस भेजेगी कि भाई देख ये वाला रिजोल्यूशन मेंबर तेरे खिलाफ पास करने के लिए बोल रहे हैं तेरे को तेरे सफाई में कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना है तो वो बेचारा लिख के देगा अब जब वो लिख के देगा तो कंपनी को कंपनी को वो रिप्रेजेंटेशन सारे मेंबर को देना है अगर पॉसिबल है तो मान लो उसका रिप्रेजेंटेशन जो लिखित में आए वही तीन दिन पहले आ रहा है मीटिंग तीन दिन बाद है पॉसिबल नहीं है तो बोले ठीक है मीटिंग में आन दो उसने जो लिखित में अपनी सफाई पेश की उसको मीटिंग में ही पढ़ लेंगे बात एक ही है ऐसा करके तो भाई और बहनों सेक्शन नंबर हंड्रेड सेक्शन नंबर वन हंड्रेड वन सेक्शन नंबर हंड्रेड सॉरी सेक्शन नंबर वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड टू वन हंड्रेड वन इज फॉर द नोटिस वन हंड्रेड टू फॉर द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अन 115 फिफ्टीन रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस ठीक है जी अब इसके बेसिस पे मेरे भाई और बहनों अपन करेंगे कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री पे पहले आ जाते हैं देखिए क्या लिखा हुआ है न्यू फार्मा लिमिटेड इश्यू कर रही है एक नोटिस होल्डिंग the जनरल मीटिंग ऑन सेवन सेप्टेंबर द नोटिस प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट विथ रिगार्ड टू period ऑफ नोटिस एंड एज सच द मीटिंग वॉज invalid. अब आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं जो हम लोगों ने सेक्शन नंबर वन जीरो वन पढ़ा जो बात करता है नोटिस ऑफ मीटिंग की उस पे ही उसके ही साथ एक रूल पढ़ा जाता है रूल नंबर थर्टी फाइव कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स जो रूल नंबर थर्टी फाइव ये बोलता है कि अगर आप नोटिस पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो तो वैसे तो आपको क्या बोला ट्वेंटी वन क्लियर डेज होना चाहिए लेकिन अगर आप नोटिस पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो तो आपको क्या करना है जब आप नोटिस भेजोगे द डेट ऑफ पोस्टिंग सिर्फ 48 एट आवर्स में आप मानना डेट ऑफ सर्विंग तो समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आमतौर पर अपन ने क्या पढ़ा कि भाई मीटिंग का जो नोटिस है और मीटिंग जब होगी वो दो डेट को छोड़ना है तो डेट ऑफ सर्विंग नोटिस और डेट ऑफ मीटिंग ये चीज को छोड़ना है अपने को और इसके बीच में ट्वेंटी वन क्लियर डेज होने चाहिए ठीक है सर समझ में अब मान लीजिए फर्ज कीजिए कि भाई एक जनवरी दो हजार बाईस को नोटिस जा रहा है मैं जब एग्जांपल ले रहा हूं ठीक है तो मीटिंग की डेट क्या होनी चाहिए अगर आप 21 क्लियर डेज चाहते हो तो मीटिंग होनी चाहिए 23 जनवरी 2022। तो अगर आप देखोगे तो बीच में 21 क्लियर डेज है दो जनवरी से लेके 22 जनवरी तक बीच में 21 क्लियर डेज है ठीक है अब आपको रूल नंबर 35 क्या बोलता है कि मान लो अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो तो पोस्ट से जब आप भेजोगे ना तो ये जो डेट ऑफ सर्विंग नोटिस है ना ये आप कब मानोगे तो यहां पे मान लो मैं एक जनवरी को डेट ऑफ पोस्टिंग ले लेता हूं डेट ऑफ पोस्टिंग द नोटिस ये एक जनवरी हो गया कि भाई जब आप पोस्ट कर रहे हो नोटिस को वो डेट है एक जनवरी 2022 ठीक है सर समझ में आ गया तो एक जनवरी जो है डेट ऑफ पोस्टिंग नोटिस है ये एक जनवरी ठीक है अब रूल नंबर 35 बोलता है जब भी आप नोटिस पोस्ट से भेज रहे हो ना तो आप डेट ऑफ सर्विंग क्या लोगे डेट ऑफ सर्विंग नोटिस क्या लोगे क्योंकि जो डेट सर्व करने वाली और जिस दिन मीटिंग होगी उन दोनों को एक्सक्लूड करके बीच में ट्वेंटी वन क्लियर डेज होना चाहिए तो एक जनवरी को मान लो अगर आप नोटिस पोस्ट कर रहे हो तो बोले आफ्टर 48 एट आवर्स आप मानना कि वो सर्व हुआ है यानी कि अगर आप एक जनवरी को नोटिस पोस्ट कर रहे हो ईमेल से भेजोगे तो खट से चले जाएगा पोस्ट के केस में सिर्फ मैं बार बार रिपोर्ट रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप पोस्ट से भेजेंगे तो 48 एट आवर्स बाद आप मानेंगे कि वो सर्व हुआ है डेट ऑफ सर्विंग नोटिस तो भाई और बहनों एक जनवरी को अगर आपने पोस्ट किया तो 48 एट आवर्स बाद यानी कि थर्ड जैन 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू का हम मानेंगे कि यह सर्व हुआ अब अपनी मीटिंग कब होनी चाहिए कायदे से अब अगर आप देखोगे तो हमारी जो मीटिंग है पच्चीस तारीख को होनी चाहिए जस्ट अ मोमेंट हां जी अब हमारी जो मीटिंग है वो ट्वेंटी फिफ्थ जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को होना चाहिए क्योंकि अब अगर ये डेट ऑफ सर्विंग नोटिस है तो अब यहां पे 21 क्लियर डेज नोटिस होगा क्योंकि जब क्योंकि जब अपनी डेट ऑफ नोटिस पहले ये थी एक जनवरी तब वहां ठीक था अब जब अपना तीन जनवरी डेट हो जाएगा सर्विंग ऑफ नोटिस का तो ये पच्चीस जनवरी आ जाएगा तो अगर आप पोस्ट से नहीं भेज रहे हो तो आप जब पोस्ट क्यों? जब आपने नोटिस भेजा है जैसे ईमेल से भेज रहे हो उसी दिन को डेट ऑफ नोटिस सर्विंग नोटिस मान लेना और वहां से 21 दिन कैलकुलेट करके डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड कर लेना पोस्ट से भेज रहे हो तो 48 एट आवर्स एड करने के बाद जो डेट आएगी उसको मानना जैसे कि अब ये है डेट ऑफ सर्विंग नोटिस और ये है डेट ऑफ मीटिंग ठीक है भाई और बहनों आई होप आपको समझ में आ गया अब आपको मैं वो क्वेश्चन कराता हूं तो वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और बनेगा भी जस्ट गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री चल रहा था अपना नोटिस वॉज पोस्टेड टू द मेम्बर 16 अगस्त को तो देखो वर्ड क्या यूज हुआ पहले यहां पे पकड़ लेना नोटिस पोस्टेड टू द मेंबर्स ऑन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी कुछ members company के इल्जाम लगाते कि कंपनी ने कंपनीज एक्ट का प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया है टू द पीरियड ऑफ नोटिस एंड एज सच द मीटिंग वॉज इनवैलिड और उसकी वजह से मीटिंग इनवैलिड है क्योंकि जब नोटिस इनवैलिड है, है शुरुआत ही गलत है तो फिर मीटिंग कैसे वैलिड होगी ऐसा उनका कहना है अब आपको बताना है क्या मीटिंग वैलिडली कॉल्ड थी अब मीटिंग वैलिडली कॉल्ड है कि नहीं उसके पहले ये देखना था कि नोटिस वैलिड था क्या क्योंकि आपने पोस्ट किया है 16 अगस्त को मीटिंग थी 7 सितंबर को बराबर है क्या लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स और उसके बाद बोल रहे अगर कोई शॉर्टफॉल है नोटिस पे क्या कुछ कम दिन गिने गए हैं तो बताओ और एक्सप्लेन करो कितने दिन शॉर्टफॉल हुए हैं स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट से जैसे अपने को बोलो ट्वेंटी वन क्लियर डेज होने चाहिए तीसरा अगर लेंथ ऑफ सर्विंग नोटिस भी कर्टेल बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या आप अपने आर्टिकल में कम दिन लिख के 21 की जगह 20 दिन कर सकते हो क्या एक्सेक्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये पूछा जा रहा है अब अगर आप देखोगे अगस्त ठीक है तो अगस्त में अपने पास है 31 डेज ठीक अब अगर आप देखोगे तो अगस्त के चार दिन और ले लो तो वो बीस अगस्त हो जाएगा और ग्यारह दिन और ले लो क्योंकि इकतीस का महीना है तो ये पंद्रह दिन हो गए अब पंद्रह दिन और सात सितंबर को मीटिंग है तो सात को तुम एक्सक्लूड कर दो सात को तुम एक्सक्लूड कर दो तो बचे पीछे छह दिन तो ग्यारह छ बीस सॉरी ग्यारह छह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस ये टोटल ट्वेंटी वन डेज हो रहे हैं अब देखो इंस्टीट्यूट कैसे घुमाता है तुम लोग को यहां पे बच्चा बोलेगा क्लियर ट्वेंटी वन डेज तो है क्योंकि हमने सोलह को एक्सक्लूड किया सात को एक्सक्लूड किया तो ये तो डेट ऑफ मीटिंग थी ये डेट ऑफ सर्विंग हो जाएगी अब बच्चा ये वाले वर्ड को नहीं पढ़ता पोस्टेड को पोस्ट के केस में आपको 48 घंटे बाद डेट ऑफ सर्विंग नोटिस मानना यानी कि अगर 16 अगस्त को नोटिंग गया है नोटिस गया है तो आप डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस क्या मानोगे 18 अगस्त मानोगे और एटीन अगस्त के हिसाब से अब गिनोगे तो दो दिन कम पड़ेंगे क्योंकि हमने दो दिन आगे किया यहां पे भले तुमको 21 क्लियर दिख रहा है लेकिन यहां मान ही नहीं सकते क्योंकि पोस्ट के दिन, पोस्ट के के दिन वक्त आप 48 घंटे बाद डेट ऑफ सर्विंग नोटिस गिनते हो तो डेट ऑफ सर्विंग नोटिस और डेट ऑफ मीटिंग ये दोनों हटाना है तो जब आपका सर्व 18 को हो रहा है तो मीटिंग सात को करोगे तो दो दिन तो कम गिर रहे तो क्या मीटिंग वैलिडली कॉल है अरे भाई नोटिस ही जब वैलिड नहीं है तो मीटिंग तो गलत ही है कितने दिन का शॉर्टफॉल है दो दिन का शॉर्टफॉल है क्या तुम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ कम कर सकते हो करटेल कर सकते हो अब इसका आंसर मैं आपको वन और टू पढ़ाने के साथ साथ दूंगा आइए लिखिए एंड आंसर लिखिएगा भाई और बहनों सबसे पहले सेक्शन कोड कर देते हैं सेक्शन नंबर वन जीरो वन जो कि अपने को बोलता है अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी मे बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन ट्वेंटी वन क्लियर ट्वेंटी वन डेज नोटिस तीसरा पॉइंट लिखेंगे करेक्ट आंसर में डेट on which notice is served and the date of meeting are excluded for sending the notice fourth point leaking Rule thirty five six of Companies Incorporation Rules two thousand and fourteen provides that in case of delivery by post, such service shall be deemed to have affected in case of delivery. Sorry, 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 deemed to have been affected. In the case of a notice of a meeting at expiration of forty eight hours after the letter containing सेम इज पोस्टेड तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस आंसर में कि भाई अगर आप डिलीवरी पोस्ट से कर रहे हो तो रूल थर्टी फाइव सिक्स क्या बोलता है वो सर्विस कब अफेक्ट में आएगी अफेक्ट यानी कि कब मानी जाएगी कि आपने सर्व कर दिया अगर मीटिंग का नोटिस है तो बोले एट एक्सपायरेशन ऑफ फोर्टी एट आवर्स आफ्टर द लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड यानी कि पोस्ट करने के अड़तालीस घंटे बाद ठीक है पॉइंट नंबर फाइव लिखिएगा क्रक्स आंसर में यहां पे सिर्फ नाइनटीन डेज था नाइनटीन डेज नाइनटीन क्लियर डेज ओनली नाइनटीन क्लियर डेज नोटिस इज सर्व नाइनटीन क्लियर डेज नोटिस सर्व हुआ था अड़तालीस घंटे एक्सक्लूड करने के बाद देयर फॉर द मीटिंग वॉज नॉट वैलिडली कॉल्ड और कितना शॉर्ट हुआ था तो अपने को बोला था नोटिस फॉल्स शॉर्ट बाय टू डेज अब तीसरा अपने को एक क्वेश्चन और पूछा था यहां पे जिसका आंसर मैं आपको अभी करता हूं कि लेंथ ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस कल्टिल हो सकती क्या बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं सेक्शन वन जीरो वन से लेके वन जीरो सेवन ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में ही इन प्रोविजन से रिलेटेड कुछ बना लेती है वन में क्या है नोटिस है अब मुझे एक बात बताओ नोटिस में बोला है कि आ, ट्वेंटी वन क्लियर डिज नोटिस भेजना है अब प्राइवेट कंपनी में दो ही मेंबर है भाई एक मैं हूं मेरे पिताजी उनको मैं क्या नोटिस भेजू तो अगर मैं अपने आर्टिकल में प्रोविजन बना लेता हूं कि भाई मैं एक दिन पहले नोटिस भेजूंगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है यहाँ पे न्यू फार्मा लिमिटेड जो कंपनी है ना ये पब्लिक कंपनी है प्राइवेट नहीं है अगर प्राइवेट होती तो अपने आर्टिकल में अगर ये लिख लेती कि भाई हमारा डेट ऑफ सर्विंग ऑफ जो मतलब लेंथ ऑफ नोटिस होगा सर्विस का वो दो दिन होगा तो चलेगा अगर लिख लिया है तो आर्टिकल को माना जाएगा नहीं लिखा है तो एक्ट जैसा बोल रहा है कम से कम इक्कीस दिन वही फॉलो करना पड़ेगा ठीक है सर ये हो गया इसका आंसर आगे बढ़ते बेटा अब इसके बाद बेटा मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का जो सेक्शन है वो पढ़ाना चाहता हूं अब वो पढ़ने के बाद फिर अपन जो ईजीएम के रिलेटेड सेक्शन है उसको पढ़ के लेंगे ध्यान से सुनिएगा पहले प्रॉक्सी पढ़ा देता हूं उसके बाद मैं शायद ईजीएम पढ़ा दू ऐसा कर लेते हैं या तो मैं पहले आपको ईजीएम पढ़ा देता हूं फिर प्रॉक्सी पढ़ लेंगे चलो साथ में ही पढ़ लेते हैं प्रॉक्सी साथ में करवा देता हूं साथ में उसके बाद प्रॉक्सी के बाद ईजीएम वाला जो सेक्शन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वाला सेक्शन इसके बाद वो कर लेंगे क्योंकि एजीएम और ईजीएम साथ में कर लेंगे उसके बाद प्रॉक्सी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है एजीएम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ईजीएम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सारे कर लेंगे चलिए समझिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन एंड गर्ल्स प्रॉक्सी शुरू कर रहे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा बिल्कुल ये भी सेक्शन 105 इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस समझिएगा प्रॉक्सी शुरू करने के पहले थीम समझ लेते हैं कि प्रॉक्सी मतलब क्या स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि मेंबर खुद जब मीटिंग में नहीं जाता है और अपने बजाय किसी व्यक्ति को भेज देता है उसको बोलते प्रॉक्सी अब प्रॉक्सी जो है जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं चार्ट में ना तो वो बोल सकता है ना तो वोट करेगा एक्सेप्ट ऑन अ पोल एक्सेप्ट ऑन अ पोल यानी कि शो ऑफ हैंड्स में आमतौर पर वोट होता है प्राइम पहली बार में शो में शो ऑफ हैंड्स वोट होता है तो ना वो शो ऑफ हैंड्स में वोट करेगा ना तो वो कुछ बोलेगा प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हो वो कंपनी का मेंबर ही हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है सेक्शन एट कंपनी में ऐसा जरूरी है उसको छोड़ के बाकी कंपनी में जरूरी नहीं है समझ रहा है बात को भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसकी एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है मैं उसका मेंबर हूं मैं नहीं जा पा रहा हूं तो मैं अपने दोस्त राहुल को भेज देता हूं राहुल को वहां पे कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि वो मेंबर नहीं है वो प्रॉक्सी है ना तो वो शो ऑफ एंड में वोट कर पाएगा ना तो वो कुछ बोल पाएगा सिर्फ और सिर्फ वो वोट कर पाएगा पोल पे लेकिन पोल डिमांड करने का भी पावर उसके पास नहीं है पोल भी डिमांड करने का पावर मिलजुल होता है आएगा कि कौन पोल डिमांड कर सकता है और टेक अवेज पे क्या है और टेक अवेज पे ये है कि जो प्रॉक्सी है प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है नॉर्मली लेकिन अगर सेक्शन एट कंपनी है और उस पर कोई मेंबर किसी को अपनी जगह भेजना चाहता है मीटिंग में तो वो कोई दूसरे मेंबर को ही प्रॉक्सी बना सकता है ठीक है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ध्यान से समझिएगा देखो क्या लिखा है एनी मेंबर कोई भी मेंबर जो कि इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट यानी कि जो भी मेंबर कोई भी मेंबर कंपनी का जो कि कंपनी की मीटिंग को अटेंड करने के साथ साथ वोट करने का अधिकार रखता है वो व्यक्ति प्रॉक्सी भी अपॉइंट करने का अधिकार रखता है समझ में आ रही क्या बात कि भाई आप अगर वोट पार्टिसिपेट करने का राइट रखते हो मीटिंग में और साथ साथ में वोट करने का राइट रखते हो तो वो व्यक्ति अपॉइंट कर सकता है अनदर पर्सन अब यहां पे अनदर पर्सन में ये नहीं बोला कि वो किसी दूसरे मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा कोई भी बन सकता है निड नॉट बी अ मेंबर ठीक है प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए एक फॉर्म देना पड़ता है मेंबर को उस फॉर्म को बोलते हैं एमजीटी इलेवन जो कि मेंबर और प्रॉक्सी दोनों के द्वारा साइंड होता है कितने समय पहले देना पड़ता है सर कब वैलिड होगा ये सब अभी इसी क्लास में अब भी पढ़ने वाले हैं ठीक है ध्यान से समझना Provided क्या बोला है प्रॉक्सी ना तो बोल पाएगा ना तो वोट कर पाएगा पोल को छोड़ के ठीक है सिर्फ पोल पे वोट करेगा यानी कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे member को ही प्रॉक्सी अपॉइंट करना पड़ेगा अब मेरी बात को ध्यान से समझना मैं आपको यहां पे दो चीजें बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं पहला तो ये ये वाला एरिया और दूसरा ये वाला एरिया ये दोनों को अपने को साथ में कंप्लाई करना है फिलहाल के लिए आप ये वाले को अभी इग्नोर करिए जो मैं बॉक्स को कट कर रहा हूं ठीक है और ये वाले को भी अभी आपको कोई काम का नहीं है फिलहाल तो जितना मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं आपको वही पढ़ना है ठीक है रेगुलर क्लास में हम वो सारी चीजें पढ़ के लेते हैं बट फिलहाल एग्जाम ओरिएंटेड जितना जरूरी है वो अपन सब पढ़ के ले रहे एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा हर वो मेंबर जो मीटिंग अटेंड करने का और साथ साथ में मीटिंग में वोट करने का अधिकार रखता है वो ये भी अधिकार रखता है कि वो किसी भी दूसरे पर्सन को जो कंपनी का मेंबर भी नहीं है उसको वो प्रॉक्सी बना सकता है प्रॉक्सी मीटिंग में बोलने का अधिकार नहीं रखता वोट करने का अधिकार भी नहीं रखता एक्सेप्ट ऑन पोल यानी कि शो ऑफ हैंड्स में भी वोट नहीं करेगा सेक्शन एट कंपनी का जो मेंबर रहेगा वो प्रॉक्सी बना तो सकता है लेकिन किसी भी वर्सन को नहीं मेंबर को है. अब आपको ना दो चीज समझना है कि एक व्यक्ति कितने मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है एक व्यक्ति कितने मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है समझने वाली बात है तो बोले एक पर्सन एक्ट कर सकता है एज अ प्रॉक्सी नॉट एक्सीडिंग फिफ्टी यानी कि मैक्सिमम फिफ्टी हैविंग नॉट मोर देन टेन परसेंट ऑफ द अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा पेचीदा पॉइंट है आराम से इसको मैं आपको समझाता हूं बच्चे जनरली इस पर कंफ्यूज होते अब एक जो भी इंडिविजुअल पर्सन है ये इंडिविजुअल पर्सन जो है इसकी दो ट्रिगरिंग पॉइंट है एक तो ये मैक्सिमम कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है 50 मेंबर्स का ठीक है साथ साथ में बोला है कि ये एक बात बोला यहां पे हैविंग नॉट मोर देन टेन परसेंट ऑफ द अप शेयर कैपिटल हैविंग सीधा मैं लिख देता हूं नॉट मोर देन टेन परसेंट का वोटिंग राइट समझिएगा अब इसको ध्यान से अब ये इंडिविजुअल पर्सन कौन है मान लो मैं ही हूं अर्जुन तो बोले अर्जुन भाई साहब तुम कितने लोगों के प्रॉक्सी बन सकते हो पचास मेंबर के बन सकता हूं भाई लेकिन अर्जुन बोले तुमको यह भी ध्यान रखना है कि तुम जब पचास मेंबर के प्रॉक्सी बनोगे तो इन सबका मिला के दस परसेंट से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए तो मान लो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मीटिंग में जा रहे हो तो भाई अर्जुन जो है एक इंडिविजुअल पर्सन है वो प्रॉक्सी बन जा रहा है पचास मेंबर का और वो जाएगा इस मीटिंग में अपने को यह भी देखना पड़ेगा कि भाई जो तुम पचास मेंबर के प्रॉक्सी बने हो इनका कितना वोटिंग राइट है तो अगर इनका सबका मिला के वोटिंग राइट दस परसेंट है या दस परसेंट तक है तब तो बात ठीक है लेकिन मान लो तुम पचास लोगों के मेंबर बने हो पहले का बने दूसरे का बने तीसरे का बने चौथे का बने पांचवे का बने अब पांच लोगों के आप क्या बन गए प्रॉक्सी बन गए इन पांच लोगों के पास मिला जुला के मान लो आठ परसेंट का वोटिंग राइट है इस रिलायंस इंडस्ट्री में अभी आप बोलोगे कि सर और कितना लिमिट बचा है पांच का बन गया यानी कि पैतालीस लोगों का और बन सकता ही है फोर्टी फाइव मेंबर्स का और प्रॉक्सी बन सकता है लेकिन आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि एक एक लिमिट नहीं है दो लिमिट है एक तो ये लिमिट है मैक्सिमम कितने मेंबर का प्रॉक्सी और दूसरी लिमिट है उन सबका मिला के वोटिंग राइट कितना होना चाहिए दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रिगर कर गया यानी कि फुलफिल हो गया आपका वहां पे खेल खत्म हो जाएगा जैसे कि अब 50 मेंबर हैं यहां पे पांच लोगों का बन के भैया आया 8% परसेंट अब मान लो छठवे का बना और छठवे के पास बराबर 2% वोटिंग राइट्स थे तो टोटल तुम कितने छह मेंबर के प्रॉक्सी बने और इनके पास सबका मिला के टेन परसेंट वोटिंग राइट हो गया अब तुम बोलोगे सर ही तो है अभी फोर्टी फोर का तो और प्रॉक्सी बन सकता है नहीं टेन परसेंट वोटिंग राइट वाला ट्रिगर कर गया ना दोनों में से कोई एक भी ट्रिगर कर गया वहां पर आपको रुक जाना अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ऐसे तो ऐसा होगा किसी एक मेंबर का वो प्रॉक्सी बना और उस मेंबर के पास सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पंद्रह परसेंट वोटिंग राइट है पॉसिबल है हाँ अब इस सिचुएशन में ऐसा होगा कि अब अर्जुन इस मेंबर के अलावा और किसी का प्रॉक्सी नहीं बन सकता भले चलेगा यहां पे दस पंद्रह परसेंट है यहां पे चलेगा चलेगा किसी एक सिंगल का बनो उसका पचास परसेंट का वोटिंग राइट right क्यों ना हो उसके प्रॉक्सी बन जाओ अब उसके अलावा किसी और का नहीं बन सकते दोनों में से कोई एक ट्रिगर कर गया नहीं होगा एक सिचुएशन और लेते अब मान लो पचास मेंबर का प्रॉक्सी बना में इन सबके पास मिला जुला के पांच परसेंट है अब आप बोलोगे सर अरे पांच ही परसेंट हुआ सर पांच परसेंट और जिनके पास वोटिंग राइट होगा उनका बन जाएगा नहीं ना भाई पचास का ट्रिगर कर गया ना पचास मेंबर हो गए ऑलरेडी अब उनके पास मिला के पांच में क्या करूं तो या तो पूरा पचास मेंबर का प्रॉक्सी बनने वाला लिमिट फुलफिल हो जाए या तो भले पांच मेंबर के प्रॉक्सी बनो और उनका दस परसेंट है मिला के वोटिंग राइट तो दस परसेंट ट्रिगर हो गया दस परसेंट के ऊपर नहीं जा सकते या किसी सिंगल मेंबर के पास भले दस परसेंट और मोर वोटिंग राइट्स है लेकिन आप उसके बन चुके हो तो अब आप और फोर्टी नाइन के नहीं बनोगे क्योंकि आपने दस परसेंट वोटिंग राइट वाली लिमिट क्रॉस कर दी यहां पे भी वही लिखा है मेंबर हैविंग मोर देन टेन परसेंट वोटिंग राइट कैन अपॉइंट अ सिंगल पर्सन एस प्रोक्सी एंड सच पर्सन शेल नॉट एक्ट एस प्रोक्सी फॉर एनी अदर भाई दस परसेंट वाला क्रॉस हो गया समझ में आ गया होगा तो कितने टेक अवे अपने प्रॉक्सी के उससे लिए सर पहली बात जो व्यक्ति मीटिंग में आके मीटिंग में पार्टिसिपेट करके मीटिंग को अटेंड करना और मीटिंग को वोट करने का अधिकार रखता है वो मेंबर किसी भी व्यक्ति को वो भले सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट कर दे एज अ प्रॉक्सी किसी भी व्यक्ति को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है बस सेक्शन एट कंपनी में होना जरूरी है पोल को छोड़कर और किसी में वोट नहीं करेगा और मीटिंग में कतई नहीं बोलेगा शो ऑफ एंड में तो वैसे ही वोट नहीं करेगा लिमिट आपको समझ में आ गई अब बोल रहा है जितने भी नोटिस रहेंगे कंपनी के एवरी नोटिस कॉलिंग मीटिंग ऑफ अ कंपनी वहां पे रीजनेबल प्रोमिनेस यानी कि बड़े बड़े दिखाई देने वाले अक्षर में आपको लिखना है कि जो मेंबर मीटिंग अटेंड करने का हक रखता है और मीटिंग में वोट करने का हक रखता है वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट करने का हक रखता है अपनी जगह किसी और को अपॉइंट कर सकता है फॉर्म आपको पता चल गया एमजीटी इलेवन रहेगा जो मेंबर और प्रॉक्सी दोनों साइन करेंगे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए रेलिवेंट है एमजीटी इलेवन जो फॉर्म अपने को सबमिट करना है वो मीटिंग से 48 घंटे पहले जमा करना एमजीटी इलेवन मान लो कंपनी के आर्टिकल में लिखा कि तुम 100 घंटे पहले जमा करोगे कोई दिक्कत नहीं है तुम 48 घंटे पहले भी करोगे तो भी वैलिड माना जाएगा ये मैं नहीं कह रहा हूं लॉ कह रहा है इवन इफ आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर लॉन्गर पीरियड आर्टिकल में लिखा है साठ घंटे पहले जमा करो तुम अड़तालीस घंटे पहले भी कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अड़तालीस घंटे मीटिंग के अड़तालीस घंटे पहले अगर आपने प्रॉक्सी अपॉइंट करके एमजीटी इलेवन दे दिया कंपनी को आपका प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट वैलिड है आपका एमजीटी इलेवन का सबमिशन वैलिड है समझा अब ध्यान दीजिएगा ये वाले पॉइंट में भी बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी में ध्यान से समझना अब क्या होता है कंपनी के कुछ मेंबर प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं जैसे कि भाई मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनुअल जनरल मीटिंग में जा रहा हूं मेरे को एक क्यूरोसिटी है मैं जानना चाहता हूं कि कंपनी के और कौन से मेंबर खुद नहीं आ रहे लेकिन प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं ये मेरे को क्यूरियोसिटी है बस है मैं जानना चाहता हूं कि कंपनी के कौन से मेंबर खुद नहीं आ रहे लेकिन प्रॉक्सी को भेज रहे अगर मैं बीइंग अ मेंबर ये जानना चाहता हूं कि इस कंपनी के जनरल मीटिंग में कौन से मेंबर खुद नहीं आ रहे प्रॉक्सी को अपॉइंट कर रहे हैं तो अगर मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूं कौन सा मेंबर किसको प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है तो मुझे जो उसको इंस्पेक्ट करना है उसको कम से कम मीटिंग के तीन दिन पहले राइटिंग में नोटिस देना है कंपनी को कि मैं इंस्पेक्ट करूंगा अब इसका लॉजिक समझो भाई मेरे को इंस्पेक्ट करना है अब कंपनी को तो कम मिलेगा भाई कम से कम 48 घंटे पहले 48 एट आवर्स बिफोर देना है अब मान लो मैं कंपनी को तीन दिन पहले से नोटिस देके रखूंगा कि कंपनी तुम्हारे पास जितने प्रॉक्सी आएंगे मेरे को देखना है कौन सा मेंबर किसको प्रॉक्सी अपॉइंट किए कंपनी को पहले ही नोटिस कम से कम तीन दिन पहले नोटिस जाऊंगा अगर इंस्पेक्शन करना है मुझे तो कंपनी रेडी आ जाएगी अच्छा अर्जुन को देखना है बोले कौन कौन है तो वो बोल देगी भाई देख भाई अड़तालीस घंटे पहले जिनका भी प्रॉक्सी फॉर्म आएगा ना सबका डेटा मेंटेन कर लेना अर्जुन सर का नोटिस आए बोलते इंस्पेक्ट करूंगा तो कंपनी के पास भी एक दिन का पूरा समय रहेगा समझ रहे हो किस चीज का वो प्रॉक्सी को अरेंज करने का अरेंज तो वो तब करेगी जब उसके पास प्रॉक्सी फॉर्म आएंगे अब जहां पे मैंने बोला है कि 48 घंटे पहले हो सकता है किसी ने चार दिन पहले पांच दिन पहले हफ्ता भर पहले प्रॉक्सी का फॉर्म सबमिट कर दिया और मैंने कम से कम तीन दिन पहले नोटिस दे दिया तो जिनका जिनका ऑलरेडी आ चुका है उनका डेटा बना लेगी और जिनका जिनका 48 घंटे पहले आएगा उनका भी डेटा फटाफट जिसका जिसका ने तीन दिन अगर मुझे इंस्पेक्शन करना है तो पहली बात तो मुझे कम से कम तीन दिन पहले नाइटिंग में नोटिस देना ये तो नोटिस की बात है मैं इंस्पेक्ट कब करूंगा अरे कंपनी के पास खुद 48 घंटे पहले एमजीटी 11 आएगा तो मैं तीन दिन पहले से तो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता 48 घंटे के पहले तो कंपनी के पास खुद आएगा कट टू कट अगर कोई 48 घंटे पहले भेजा तो मैं कैसे करूंगा तो बोले आप ड्यूरिंग द मीटिंग इंस्पेक्ट कर सकते हो और 24 फोर आवर्स बिफोर द मीटिंग क्योंकि भाई 48 घंटे पहले तक तो फॉर्म आ जाएंगे सारे हमारे पास एक दिन और मिल जाएगा कंपनी को तो बोले ड्यूरिंग मीटिंग जब मीटिंग होगा ना तब भी इंस्पेक्ट कर लेना अर्जुन शुरू होने के चौबीस घंटे पहले कभी भी आ जाओ आप जब सर प्रॉक्सी फॉर्म अड़तालीस घंटे पहले आएगा तो आप तीन दिन पहले कैसे नोटिस भेज दोगे अरे तो दो अलग अलग व्यक्ति प्रॉक्सी का फॉर्म सबमिट करने वाला वो व्यक्ति है जो मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है मैं तो वो व्यक्ति हूं जो देखना चाहता हूं कौन सा मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है तो मुझे तीन दिन पहले नोटिस भेजना है मीटिंग के और उन लोगों को कम से कम 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म देना है तो मैं कंपनी को पहले ही कम कम दस दिन पहले से नोटिस भेज दू चलेगा तो कंपनी के दिमाग में रहेगा हाँ इंस्पेक्ट करने आएगा लेकिन मेरा इंस्पेक्शन शुरू कब से होगा शुरू होगा मीटिंग के चौबीस घंटे पहले से या तो ड्यूरिंग द मीटिंग बिजनेस हाउस में बराबर इसको आप इग्नोर कर दो फिलहाल इस अपन अभी फिलहाल टाइम नहीं डालेंगे पेनाल्टी फॉर में। ठीक है जी? चलिए। अब कुछ है। एक ऐसा मेंबर है जिसने फुल वैल्यू नहीं पे किया है कॉल इन अरियर है क्या वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है आंसर इज नो क्योंकि इसको वोट करने नहीं देंगे हर वो मेंबर जो अटेंड भी करेगा और वोट करने का भी अधिकार रखेगा तो ये अटेंड करने का अधिकार रखा है लेकिन वोट का नहीं रखा है, तो ये प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट कर पाएगा क्योंकि सिर्फ अटेंड करने से प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं करोगे अटेंड एंड वोट का राइट होना चाहिए ठीक अपनी मेड को अपॉइंट कर सकता हूं आंसर इज यस ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा अभी बिल्कुल ध्यान से अब देखो बोले अर्जुन एक शेयर होल्डर है रिलायंस का उसने अपॉइंट किया सतीश को एसप्रॉक्सी फिफ्टी फोर आवर्स बिफोर एंड दिशा प्रॉक्सी 50 आवर्स बिफोर दो प्रॉक्सी अपॉइंट किया अर्जुन ने

कौन 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 सा 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 वाला 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 इस पे कौन सा 50 वाला. इस पे पे एक सौ तेरह भी अपन ऑलरेडी का पढ़ चुके हैं एनुअल जनरल मीटिंग बिल्कुल ध्यान से समझना सेक्शन नंबर थ्री हो गया हमारा बहुत प्यार से बेटा जितने रेलवेंट पॉइंट थे के सब बता दियो तो 105 हो गया बहुत अच्छे से अब अपन पढ़ेंगे 96 97 98 99 100 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट सेक्शन है बेटा बिल्कुल ध्यान से समझ के लेना इसको ठीक है एकदम ख्याल से समझ के लेना ये अपने को क्या बोल रहा है इस पे इंस्टीट्यूट आपको बहुत घुमाने की कोशिश करता है एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन नंबर 96 जो मैंने आपको बताया कि एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी को साल पे एक बार तो करनी ही पड़ेगी ठीक है मैंडेटरी है अब इस पर दो क्राइटेरिया अपने को दिया हुआ है कि भाई क्या टाइम लिमिट होगी अगर आप फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हो तो कब तक करनी है पहली एनुअल जनरल मीटिंग और अगर आप सब्सिक्वेंट एजीएम कर रहे हो सब्सिक्वेंट एजीएम यानी कि पहली को छोड़ के दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवी एंड सो ऑन तो कब करने ठीक है तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बोल रहा है विदिन अ पीरियड ऑफ नाइन मंथ हो जानी चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ नाइन मंथ कहां से नाइन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी का जो पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा ना वहां से नौ महीने के अंदर पहली एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए ठीक है साथ साथ में यह बोलता है कि कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है उस दिन अगर एजीएम नहीं मतलब उस साल अगर एजीएम नहीं भी होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कंपनी मान लो एक दिसंबर 2021 को बनी है और मान लीजिए भैया इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2022 को तो इसका फाइनेंशियल ईयर इतना ही है समझ लो ये ये इसका फाइनेंशियल ईयर है अब 31 मार्च 2022 को इसका फाइनेंशियल ईयर पहला वाला क्लोज हुआ अब यहां से अगर नौ महीने अगर आप करोगे तो आएगा अपना दिसंबर का महीना क्योंकि तीन महीने चलेगा आप बोल लो कि 31 दिसंबर 2022 तक इनको अपनी पहली फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कर लेनी है ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स अब बात यह भाई और बहनों ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा था 2021 ये क्या है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये तो एक दिसंबर 2021 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस एक दिसंबर 2021 की मीटिंग तो हुई नहीं इस साल की मीटिंग तो हुई नहीं जिस साल ये इनकॉर्पोरेट हुई है उस साल तो ये एजीएम की ही नहीं ये तो 2022 को कर रही है अब ये पॉसिबल है क्यों पॉसिबल है क्योंकि तुम खुद ही बोल रहे हो लॉमेकर भाई पहली एनुअल जनरल मीटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ नाइन मंथ होनी चाहिए कहां से नाइन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर

सब्सिक्वेंट एजीएम आपको कब करना है तो बोले सब्सिक्वेंट एजीएम यानी कि दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवी कैसे करोगे तो बोले फिफ्टीन मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम लास्ट एजीएम से पंद्रह महीने और छ महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर जो होंगे ना बाद में तो बोले पंद्रह महीने जो पिछली एजीएम हुई है ना लास्ट एजीएम से पंद्रह महीने और छह महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इसमें से जो भी अर्लियर है जो भी अर्लियर है जो भी डेट पहले आएगी आपको उस पर सब्सिक्वेंट एजीएम कर लेनी है एग्जाम्पल दूंगा सबके अब एक बात ध्यान से समझना आर के पास पावर है कि आर चाहे तो आर चाहे तो आपको सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए सब्सिक्वेंट एजीएम यानी कि दूसरी तीसरी चौथी एंड सोन पहली के लिए नहीं सब्सिक्वेंट के लिए पहले के लिए नहीं एक्सटेंशन मिलेगा आर चाहे तो कुछ स्पेशल रीजन जैसे कि एक स्पेशल रीजन कोविड का था कुछ स्पेशल रीजन देखते हुए आर आपको एक्सटेंशन दे देगा अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग थ्री मंथ्स यानी कि मैक्स टू मैक्स तीन महीने का एक्सटेंशन हो सकता है आपको पंद्रह दिन का मिले हो सकता है दो महीने का मिले हो सकता है ढाई का मिले हो सकता है मैक्सिमम तीन महीने का मिल जाए क्योंकि तीन महीने से ज्यादा एक्सटेंशन देने का पावर आरओसी के पास भी नहीं और ये जो एक्सटेंशन देने का मैक्सिमम तीन महीने एक्सटेंशन देने का जो पावर है आर के पास ये सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए है फर्स्ट एजीएम के लिए तो ऑलरेडी नौ महीने मिल रहे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से तो आपको ये बात को ध्यान रखना है ठीक है सर समझ में आया अब इसका अगर कैलकुलेशन समझे हम लोग अब आओ इसका एक एग्जाम्पल समझ के लेते हैं जो पहली एजीएम जो मैंने आपको बताया कि विद इन नाइन मंथ होनी चाहिए सब्सिक्वेंट जो है वो लास्ट एजीएम से पंद्रह महीने या छह महीने फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दोनों में से जो भी पहले है तो जैसे कि मान लो भाई और बहनों कि कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो रही है वो हो रही है इकतीस बारह दो को अब इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा रहेगा इक्कीस बाईस एंड कब होगा इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022 को तो पहली एनुअल जनरल मीटिंग नाइन मंथ में करनी यानी कि अप टू 31 दिसंबर 2022 करनी है ठीक है समझ में आ गया अब इसके बाद क्या है मैं अगर बात करूं सब्सिक्वेंट की तो मान लेते हैं कि ये वाली जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग है ये हुई है इकतीस दिसंबर दो एकदम लास्ट डे को अब अगर अपने को सब्सीक्वेंट देखनी है तो सब्सीक्वेंट के लिए अपन देखेंगे 15 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट एजीएम और लास्ट एजीएम की डेट जो है वो हमारे पास दी गई है कौन सी 31 दिसंबर 2022 वहां से अगर मैं 15 महीने पहले 12 महीने कर लो 31 दिसंबर 22 से लेके 23 तक 12 महीने फिर जैन फेब मार्च 31 मार्च 2024 ये हो गए 15 महीने और सिक्स मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो अगर आप देखोगे तो ये 21 बाईस के फाइनेंशियल ईयर की मीटिंग यहां पे हुई अब ये 22 23 आ गया अगला साल अब इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2023 को वहां से आप छह महीने गिनोगे तो आएगा 30 नौ 2023 दोनों में से पहले क्या है डेफिनेटली इकतीस मार्च दो के पहले आएगा तीस सेप्टेंबर दो अब अपन और आगे बढ़ते सबसिक्वेंट तो अब अपने पास तेईस चौबीस का फाइनेंशियल ईयर है लास्ट एजीएम हुई 30 सितंबर 2023 वहां से 15 महीने करोगे तो 31 दिसंबर 24 और 6 महीने फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 30 24 अब जितनी भी डेट आएगी देख रहे हैं तीस नौ चौबीस ही आएगी स्टार्टिंग की पहली एजीएम और उसके बाद पहली एजीएम को अगर आप छोड़ दो तो उसके बाद आपकी मैक्स टू मैक्स हमेशा यही डेट आने वाली तीस सेप्टेंबर तीस सेप्टेंबर मैक्सिमम ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन अब इसके आगे अगर अपन जाएंगे तो अपने पास टाइम एंड प्लेस आता है एजीएम का लेकिन जनरल कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा जिस साल इनकॉर्पोरेट रहेगी लास्ट एजीएम की डेट से पंद्रह महीने या तो छह महीने फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर आर चाहे तो स्पेशल रीजन देके स्पेशल रीजन को आप आर को स्पेशल रीजन देके मैक्सिमम तीन महीने का एक्सटेंशन ले सकते हो और आरओसी को अप्लाई करना पड़ता है जीएनएल वन के अंदर फॉर्म का नाम है जीएनएल वन जिसपे आपको आरओसी को अप्लाई करना पड़ता है अब एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम डे और प्लेस क्या रहेगा ध्यान से समझना इसको एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम बिजनेस आवर्स जो कि दिया नाइन एम से सिक्स पी यानी कि नौ के पहले आप एजीएम बुला नहीं सकते छह बजे के बाद आप एजीएम कंटिन्यू नहीं कर सकते मान लीजिए आपकी एजीएम लंबी चल रही है नौ कंटिन्यू कर ही नहीं सकते आपको एडजन करना पड़ेगा मजबूरन कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम की वजह से क्योंकि बिजनेस आर्स में ही होगी डे किसी भी दिन हो सकती है एनी डे नेशनल हॉलीडे को छोड़ के अब नेशनल हॉलीडे क्या है फिफ्टींथ अगस्त ट्वेंटी जनवरी सेकेंड अक्टूबर बराबर है क्या

और अगर कंपनी अनलिस्टेड है आप इंडिया पे कहीं पे भी कर लो लेकिन हंड्रेड परसेंट मेंबर्स की अप्रूवल ले लो गोवा में करो शिमला में करो मनाली पे करो जहां करना है वहां करके लो तो एनी प्लेस एनी प्लेस इन इंडिया आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ हंड्रेड परसेंट ऑफ मेंबर्स अगर अनलिस्टेड है तो हंड्रेड परसेंट ऑफ द मेंबर्स की कंसेंट लेके इंडिया में कहीं भी कर लो लिस्टेड तो है तो रजिस्टर्ड ऑफिस या तो विद इन सिटी टाउन विलेज ठीक है तो पब्लिक हॉलिडे में हो सकती है एनुअल जनरल मीटिंग द आंसर इज यस अगर वो हॉलिडे जो है वो संडे है अब ध्यान से सुनना ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंपनी के लिए एग्जाम कर सकती डे दे, डेट एंड टाइम वाले प्रोविजंस को यानी कि जैसे बोल रहा ना नौ से छ के बीच में करना है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंपनी के लिए इन प्रोविजन को एग्जाम कर देगी टाइम डेट प्लेस के लिए ठीक है अब जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी एजीएम कहीं पे भी कर सकती है आउटसाइड इंडिया भी गवर्नमेंट कंपनी कर सकती है अगर उस प्लेस को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो, तो अगर गवर्नमेंट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूवल कर देती है तो आप कहीं पे भी एजीएम कर सकते हो सेक्शन एट कंपनी है तो सेक्शन एट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एजीएम उस दिन उस डेट पे और उस टाइम में करेंगे जैसा कि उसके मेंबर्स मेंबर्स बता रहे हैं उसको। अगर ने उनको बताया कि भाई हमको गोवा में करना है, ठीक है हमको गुजरात में करना है तो सेक्शन एट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन एट कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग वहां करेंगे जैसे कि उसके मेंबर्स बताएंगे अगर बताए हैं तो नहीं तो रजिस्टर्ड ऑफिस तो दिया हुआ है और गवर्नमेंट कंपनी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती तो कहीं पे भी मीटिंग कर सकती है ठीक है सर अब ट्राइब्यूनल का पावर ध्यान से सुनना मान लीजिए कि भाई डिफॉल्ट होता है आप एजीएम नहीं होल्ड करते हो अंडर सेक्शन 96। सिक्स ट्राइब्यूनल किसी भी मेंबर के कोई एक सिंगल मेंबर भी अगर ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन कर दिया एनी मेंबर ऑफ कंपनी ट्राइब्यूनल कॉल और डायरेक्ट कॉलिंग ऑफ एजीएम या तो वो खुद बुला देगी कि भाई आओ या तो डायरेक्ट करेगी कंपनी को एजीएम करो और इस ट्राइब्यूनल के ऑर्डर में ये तक डायरेक्शन आ सकता है कि इवन इफ वन मेंबर ऑफ कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन एक मेंबर भी आएगा इन पर्सन और बाय प्रोक्सी उसको मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट माना जाएगा कि हाँ कोरम की कोई जरूरत नहीं है इतना पावर भी एनसीएलटी दे सकती है ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ये था 97 अब अपनी बात आती है बेटा कॉलिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन नंबर 100 एक बार ये सेक्शन नंबर 100 करवा देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसके बाद मैं आपको प्रॉक्सी का जो सेक्शन 105 पढ़े सेक्शन नंबर 96 पढ़ लिए 97 पढ़ लिए एजीएम का और सेक्शन नंबर इन सब के क्वेश्चन आंसर्स लाइन से कराऊंगा और ये बहुत मोटे मोटे मैं आपको प्रोविजंस पहले करवा रहा हूं कोरम का करवा दिया 112 113 114 ठीक है और नोटिस का करवा दिया सेक्शन 101 102 103 कोरम हो चुका है तो जितने भी मोटे मोटे चीजें ना वो पहले करवा रहा हूं और इनमें से ही 35 चौतीस पैंतीस सेक्शन है उसमें से पंद्रह सेक्शन लगभग कवर कर रहे हैं अभी मिसलिनियस जो भी बचेगा जो उतना रेलिवेंट नहीं एग्जाम के लिए पहले ये सारी चीजें करके ले रहे जिससे मोटे मोटे मार्क्स हमेशा बनते हैं अब बात आ रही है सेक्शन नंबर सौ की जो बात करता है कॉलिंग ऑफ एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग थोड़ा सा इसके बारे से समझ लीजिए एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा है यानी कि भाई एनुअल जनरल मीटिंग में सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग करेंगे साल में एक बार और वहां पर सारे बिजनेस ट्रांजेक्ट कर ले पॉसिबल नहीं है ना तो अपन इजीएम करते यानी कि जो है ये साल पे एक बार तो मैंडेटरी होना ही है ऑन डिमांड मेंबर्स बोले कि नहीं हमको कुछ बिजनेस डिस्कस करने या बोर्ड को लगे कि नहीं यार हमको मीटिंग की जरूरत है कुछ शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है तो बोर्ड भी चाहे तो ईजीएम खुद से बुला सकते या मेंबर्स बोर्ड को रिक्वेस्ट करके बुला सकते कैसे बुलाएंगे क्या लीगल प्रोसीजर होगा ध्यान से समझिएगा एक जगह देखो लिखा हुआ है बोर्ड में एक जगह लिखा है बोर्ड शेल। बोर्ड शेल में मतलब बोर्ड चाहे तो बुला लेगा बोर्ड शेल मतलब बोर्ड को बुलाना पड़ेगा एक जगह में लिखा है एक जगह शेल लिखा है तो बोर्ड को जब भी उचित लगे वो एजीएम बुला लेगा लेकिन बोर्ड को कब बुलाना ही पड़ेगा एजीएम तो बोले एट द रिक्विजिशन मेड बाय द मेंबर्स हु होल्ड और हैव ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन यानी कि रिक्वेस्ट आएगी मेंबर्स की। कितने मेंबर से रिक्वेस्ट आएगी तो बताता हूं बोले कम से कम वन टेंथ, टेंथ कम कम से वन कम अगर कंपनी पेड़ अप शेयर कैपिटल वाली है कैरिंग वोटिंग राइट्स है तो कम से कम वन टेंथ ऑफ द टोटल पेडअप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट वाले मेंबर्स मिल या किसी अकेले के पास वन टेंथ ऑफ द कम से कम वन टेंथ ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है अगर कंपनी कौन सी है शेयर कैपिटल वाली है तो अगर किसी अकेले बंदे के पास है ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग वो अकेले रिक्वेस्ट कर दे बोर्ड को बुलाना पड़ेगा मिलजुल के है कम से कम तो भी बुलाना पड़ेगा अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो वन टेंथ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स ऑफ ऑल द मेंबर्स वो रिक्वेस्ट करेंगे तो बोर्ड को बुलाना पड़ेगा जब भी वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उस रिक्वेस्ट में बताना पड़ेगा शेयर होल्डर को कि कौन से मैटर को कंसिडर करने के लिए ईजीएम बुलाना चाह रहे जितने भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिलके जितने भी रिक्विजिशन कर रहे होंगे जिसके पास वन टेंथ होगा सबके सबके साइन होने चाहिए उस रिक्वेस्ट में उस रिक्विजिशन में सबके और आपको ये रिक्वेस्ट को भेजना है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में आप इस रिक्वेस्ट को भेज दो अगर रिक्वेस्ट आपकी वैलिड रहेगी तो बोर्ड को बुलाना ही पड़ेगा ईजीएम ठीक है सर समझा अब ये वाला जो चार्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको बहुत ध्यान से समझना बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते इस पर आपको ईजीएम बुलानी है विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन हंड्रेड फोर अब हंड्रेड फोर में क्या दिया हुआ है हंड्रेड यानी कि सबसेक्शन फोर सेक्शन हंड्रेड सबसेक्शन फोर बोले जब से आपको वैलिड रिक्वेस्ट मिली है वैलिड रिक्वेस्ट यानी कि मैटर लिखा है सबके साइन हुए हुए हैं और रजिस्टर्ड ऑफिस में दिया है तो बोर्ड को वहां से 21 डेज फ्रॉम सच डेट सच डेट का कनेक्शन किधर से है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्विजेशन सबका कनेक्शन वहीं से प्रोसीड करना टू कॉल एजीएम प्रोसीड का मतलब यह है कि भाई एजीएम बुलाने की तैयारी शुरू कर देनी है अब आपको रिक्वेस्ट आ गई ना बोर्ड तुमको ट्वेंटी वन डेज का टाइम है जब से वैलिड रिक्वेस्ट आई है वहां से ट्वेंटी आप तैयारी तो शुरू करो आप जगह तो बुक करो आप नोटिस भेजने की प्रक्रिया तो शुरू करो ये ट्वेंटी वन डेज आपको प्रोसीड करने के लिए दिए तैयारी करने के लिए दिए हैं ईजीएम को बुलाने के लिए क्योंकि एकदम तड़फड़ थोड़ी हो जाती सारी चीजें तो थोड़ा सा इनको भी रियायत दी अब मान लीजिए ये एक चीज होगी कि भैया बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी दूसरी सिचुएशन होगी कि बोर्ड ने तैयारी शुरू नहीं की अगर कर दी तब तो कोई बात ही नहीं है भाई बल्ले बल्ले है वो सबको नोटिस दे देगी अपने तरफ आ जाना सब मेंबर्स आ जाएंगे जिनने रिक्वेस्ट किया वो भी आ जाएंगे अब अगर ये राइट है तब तो ठीक अगर रॉन्ग है तो अपन चले जाते हैं इधर अगर 21 दिन के अंदर बोर्ड तैयारी नहीं कर रहा है हम ये नहीं बोल रहे 21 दिन में मीटिंग कर लो ईजीएम अगर तैयारी नहीं कर रहा है तो नॉट लेटर देन 45 डेज फ्रॉम सच डेट सच डेट अगेन कौन सी सच डेट यहां से जब से रिक्वेस्ट दिया भैया 21 दिन का तुमको टाइम मिला था इसको लगा इक्कीस दिन में कुछ कर ही नहीं रहे तो विद इन फोर्टी डेज फ्रॉम सच रिक्वेस्ट साधारण शब्दों में बोलू तो अगले चौबीस दिन में अगले चौबीस दिन में मेंबर में, 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 खुद ही मीटिंग बुला लेंगे लेंगेल्फ मीटिंग में बी कॉल्ड बाई अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स फ्रॉम सच डेट कौन सा सच डेट जितनी भी डेट कैलकुलेशन करनी है वैलिड रिक्वेस्ट की डेट से करनी है तो भैया जब से वैलिड रिक्वेस्ट मेरी बोर्ड तो से 21 दिन में तैयारी कर लो कर लिए बहुत अच्छी बात नोटिस चले जाएगा वो आ जाएंगे दिखा बोर्ड ने कोई तैयारी नहीं किया है अगले 24 दिन के अंदर विद इन फोर्टी डेज मेंबर खुद ही मीटिंग बुला लेंगे लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स फ्रॉम सच डेट यानी कि रिक्वेस्ट भेजा उसके तीन महीने के अंदर अंदर बुलाई लेना उससे बाहर गया नहीं चलेगा मेंबर्स के लिए बोल रहे क्योंकि 21 दिन बोर्ड के लिए नहीं कर रहे तो अगला 24 दिन आपके लिए लेकिन आप 24 दिन में तैयारी फैयारी करके मीटिंग कर ही लेना वैलिड रिक्वेस्ट है तीन महीने के अंदर नहीं तो आप मेंबर तीन महीने के बाद तो ईजीएम नहीं कर पाओगे ठीक है अब जो भी रीजनेबल एक्सपेंस लगा है रिक्विजिशनिस्ट को क्योंकि वो खुद से मीटिंग बुलाए तो जितने भी डिफॉल्टिंग डायरेक्टर है ना उनके रेमुनरेशन से डिडक्ट करके उनको रिम्बर्स किया जाएगा ठीक है सर समझ में आए प्लेस क्या होगी ईजीएम की यहां पे एजीएम लिखा हुआ है इसको ई e कर दिया जाएगा ईजीएम की प्लेस क्या होगी इंडिया में कहीं पे भी कर लो एजीएम एजीएम की बात नहीं कर रहा इंडिया में कहीं भी कर लो एनी प्लेस इन इंडिया कर लो लेकिन अगर कंपनी आपकी ऐसी है जो इनकॉर्पोरेट तो हुई है इंडिया में लेकिन वो होली ओन सब्सिडरी हंड्रेड परसेंट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल उस कंपनी का है जो कि कंपनी आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हुई है यानी कि फॉरेन की जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो होल्डिंग है और आपकी कंपनी इंडिया वाली वो सब्सिडरी वो भी होली ऑन सब्सिडरी तो दुनिया में कहीं पे भी कर लो एनी एजीएम की थी ये बात अब बात आती है सेक्शन नंबर 98 की फिर इसको भी पढ़ के लेंगे क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 98 आता है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल ईजीएम 97 में एजीएम के लिए पावर था 98 में ईजीएम को बुलाने का पावर है हालांकि ईजीएम दिया है 100 में लेकिन फिर ट्राइब्यूनल का रोल आया 98 में अब बोले किसी भी कारण वर्ष अगर ये इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है EGM बुलाना इम्प्रैक्टिकेबल हो रहा है कुछ कारण है क्यों <coughs> वो जो, जो 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 दो डायरेक्टर को रिक्वेस्ट किया दो डायरेक्टर को निकलवाना था तो मेंबर ने रिक्वेस्ट में बताया ये दो डायरेक्टर को निकलवाना है इसीलिए बुला रहे कोई दो डायरेक्टर नाटक कर रहे ये बोले नहीं बुलाएंगे इम्रैक्टिकेबल हो रहा है तो ट्राइब्यूनल या तो सुओ मोटो अपनी मर्जी से जो कि बहुत कम होगा या किसी भी डायरेक्टर के एप्लीकेशन से या किसी भी मेंबर जिसका वोट करने का हक हाँ है कोई भी एक ऑर्डर कर देगा उनके एप्लीकेशन में कि भाई कॉल करो हेल्ड करो कंडक्ट करो ईजीएम उस मैनर में जो ट्राइब्यूनल को फिट लगता है और एक मेंबर भी आएगा तो भी ईजीएम होगी ऐसा भी वो डायरेक्शन दे सकते हैं अब पनिशमेंट दिया अपने को अगर 96 से लेकर 98 में कोई भी प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस किया एजीएम नहीं किया टाइम से ट्राइब्यूनल ने 97 में ऑर्डर दिया उसका पालन नहीं किया 98 में ईजीएम के लिए ऑर्डर दिया उसका पालन नहीं किया एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फाइन लगेगी दस हजार रुपए एंड इनकेस ऑफ कंटिन्यूइ फर्दर फाइन पांच हजार रुपए हर दिन का जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा तब तक ठीक है सर अब एजीएम और ईजीएम का एक ये ब्लू प्रिंट मैंने निकाल के रखा इसको ध्यान से समझना इसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं यहां पे एजीएम लिखा है यहां पे एजीएम लिखा है लिस्टेड अनलिस्टेड लिखा हुआ है तो प्लेस डेट टाइम का चार्ट बनाया हुआ है लिस्टेड कंपनी तो रजिस्टर्ड ऑफिस अनलिस्टेड है तो भाई कहीं पे भी इंडिया में कर लो हंड्रेड परसेंट की कंसेंट डे पब्लिक हॉलिडे में कर लो नेशनल हॉलिडे को छोड़ के अनलिस्टेड है एनी डे कर लो एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे सेम बात हो गई टाइम नौ से छे, नौ से छे, ये बात लिखी सेक्शन नाइनटी सिक्स पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं ईजीएम की बात करें तो ईजीएम की अगर बात करूं तो अगर बोर्ड खुद ईजीएम बुला रहा है बोर्ड खुद अगर ईजीएम बुला रहा है तो क्या कंपनी अदर देन होली ऑन सब्सिडी है ऑफ फॉरेन कंपनी अगर कंपनी अदर देन होली ऑन सब्सिडी है फॉरेन कंपनी की तो आप एनी प्लेस इन इंडिया में कर सकते हो ईजीएम लेकिन अगर कंपनी होली ऑन सब्सिडी है फॉरेन कंपनी की तो एनी प्लेस इन द वर्ल्ड कर सकते हो किसी भी दिन कर सकते हो ईजीएम को और किसी भी वक्त कर सकते हो यह बोर्ड के लिए है। ठीक है अगर रिक्विजनिस्ट बुला रहे हैं तो इनकी बातें अलग अलग जगह दी है रिक्विजनिस्ट बुला रहे हैं तो रूल 17 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 बोलता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी और किसी भी दिन होगी लेकिन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड टू पे लिखा है कि नौ से छ के बीच में ही होगी अगर रिक्वेजनिस्ट बुला रहे हैं तो

बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है रूल नंबर सत्रह ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स जब रिक्विजनिस्ट ईजीएम बुला रहे रिक्वेस्ट करके वहां पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिक्विजनिस्ट जो खुद को तो पता है कि भाई हम किस मैटर के लिए बुला रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग उनको एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है वो तो खुद उनको पता है ना सारी चीजें तो अगर रिक्विजनिस्ट बुला रहे हैं एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग तो भले उसमें स्पेशल क्यों ना हो? देने की जरूरत नहीं है ठीक है, है।, है बट उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन कुछ करके लेंगे जस्ट अट सो गाइस सबसे पहले अपन क्वेश्चन करने वाले प्रॉक्सी का तो जितने भी सेक्शन हमने अब तक पढ़े जैसे कि कोरम के बाद हमने पढ़ लिया प्रॉक्सी के सेक्शन एजीएम के पढ़ लिए, इजीएम के पढ़ लिए, ये जितने भी अपन ने अभी सेक्शन पढ़े इसके बेसिस पे जितने भी तमाम क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो कवर करवाने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स पे क्वेश्चन सिक्स लिखा है कंपनी रिसीव अ प्रॉक्सी फॉर्म फिफ्टी फोर आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग मीटिंग स्टार्ट होने के फिफ्टी फोर रिफ्यूज करती एक्सेप्ट करने के लिए प्रॉक्सी फॉर्म को ऑन द ग्राउंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी बोलता है कि प्रॉक्सी फॉर्म कम से कम साठ घंटे पहले होना चाहिए ठीक है प्रॉक्सी को डिफाइन करिए और बताइए कंपनीज के प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या प्रॉक्सी होल्डर कंपेल कर सकता है कंपनी को टू एडमिट द प्रॉक्सी इन दिस केस अगर आपको प्रोविजन याद होगा तो मैंने लास्ट में आपको भी पढ़ाया था भले ही कंपनी के आर्टिकल पे ये लिखा हो कि भाई 48 घंटे से और पहले देना साठ घंटे पहले 70 घंटे या सौ घंटे पहले वो मान्य नहीं रहेगा अगर आप अड़तालीस घंटे पहले भी अगर देते हो तो भी आपकी प्रॉक्सी वैलिड मानी जाएगी आई का एक बार करक्स आंसर लिख लेते हैं सेक्शन नंबर सिक्स का फटाक से सेक्शन नंबर सिक्स नहीं क्वेश्चन नंबर सिक्स का मैंने गलती से शायद सेक्शन बोल दिया था ध्यान दीजिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स सबसे पहले तो सेक्शन कौन सा रहेगा सेक्शन नंबर एक सौ पांच और इसी के अंदर आपको वो लिखना है कि भाई कोई भी पर्सन एंटाइटल्ड एंड अटेंड टू वोट है वो किसी को भी कर सकता है सेक्शन नंबर 105 का जो मेन अपने को लिखना है वो ये है प्रॉक्सी रिसीव्ड 48 एट आवर्स बिफोर द मीटिंग विल बी वैलिड even if the articles प्रोवाइड फॉर अ लॉन्गर पीरियड आर्टिकल पे ज्यादा वक्त लिखा है इससे कोई लेना देना नहीं है अगर आप 48 घंटे के पहले देते हो तो अपना काम बन जाएगा तो यहां पे जो प्रॉक्सी होल्डर है उसने चौवन घंटे पहले दिए थे भले भैया तुम्हारे में साठ लिखे डजेंट मैटर हमने क्या कम से कम अड़तालीस घंटे पहले दिए हां तो अकॉर्डिंगली प्रॉक्सी होल्डर कैन कॉम्पेल द कंपनी टू एडमिट द एक क्रक्स आंसर है आपको पूरा 105 लिखना पड़ेगा समझाना पड़ेगा उसके बाद facts of the case लिख के आपको कंक्लूड करना पड़ेगा मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं ठीक है जी इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन जो है जो प्रॉक्सी से रिलेटेड है इसको करके लेते अच्छा क्वेश्चन है ये इस पे ना दम नहीं है क्वेश्चन में बस एग्जामिनर ने आपको किसी तरीके से घुमाने की कोशिश की है एक्स वाई एन एम करके पढ़ोगे तो इस पर कोई दम नहीं है बट साइकोलॉजिकली एग्जाम के स्ट्रेस के वक्त हो सकता है कुछ मतलब टेक्निकालिटी नहीं है देखिएगा लिखा हुआ है जनरल मीटिंग है स्केडूल्ड हुई थी 15 अप्रैल 2019 ये जनरल मीटिंग स्केड्यूल्ड हुई है 15 अप्रैल 2019 को तीन बजे ठीक है भाई अब पर द नोटिस मेंबर्स हु आर अनेबल टू अटेंड अ मीटिंग इन पर्सन कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी और प्रॉक्सी फॉर्म्स ड्यूली फाइल्ड शुड बी सेंट टू द कंपनी सो एस टू रीच एटलीस्ट फोर्टी एट आवर्स बिफोर द मीटिंग कोई काम का नहीं यहां तक मेन काम की चीज यहां से शुरू होती है इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूं मिस्टर एक्स है मेंबर है कंपनी के वो अपॉइंट कर रहे हैं मिस्टर वाई को मिस्टर जो डेट है, है कंपनी में ग्यारह चार दो को ठीक है अब ग्यारह चार दो हजार उन्नीस को डिपॉजिट हुआ तो विद इन टाइम है मेरे ख्याल से 15 तारीख से मीटिंग है आपने तो चार दिन पहले दे दिया 48 एट आवर्स से और पहले दे दिया एक मेंबर और है जैसे एक्स एक मेंबर एक था वैसे ही एक मेंबर और है डब्लू अब डब्लू ने दो सेपरेट प्रॉक्सीज बनाई है टू इंडिविजुअल नेम्स पे एक का नाम है मिस्टर एम एक का नाम है मिस्टर एन एम और एन के नाम से दो प्रॉक्सी बनाई है तो एम के नाम से जो प्रॉक्सी है वो डेटेड है 12 चार 2019 उसको डिपॉजिट किया जाता है सेम डे पे यानी कि एन के नाम की जो प्रॉक्सी उस डेट बारह की लिखी और बारह को उसको डिपॉजिट कर दिया तो अगेन 15 को मीटिंग है तुमने 12 को कर दिया मेरे ख्याल से एम का जो है तो वैलिड है प्रॉक्सी फॉर्म इन फेवर ऑफ एन एन के लिए एक और बनाया है सर ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति दो दे दे अपन ने पढ़ा था ना लेटेस्ट इन टाइम वैलिड होगा तो कर सकते हो वो डिपॉजिट हुआ चौदह चार दो हजार उन्नीस तो ये तो गलत हो गया तुम तो एक दिन पहले दे रहे हो तो एन का इनवेलिड हो गया क्योंकि वो लेटेस्ट तो है लेकिन विद इन टाइम नहीं है अब सारे के सारे प्रॉक्सी मीटिंग में आए हुए एन भी आया हुआ है मीटिंग में आपको आंसर करना है किसको अलाउ किया जाए टू रिप, रिप्रेजेंट एस प्रॉक्सी फॉर मेंबर्स एंड मेंू सीधी सीधी सी सवाल दिखा हुआ है यहां पे भाई एन भाई साहब तुमको अलाउ नहीं किया जाएगा एम भाई साहब जो है उनको अलाउ किया जाएगा क्योंकि तुम्हारा बारह चार दो को सेम डे पे डिपॉजिट हो गया था बड़ा सिंपल सा था क्वेश्चन कुछ दम नहीं बस डब्ल्यू एक्स एम एन पी क्यू आर एस टी करके आपको घुमाया जा रहा था ठीक है चलिए एक बार फटाफट इसका मैं आपको क्रक्स आंसर लिखा देता हूं लिखिएगा साथ में प्रोविजन तो अपन नहीं लिखेंगे प्रोविजन अपने को पता हुआ है मेन मेन बातें लिखेंगे जो जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए Where two proxy instruments by the same shareholder are lodged in such manner. That one is lodged before and the other after the expiry after the expiry of the date fixed. लॉजिंग प्रॉक्सी द फॉर्मर विल भी काउंटेड फॉर्मर यानी कि पहले वाले को काउंट किया जाएगा क्यों पहले वाले को काउंट किया जाएगा फॉर्मर विल बी काउंटेड का मतलब क्या है फॉर्मर विल बी काउंटेड का मतलब द वन लॉज बिफोर बिफोर वॉट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स वन इज लॉस्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्सडो फॉर्मर वाली जो है जो टाइम के पहले हुई है वो करेंगे जो टाइम के बाद हुई है वह इनवैलिड होगी ठीक है दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी के अंदर सो so, जो मेंबर एक्स है और मेंबर एक्स प्रोक्सी वाई विल बी परमिटेड टू वोट बिकॉज submitted शॉर्ट में लिख रहा हूं submitted विद इन द परमिटेड टाइम ठीक है जी तीसरा Jo w, a w. However, in the case of Member W, proxy M and not proxy N will be permitted to vote. as the proxy authorizing n to vote was deposited in less than 48 hours before the meeting ठीक है जी ये आंसर था पूरा क्रक्स अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर फोर करना है बड़ा इजी है क्वेश्चन नंबर फोर उस पर कुछ नहीं रखा है जस्ट एक रीड करा देता हूं तो कंसेप्ट की पॉलिशिंग हो जाएगी जस्ट अ मोमेंट अब अपने को बोल रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग कि भाई ट्रू है फॉल्स है वाली बात है वैलिड है कि नहीं है तो देखो लिखा हुआ है फर्स्ट एजीएम ऑफ अ कंपनी शेल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर गलत है ये इनवैलिड है क्यों भाई मंथ में होती है पहली वाली क्या बोल रहा है फर्स्ट एजीएम के बारे से बोल रहा है ठीक है कुछ पहले वाले के लिए नौ महीने दिया कोई एक्सटेंशन नहीं पहले वाले के लिए तीसरा सबसिक्वेंट सेकंड ऑनवर्ड एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ठीक है इसको आप करेक्ट बोल सकते हो क्योंकि बोला है फिफ्टीन मंथ और सिक्स मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम तो ये करेक्ट है देयर शेल बी मैक्सिमम इंटरवल ऑफ फिफ्टीन मंथ बिटवीन टू एजीएम ये भी बिल्कुल करेक्ट है इस पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर बाईस को करके लेते ये भी आपके कंसेप्ट पॉलिशिंग करने का काम करेगा एजीएम के सेक्शन का जस्ट अ मोमेंट देखिएगा क्या बोल रहा है एफ जी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन एक चार दो हजार सत्रह नो जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हैज हेल्ड टिल है एक चार दो हजार सत्रह को इनकॉर्पोरेट हुई है और तीस चार दो हजार उन्नीस तक मीटिंग ही नहीं हुई है अब आपको बोल रहा है कंपनीज एक्ट का प्रोविजन बताओ रिगार्डिंग द टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी और पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तो भाई पावर तो है ही नहीं आरओसी के पास और रही बात इस कंपनी की तो इसका फाइनेंशियल ईयर पहला क्लब क्लोज होगा 31 मार्च इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2018 को अब यहां से नौ महीने यानी कि 31 दिसंबर 2018 तक इसकी मीटिंग हो जानी चाहिए थी बराबर है क्या क्योंकि इकतीस मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वहां से अगर नौ महीने करूं तो इकतीस दिसंबर दो तक मीटिंग हो जानी चाहिए कुछ भी मीटिंग किया नहीं तब तक और आर के पास पावर भी नहीं है एक्सटेंड करने का तो इसको मैं ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूं शॉर्ट एंड स्वीट आप इसको खुद भी लिख सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से नौ महीने तो नौ महीने कब क्लोज हो रहे इकतीस बारह दो हजार अट्ठारह को वहां तक हो जानी थी लेकिन तीस चार दो हजार उन्नीस तक कोई मीटिंग नहीं हुई है और आर के पास फर्स्ट एजीएम को एक्सटेंड करने का कोई पावर नहीं है क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे एजीएम के टाइम एंड प्लेस के रिलेटेड बात कर रहा है वो समझिएगा रिजवान लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी यहीं से अपना दिमाग चलने लग जाना चाहिए कभी भी कोई चीज मेंशन कर रहा है लिस्टेड कंपनी बिजनेस ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है और रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो 123 एन टावर कमर्शियल बीटा कॉम्प्लेक्स बिवाड़ी राजस्थान में है कंपनी ने अपनी सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग कॉल की 3 बजे बाईस अगस्त 2019 को एट अंसल प्लाजा भिवाड़ी में कुछ मेंबर ने अपोज किया कि भाई आप मीटिंग नहीं बुला सकते प्लाजा में द अप्रोच यू टू एडवाइस इन दिस रिगार्ड अब भाई लिस्टेड कंपनी के लिए अपन ने जो टाइम देखा था आपको याद होगा रजिस्टर्ड ऑफिस में कर लो या तो विद इन सिटी टाउन विलेज कर लो सिटी कौन सी बिवाड़ी वो अंसल प्लाजा बिवाड़ी में ही कर रही है फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है दूसरा पूछ रहा है सपोज रिजवान लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी और वो जयपुर में अगर अपनी मीटिंग करना चाहती है तो अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वो तो इंडिया में भी कहीं पे भी कर सकती है अगर उसके हंड्रेड परसेंट ऑफ द मेंबर्स क्या करते हैं कंसेंट करते हैं अब भी पड़ा था बस एजीएम के प्रोविजन में तो भाई पहले वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं क्यों अपोज कर रहे नहीं पता दूसरा वाले जो केस है वहां पर हंड्रेड ऑफ द मेंबर्स की कंसेंट लेके आप कर सकते हो आइए फटाफट इसको लिख लेते हैं लिखेगा लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स सबसे पहले तो सेक्शन का रेफरेंस दे देंगे सेक्शन नंबर 96 सिक्स की बातें ये सारी चीजें उसके बाद दो केस दिए हैं तो फर्स्ट केस में मैं सीधा क्रक्स लिख रहा हूं क्योंकि प्रोविजन तो आपको पता है कंपनी क्या है इज राइटफुल इन कॉलिंग एजीएम एट अंसल प्लाजा क्योंकि वो विद इन द सिटी टाउन विलेज आ रहा है दूसरी सीनारियों में बोल रही कि मान लो ये अनलिस्टेड कंपनी होती तो क्या होता तो सेकेंड केस पे इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी एजीएम May be held at any place in India if consent is given in writing or by. Electronic mode by all the members in advance. Hence, the AGM can be called. इन जयपुर ठीक है अगर कंसेंट सबकी मिल जाती है तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कर लेते हैं वो भी आपके कंसेप्ट को पॉलिश कर देगा ध्यान दीजिएगा घुमाने की कोशिश किया इंस्टीट्यूट ने यहां पे आपको ध्यान दीजिएगा देखो क्या लिखा है प्रेमल लिमिटेड है एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है कहां पे इन इंडिया उसकी दो सब्सिडरीज हैं एक है privi limited जिसपे पे primal limited 75% शेयर होल्ड कर रहा है और एक malvi limited है जिसपे पूरा का पूरा होल्ड कर रहा है यानी कि malvi limited जो है ये होली ऑन सब्सिडरी है और privi limited जो है ये सब्सिडरीज को एस लिख दो इसको डब्ल्यू एस लिख दो ये किसके हैं primal limited के इसके हैं अब अपने को पूछ रहा है दोनों सब्सिडरी जो है वो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है ठीक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है प्रिमल लिमिटेड के वो चाहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना प्रिमल लिमिटेड की अर्जेंट बेसिस पे एडवाइस करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ईजीएम इंडिया पे हो सकती है बिल्कुल हो सकती है क्या ईजीएम नीदरलैंड में हो सकती है अब इस पर सोचने वाली बात है अगर आपने ईजीएम का प्रोविजन याद है उसका आपको प्लेस अगर याद है तो अगर ईजीएम बोर्ड बुला रहा है तो अपने को पहले यह देखना है क्या ये कंपनी होली ऑन सब्सिडरी तो नहीं किसी फॉरेन कंपनी की अगर ये होली ऑन सब्सिडरी नहीं है किसी फॉरेन कंपनी की तो किसी भी प्लेस में हो सकता है इंडिया में बराबर है और अगर ये होली ऑन सब्सिडरी है किसी फॉरेन कंपनी की तब वो कहीं पे भी वर्ल्ड में कर सकती है अरे भैया तो प्रिमन लिमिटेड तुम इंडिया के हो और तुम्हारी सब्सिडरी बाहर है होली ऑन सब्सिडी बाहर है तब थोड़ी वो प्रोविजन लगेगा कि तुम वर्ल्ड में कभी भी कर लो कहीं पे भी कर लो वर्ल्ड में कहीं पे भी कर लो प्रोविजन किसके लिए जब अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी बाहर की फॉरेन कंपनी और इंडिया वाली कंपनी होली ऑन सब्सिडी होली ऑन सब्सिडी ऑफ अ फॉरेन होल्डिंग कंपनी तब ये जो होली ऑन सब्सिडी इंडिया वाली इसका कहीं पे भी वर्ल्ड पे कर सकते हैं अरे भाई तुम तो इंडिया में बने हुए तुम्हारी सब्सिडरी फॉरन में उल्टा कर दिया पूरा देखो कैसे घुमाने की कोशिश किया तो क्या तुम नीदरलैंड में कर सकते हो नहीं कर सकते हो नीदरलैंड में आओ इसका क्रक्स लिखो फटाफट लिखिएगा दोस्तों सबसे पहले सेक्शन का रेफरेंस डालिएगा सेक्शन नंबर हंड्रेड है इस लिखिए बोर्ड में वेन एवर इट डीम्स फिट कॉल एन ई जी एम ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड दैट एन EGM of the company other than of wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India. शैल बी हेल्ड एट अ प्लेस विद इन इंडिया क्या लिखा यहां पर पढ़ो देखो कि भाई प्रोवाइडेड ईजीएम ऑफ द कंपनी अदर देन होली ऑन सब्सिडरी होली ऑन सब्सिडरी को छोड़ के ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया यानी कि ऐसी कंपनी जो होली ऑन सब्सिडरी उस कंपनी की जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया उसको छोड़ दो तो बाकी जो कंपनी बचेगी शेल बी हेल्ड एट अ प्लेस विद इन इंडिया तो भाई हमारी कंपनी जो है हमारी कंपनी जो है वो इंडिया की कंपनी भाई वो होल्ली सब्सिडरी कंपनी किसी उसकी नहीं जो इनकॉर्पोरेटेड तो खुद होली ऑन सब्सिड वो है अल्टीमेट होल्डिंग इंडिया वाली और होल्ली ऑन सब्सिडी तो फॉरेन वाली है ठीक है तो पहले वाला जो केस है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन कॉल द ईजीएम इन इंडिया और जो दूसरा वाला केस है नीदरलैंड वाला है द बोर्ड कैन नॉट कॉल द ईजीएम ऑफ प्रेमल लिमिटेड आउटसाइड इंडिया एज इट इज अ कंपनी इनकॉरपोरेटेड इन इंडिया चलिए जी ये भी हो गया आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू करना है हमको अब जितने भी क्वेश्चन है फटाफट हो जाएंगे पॉलिश करने वाले क्वेश्चन है 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 जितने भी मेन मेन प्रोविजन प्रोविजन ना एजीएम ईजीएम प्रॉक्सी मेजर मेजर जो है, वो सबकी पॉलिशिंग आपके दिमाग में ऐसी बैठ जाएगी कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको बन जाएगा देखो अभी वाला क्वेश्चन बोल रहा है एग्जाम इन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग विध रेफरेंस टू द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीउजेंड थर्टीन क्या बोल रहा है देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी रिफ्यूज टू कन्वे एक्सट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑन द द ग्राउंड दैट हैव नॉट गिवन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर द रिजोल्यूशन प्रपोज टू बी पास अरे अब भी तो बताया था रूल नंबर सत्रह ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जब रिक्वेजनिस्ट रिक्वेस्ट करते हैं बोर्ड को ईजीएम बुलाने के लिए तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है क्या वैलिड है बिल्कुल वैलिड नहीं है क्यों कहिए भैया तुमने रिफ्यूज एक्सप्लेनेटरी की जरूरत ही नहीं है दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज टू कन्वेन द एक्सट्रॉडनरी जनरल मीटिंग ऑन द ग्राउंड दैट द रिक्विजनिस्ट द ज्वाइंट होल्डर ऑफ द शेयर अब ये चर्चा करने वाली बात है जो ज्वाइंट होल्डर्स है भाई अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप ज्वाइंट होल्डर हो तो भैया तुम दोनों का साइन होना चाहिए तो रिक्वेस्ट इस पर क्या होता है मैं आपको एक प्रोविजन बताता हूं या तो ना रिक्विजनिस्ट अगर मान लो दस लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो दस लोग मिलके किसी एक को ऑथराइज कर दिए कि तुम सबके भी हाफ में साइन कर दो तो उसका साइन होना चाहिए या तो जितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे सबका साइन होना चाहिए अब अगर तुम दो जॉइंट होल्डर मिलके एक शेयर लिए हुए हो तो हो तो शेयर होल्डर ना और तुम भी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो तुम सबका साइन होना चाहिए अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहा है क्योंकि वो जॉइंट है शेयर होल्डर का साइन नहीं उसमें से किसी एक का ही साइन है दोनों का नहीं है तो हम नहीं करेंगे रिक्वेजन वैलिड नहीं है और बात सही है वैलिड तो नहीं है तीसरा एडजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग कॉल्ड अपॉन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड दैट द कोरम वॉज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग एडजन कर दी एजीएम को इस ग्राउंड में कि कोरम जो था वो प्रेजेंट नहीं था अरे भाई ईजीएम के केस पे ईजीएम के केस पे जो कि साफ लिखा है कि रिक्वेस्ट पे बुलाई थी मेंबर्स के अगर वहां कोरम नहीं आता तो कैंसिल करते हैं 103 पे बढ़ें और आप उसको एडजन कैसे कर रहे हो ये बिल्कुल वैलिड नहीं गलत तो बोर्ड एक जगह आप यहां पे सही हो और यहां पे भी गलत हो आओ जी फटाफट इसका क्रक्स आंसर लिख लेते हैं जस्ट अ मोमेंट लिखेगा हिंट आंसर दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो अपने को रेफरेंस देना है रूल नंबर सेवनटीन का रूल सेवनटीन बोलता है कि भाई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है जब रिक्वेस्ट से बुला रहे हैं। तो पहला वाला जो है तो बोर्ड कैन नॉट रिफ्यूज टू कन्वेन द ईजीएम Of the members on the ground that requi this have not given the explanatory statement for the resolution.

क्वी रिसनेस्ट ठीक है जी एक लाइन छोड़ के लिखिएगा दस बोर्ड आर करेक्ट in refusing to convene the egm on the ground that the requisite positions have not signed बाय जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर्स तीसरा पॉइंट लिखिएगा जो तीसरा आंसर था एक्चुअली कि अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होती है ईजीएम के केस में जो रिक्वेस्ट इनके द्वारा बुलाई गई है इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट

नहीं होगी कैन नॉट बी एडजेंड ठीक है जी तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे अपने पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ध्यान से समझ के लीजिएगा ये कौन सा सेक्शन लगेगा क्या लगेगा आप खुद ही समझ जाएंगे पढ़ते हुए ध्यान दीजिएगा अभियोजिक लिमिटेड है उसके पास थाउजेंड मेंबर्स है पेड अप शेयर कैपिटल एक करोड़ रुपए की है डिसाइड कर रहे टू होल्ड इट्स एनअल जनरल मीटिंग ऑन ट्वेंटी फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और रिसीव किया नोटिस ऑन सेकेंड जुलाई फ्रॉम इट्स सिक्सटी मेंबर्स जिनके पास पेड़ अप कैपिटल सेवन लैक का है एग्रीगेट पे काहे के लिए रिसीव किया है ये नोटिस फॉर अ रिजोल्यूशन टू बी पास द एजीएम फॉर अपॉइंटिंग वैद्या एन कंपनी एज इट्स ऑडिटर फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पढ़ते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर को हटा के उसकी जगह पे नया ऑडिटर अपॉइंट करना है तो अगर आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको सेक्शन एक सौ पंद्रह पढ़ाया रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस वाला बिजनेस है कि आप एग्जिस्टिंग ऑडिटर को हटा कर उसकी जगह पे किसी दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना चाह रहे हो इस जगह में रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस तो उसका एक क्राइटेरिया उसका एक क्राइटेरिया या तो एटलीस्ट वन परसेंट ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आपके पास होनी चाहिए या तो कम से कम पांच लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए तो यहां पे सात लाख है दूसरी रिक्वायरमेंट थी कम से कम चौदह दिन पहले आपको नोटिस देना है रिक्वायरिंग अ नोटिस देना है फॉर स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस तो अगर आप देखोगे तो नोटिस की जो सॉरी एनुअल जनरल मीटिंग की जो डेट है वो 21st अगस्त 2022 है कंपनी को नोटिस मिल गया है सेकेंड जुलाई को ही तो मेरे ख्याल से तो भाई चौदह दिन वाला क्राइटेरिया भी पूरा है दूसरा क्राइटेरिया इनके पास सात लाख एग्रीगेट में है अपने को कम से कम पांच लाख देखना होता है ठीक है स्पेशल बिजनेस है अब ये जो नोटिस आया फॉर रिजोल्यूशन ये तुरंत चेपाल एंड कंपनी को क्या प्रोविजन के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया था भेजा जाता है और उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है राइटिंग में उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है किस पे राइटिंग में ठीक है जी लेकिन जो उनका रिप्रेजेंटेशन आया है वो बोले बहुत लेट मिला ऊपर जो आपको फैक्ट दिए ना अब आपको इस बेसिस में बताना है कि ये जो नोटिस है वॉज गिवन बाई एडुकेट नंबर ऑफ मेंबर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट मेरे ख्याल से तो बिल्कुल एडुकेट नंबर के द्वारा दिया गया है और प्रिस्क्राइब लिमिट में दिया गया है दूसरा वेदर इट्स मेंबर सच रिप्रेजेंटेशन मेड राइटिंग में दिया था वो member को देना पड़ेगा बिल्कुल हाँ, देना पड़ेगा। एंड इफ इट कुबिलिटीज ऑफ द कंपनी नहीं भेज पाओगे क्यों मैंने आपको बताया था इमप्रैक्टिकेबल रहेगा तो आपको उसको मीटिंग में पढ़ना होता है क्योंकि अभी तीन दिन पहले मिला कैसे सबको जाएगा तो आपको इसको मीटिंग में पढ़ना पड़ेगा तो पहला जो क्वेश्चन है एडुकेट नंबर द्वारा है हाँ। क्या है? हाँ। क्या टाइम लिमिट में कंपनी बाउंड है भेजने के लिए हां लेकिन अगर नहीं भेज पाएगी तो जनरल मीटिंग में ही जब जब उसको निकालने की बात होगी तो वहां पे उसका रिप्रेजेंटेशन जो राइटिंग में है उसको पढ़ना पड़ेगा आइए बेटा जिसको लिख के ले लेते हैं फटाक से करेक्ट आंसर लिखवा रहा हूं बेटा इसके भी ठीक है सबसे पहला लिखेंगे <coughs> सेक्शन वन <coughs> में जो कि ऑडिटर वाला चैप्टर होता है ऑडिटर वाला जो यहां पे प्रोविजंस है उसके वन पे लिखा हुआ है कि जभी भी रिजोल्यूशन और Appointment of an auditor other than the retiring auditor at AGM requires special notice. स्पेशल नोटिस रिक्वायर मतलब मेंबर्स को चौदह दिन पहले मीटिंग के कंपनी को बताना पड़ता है कम से कम चौदह दिन पहले ठीक है जी किसके द्वारा आना चाहिए तो बी पॉइंट लिख देता हूं बाय मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन वन परसेंट ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्डिंग शेयर्स ऑन विच सच एग्रीगेट सम वैसे तो देखो इसमें लिखा है नॉट एक्सीडिंग बट ये कम होना चाहिए था ये जो भी एरर है इसको कब लॉ मेकर सुधारेंगे नहीं पता बट जैसा अभी लिखा है वैसे लिखना है नॉट एक्सीडिंग फाइव लाख रुपीस ज बिन पेडअप ठीक है जी अब वो नॉट अर्लियर देन थ्री मंथस बट एटलीस्ट फोर्टीन डेज वो तो आपको सबको पता है तो पहले वाले का आंसर लिख रहे हैं अपन तो ये टाइम लिमिट में था कि नहीं एक्सेक्ट्रा 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 सो so हियर अभियोजिक विंग थाउजेंड मेंबर्स विथ पेडअप ऑफ एक्सेट्रा एक्सेक्ट्रा एक्सेक्ट्रा वो मैं लिख नहीं रहा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ठीक है जस्ट अ मोमेंट एज द मेंबर्स Who gave the notice hold more than five lakhs in paid up capital of the company? They were eligible. टू गिव सच नोटिस ठीक है जी और वो जो उसका रिप्रेजेंटेशन आया था उसके बारे से एक कंक्लूजन लिखा देता हूं रिप्रेजेंटेशन could not be sent because it was received too late or because बस उतना ही लिखो क्रक्स ही लिख रहे अकॉर्डिंगली abhyojik limited shall also made the representation read out at the agm ठीक है जी ये था अपना क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन था वो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ना सेम है जो अपन ऑलरेडी कर रखे हैं तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा समझ लीजिए कि चेतन लिमिटेड है इशूड एक नोटिस एजीएम के लिए सात नवंबर को पोस्ट किया गया सिक्सटीन अक्टूबर दो को कुछ मेंबर ने कंप्लेन किया कि भाई ये कंप्लायंस में नहीं है कंपनीज एक्ट के आपको बताना है क्या वैलिडली कॉल था वही जो शॉर्टफॉल वाला अपन ने ऑलरेडी कर रखा है तो ट्वेल्थ तो तो वाला आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क रहेगा इसके बाद अपने पास आगे जो क्वेश्चन नंबर है जो अपने को करके लेना है चलिए ध्यान दीजिएगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है देखिएगा ओम लिमिटेड एक नोटिस देता है ऑफ जनरल मीटिंग का अपॉन इट्स मेंबर्स नोटिस स्टेटेड दैट द फॉलोइंग रेजोल्यूशन सच मीटिंग यानी कि उस मीटिंग में रिजोल्यूशन टू इंक्रीज ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी दूसरा अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेमेशन ऑफ मिस्टर प्रतीक एज ऑडिटर अब अगर ध्यान दोगे बेटा यहाँ पे ये वाला जो बिजनेस है ऑर्डिनरी बिजनेस है वो चार बिजनेस में एक में आ रहा है उसको छोड़ के जितने बिजनेस होते हैं हो, सब स्पेशल होते हैं तो रिजोल्यूशन टू इंक्रीज दाइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी क्या है स्पेशल बिजनेस है अब अपने को बोल रहा है एक शेयर होल्डर कंप्लेन करता है कि जो अमाउंट है ऑफ द प्रपोज इंक्रीज एंड द रेमुनेशन वॉज नॉट स्पेसिफाइड इन द नोटिस भाई नोटिस में बताओ एक शेयर होल्डर बोल रहा है कि नोटिस में बताओ ना कि भाई ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितने से बढ़ाना है और रेमुनरेशन का अमाउंट क्या है क्या ये नोटिस वैलिड है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी टू थाउजेंड थर्टीन आपको आंसर करना है अब अगर आपको याद होगा ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के जितने भी बिजनेस है सब स्पेशल है और हर स्पेशल बिजनेस के लिए कंपनी को एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है अब अगर देखो देखोगे यह वाला स्पेशल बिजनेस है तो उस हिसाब से अगर कोई शेयर होल्डर बोलता है कि भाई ऑथोराइज शेयर कैपिटल को कितने से आप बढ़ा रहे हो इसका अमाउंट तो बताओ और रेमोनरेशन जो आप फिक्स कर रहे हो उसका अमाउंट बताओ तो मैं कहता हूं एक बार इसके लिए एक्सप्लेनेशन ना दे तो चलेगा सेकेंड वाले के लिए क्योंकि वो ऑर्डिनरी बिजनेस है ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की कोई दरकार नहीं है लेकिन जितने भी स्पेशल बिजनेस है हर स्पेशल बिजनेस के लिए हमको नोटिस के साथ एक्सप्लेन करना है कि भाई इंक्रीज कर रहे हो तो पहली बात क्यों कर रहे हो कितने से कर रहे हो क्या जरूरत पड़ गई अचानक से एक्सेट्रा 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 तो आपको ये पूछ रहा है शेयर होल्डर कंप्लेन कर रहा है कि भाई नोटिस जो है ना वो वैलिड नहीं है ठीक है तो नोटिस किस तर्क पे वैलिड नहीं बोला कि बोले जो प्रपोज्ड इंक्रीज ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो नहीं बताया आप मेरा भी इशारा समझ गए हो कि पहले वाले के लिए तो भाई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा दूसरे वाले के लिए आप नहीं भी बताएं तो चल सकता है आइए फुल स्क्रीन कर देता हूं फटाक से इसका करेक्ट आंसर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का सबसे पहले सेक्शन डालेंगे सेक्शन 102 है ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे से बात करता है अब इसमें दो पार्ट है पार्ट वन जो है जो कि बात करता है इंक्रीज ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल द क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंक्रीज इन द Authorized share capital falls under special business and hence in the absence. ऑफ अमाउंट प्रपोज इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल द नोटिस विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड क्यों क्योंकि भाई यह स्पेशल बिजनेस था ठीक है जी अब पार्ट टू की जो बात है इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड हेंस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट Is not required. Thus, the objection. Of the shareholder is valid since the details on the item to be considered are lacking. ठीक है जी ये सारे क्रक्स आंसर थे आगे बढ़ते सो भाई और बहनों आगे बढ़ते हमने ना बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए नोटिस से रिलेटेड यानी कि 101, 102, 103 हो गया कोरम से रिलेटेड बहुत सारी चीज हो गई तो मोटा मोटा भी जितना क्वेश्चन जो भी सेक्शन हमने पढ़े सब कर लिया अपन ने अब अपन मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा आगे की ओर चेयरमैन वाले रिलेटेड जो प्रोविजन है चेयरमैन से रिलेटेड जो प्रोविजन है उस पर बढ़ के लेते पोल कौन डिमांड कर सकता है उस पर बढ़ के लेते आर्टिकल से रिलेटेड कुछ प्रावधान है उस पर बढ़ के लेते तो समझिएगा सबसे पहले सबसे पहले मैं चेयरमैन के प्रोविजन से शुरू कर रहा हूं मैं वैसे तो चाहता था कि मैं डायरेक्टली शुरू करूं कि पोल कौन डिमांड कर सकता एकसेक्टरा, एकसेक्टरा, है एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट ठीक है चेयरमैन से शुरुआत करेंगे तो एक लय बने रहेगी ध्यान से समझ के लीजिएगा चेयरमैन ऑफ द मीटिंग सेक्शन नंबर 104 बट इसको हम सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के साथ पढ़ते हैं पैरा नंबर पांच सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का यह बात करता है कि बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा तो ध्यान से समझ रहा वैसे तो सेक्शन 104 पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि भाई चेयरमैन कौन होगा बट सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जब अपन पढ़ते हैं जो कि पैरा नंबर पांच में दिया है तो वो कहता है कि चेयरमैन जो होगा बोर्ड मीटिंग का वो वो चेयरमैन होगा जो चेयरमैन है जनरल मीटिंग का ये तो पहली बात बोल दिया कि भाई जो जनरल मीटिंग का चेयरमैन होगा होगा वही बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन चेयरमैन तो ऑफ द बोर्ड मीटिंग सॉरी मैं उल्टा बोल दिया चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग शैल बी द चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग यानी कि जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन है वही जनरल मीटिंग का चेयरमैन होगा ये एस एस पे लिखा हुआ है लेकिन मान लीजिए जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन है अगर वो प्रेजेंट नहीं होता विद विदिन फिफ्टीन मिनट अपॉइंटेड टाइम यानी कि जो मीटिंग का टाइम है उस टाइम से पंद्रह मिनट में जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन है वो पहुंचता नहीं है या तो वो प्रेजेंट तो है लेकिन वो चाहता नहीं कि वो चेयर ले या चेयरमैन बने जनरल मीटिंग का तो बोले जितने भी डायरेक्टर प्रेजेंट है उस जनरल मीटिंग में वो अपने में से एक बंदे को चेयरमैन बना देंगे ठीक है अब बोलता है कि मान लो कोई भी डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है विद इन ऑफ अपॉइंटेड टाइम या डायरेक्टर प्रेजेंट है लेकिन उनमें से कोई चेयरमैन बनने का इच्छुक नहीं है तो बोले तब जो चेयरमैन है आप उसको आर्टिकल्स के हिसाब से अपॉइंट करोगे आर्टिकल देखोगे कि आर्टिकल पे क्या लिखा है और मान लीजिए आर्टिकल भी अगर साइलेंट है तो जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है वो अपने में से एक बंदे को शो ऑफ हैंड्स के थ्रू शो ऑफ हैंड्स के थ्रू जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं अमंग देम सेल्फ शेल इलेक्ट वन ऑफ देम बाय शो ऑफ हैंड्स वन ऑफ देम बाय शो ऑफ हैंड्स बराबर है क्या ठीक है सर यहां तक अपने को समझ में आ गया अब मान लो अब मान लो चेयरमैन का इलेक्शन हो गया मेंबर्स के द्वारा शो ऑफ हैंड्स के द्वारा ठीक है तो दो तरीके से आप उसको अपॉइंट कर सकते हो एक तो शो ऑफ हैंड्स के थ्रू कि भाई मेंबर्स अपने में से फैलाने को चेयरमैन बनाना चाहता है बताइए एक होता है शो ऑफ हैंड्स के थ्रू एक होता है बाय पोल इफ डिमांडेड तो मैं आपको बताना चाहता हूं मीटिंग के अंदर जब तक पोल डिमांड नहीं होता है तब तक शो ऑफ हैंड से ही कोई भी नतीजे में आया जाता है तो अगर अपने को चेयरमैन को इलेक्ट करना है मेंबर्स के द्वारा तो प्राइमा फेसी पहली बार में शो ऑफ हैंड से ही हुआ पोल से तब होता है अगर पोल डिमांड किया जाता है अब प्रश्न आता है कि सर पोल डिमांड कौन कर सकता है पोल डिमांड कौन कर सकता है तो बोले पोल डिमांड करने का हक शेयर होल्डर को है मेंबर को है जो कि प्रेजेंट है इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी यानी कि मेंबर खुद आया है तब तो वो पोल की डिमांड कर सकता है लेकिन मेंबर नहीं है उसकी बजाय प्रॉक्सी आया है तो भी कर सकता है लेकिन कुछ क्राइटेरिया है आपके पास वन टेंथ होना चाहिए ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर ऑन विच नॉट लेस देन पांच लाख रुपए अप या वन वोटिंग पावर का अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं है दो चीज है बिल्कुल ध्यान से आराम से समझ के लीजिएगा क्या बोल रहा है अपने को अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल वाली है तो आपके पास कंपनी का कम से कम वन टेंथ टोटल का वन टेंथ ऑफ द वोटिंग पावर होना चाहिए अगर कंपनी क्या है Not having share capital वाली है। लेकिन कंपनी अगर having share capital है, कि के पास share capital है तो आपके पास वन टेंटिंग पावर हो चलेगा इतने शेयर तो होने चाहिए जिसमें कम से कम पांच लाख रुपए पेडअप पे। है तो अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो दो क्राइटेरिया है पोल डिमांड करने के लिए पहला मेंबर होवे चाहे प्रोक्सी होवे डिमांड करना चाहते हो हाँ आपके पास कंपनी के टोटल वोटिंग पावर का वन टेंथ है क्या सीधी सी बात अगर बोलू वन टेंथ बोलने से टोटल वोटिंग पावर का दस परसेंट बोल लो आप बराबर है क्या उतना होना चाहिए या फिर अगर आपके पास उतना नहीं है तो कम से कम आपके पास उतने शेयर्स होने चाहिए अकेले के पास या मिला जुला के जिसपे कम से कम पांच लाख पेडअप होना चाहिए मैं रिपीट करता हूं ये प्रॉक्सी के पास भी होगा ना यानी कि जो प्रॉक्सी आया है किसी के बिहाफ में आया है जो मेंबर है उसका कंपनी में कम से कम पांच लाख रुपए पेडअप है तो वो प्रॉक्सी भी पोल डिमांड कर सकता है तो देखो प्रॉक्सी शो ऑफ एंड में वोट नहीं कर सकता प्रॉक्सी मीटिंग में बोल भी नहीं सकता लेकिन अगर प्रॉक्सी के पास टोटल वोटिंग पावर ऑफ कंपनी का वन टेंथ है या फिर उस प्रॉक्सी के पास अपने मेंबर के बिहाफ में कम से कम पांच लाख रुपए पेडअप पे है उस कंपनी में तो वो प्रॉक्सी पोल जरूर डिमांड कर सकता है ठीक है जी और अगर वोटिंग पावर शेयर कैपिटल वाली कंपनी नहीं है तो वन टेंथ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आपके पास होना चाहिए आप डिमांड कर सकते हो पोल ठीक है और जब आप डिमांड कर लेते हो आप कभी भी उस पोल की डिमांड को विदड्रॉ भी कर सकते हो किसी भी वक्त ये लॉ पे लिखा है ठीक है सर समझ में आया अभी सर बोले मान लो पोल डिमांड होता है मान लो पोल डिमांड होता है तो अगर पोल की डिमांड होती है मीटिंग को एडजमेंट करने के लिए ऑफ मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ये दो चीज के लिए अगर पोल की डिमांड हो रही है कि भाई मीटिंग को एडजेंड करना है पोल किया जाए या अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन करना है तो इस पे तत्काल प्रभाव से पोल किया जाएगा इन दो के अलावा और कोई भी मैटर हो और कोई भी मैटर हो नॉट लेटर देन 48 एट आवर्स फ्रॉम द डिमांड यानी कि जब से आपने डिमांड किया है उससे हद से हद 48 घंटे के अंदर उसमें पोल हो जाना चाहिए लेकिन इन दो मैटर के लिए पोल तत्काल प्रभाव से किया जाएगा समझ में आ रही है बात तो एक बार मैं रिपीट करके लेता हूं चेयरमैन का प्रोविजन तो हो गया है चेयरमैन के प्रोविजन के बाद हमने देखा कि पोल कौन डिमांड कर सकता है तो पोल डिमांड करने के लिए दो क्राइटेरिया अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो आपके पास उस कंपनी का कम से कम वन टेंथ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर हो अगर वो नहीं है तो कम से कम उतने शेयर्स में आपका मतलब आपके पास कम से कम अप शेयर कैपिटल कम से कम पांच लाख का हो

पोल और शो ऑफ हैंड्स में क्या फर्क है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी एक बार रिपीट करता हूं एक हाथ एक ही वोट काउंट किया जाएगा पोल के अंदर आपके पास कंपनी में कितना पेड अप कैपिटल है उसके हिसाब से आपके वोट का वजन गिना जाएगा वेटेज गिना जाएगा ठीक है चलिए चेयरमैन जो है चेयरमैन जो है वो रेगुलेट कर सकता है द मैनर ऑफ पोल और रिजल्ट ऑफ जो भी पोल होगा वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा अभी समझना हु कैन डिमांड पोल एंड वेन तो भाई कौन डिमांड कर सकता है अपन ने बता दिया तो आप पोल कभी भी डिमांड कर सकते हो बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग यानी कि शो ऑफ हैंड से रिजल्ट आ गया आप संतुष्ट नहीं उसमें बोले अरे यार साला हमारा कंपनी में कम से कम पचास परसेंट का पेड ऑफ शेयर कैपिटल लगा है और हमारा एक ही हाथ गिनाया और हमारे फेवर में डिसीजन भी नहीं आया आप बोले नहीं पोल रिजल्ट आने के बाद भी आप पोल डिमांड कर सकते हो या उसके पहले भी कर सकते हो तो बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ठीक है बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन शो ऑफ एंड यानी कि आप इस प्रकार से चीजों को समझ लो जैसे कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मीटिंग चल रही है वही हुआ कि भाई

कर देंगे, शो से शो से, हा भाई अपने में से, हा राहुल को कर दो अब मैं संतोष नहीं हूं कि भाई राहुल को मैं अपॉइंट नहीं करना चाहता था मेरे पास कंपनी के पचपन परसेंट वोटिंग पावर है राहुल को कर दिया मेरा एक शो ऑफ हैंड्स मैंने ऐसे उठाया तो एक ही गिना जबकि मेरा

आप पहले कर लो उसके बाद कर लो अच्छा पोल डिमांड करने के बाद आप विड्रॉ भी कर सकते हो ये भी ऊपर लिखा हुआ है परिवार और ये दो मैटर के लिए अगर आपने पोल डिमांड किया तत्काल लिया जाएगा बाकी के लिए मैक्सिमम अड़तालीस घंटे ठीक है सर अब समझना पोल कौन डिमांड कर सकता है और कब कर सकता है तो ये बता दिया बिफोर तो मेंबर्स तो कर ही सकते जैसा हमने ऊपर पढ़ लिया चेयरमैन चाहे तो खुद भी चेयरमैन चाहे तो खुद भी पोल में भी ऑर्डर टू बी टेकन बाय द चेयरमैन ऑन हिज मोशन चेयरमैन के पास ये पावर चेयरमैन के पास ये पावर है वो चाहे तो खुद ही बोल सकता है कि नहीं भाई पोल करिए समझ में आ रही है क्या बात तो हु कैन डिमांड और वेन तो हु में अंदर दो आ गए एक तो मेंबर्स कर सकते क्राइटेरिया अपन ने ऊपर डिस्कस कर लिया एक दूसरा चेयरमैन आ गया उसको खुद लगे तो खुद सर कब कर सकता है

वो खुद ही बोल रहा है बोले नहीं मैं चेयरमैन तो बन गया लेकिन मैं पोल डिमांड कर रहा हूं बराबर है क्या मेरे को पोल चाहिए खुद ही बोल रहा है राहुल कि मेरे को पोल करवाओ उसको शोर फ्रेंड अपॉइंट कर दिए मेंबर कोई नहीं बोल रहा राहुल खुद ही बोल रहा नहीं पोल करवाओ क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, चेयरमैन बन गया अब पोल करवाए तो राहुल की जगह कोई दूसरा आदमी आ गया श्याम आ गया तो जब तक पोल का डिसीजन नहीं आता तब तक राहुल चेयरमैन था अब श्याम चेयरमैन बन जाएगा ठीक है जी यही बात उस पर लिखा है बट अलग कैरेक्टर पे लिखा हुआ है तो ये था पूरा कहानी पोल के रिगार्डिंग और चेयरमैन के रिगार्डिंग तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई और बहनों ध्यान से सुनना इस बात को ये तो 104 अपन ने पढ़ लिया ये वाली जो बात है ना कि पोल कौन डिमांड कर सकता है ये जो लिखा है इफ डिमांडेड बाय शेयर होल्डर ये जो बात लिखी हुई ये लिखी हुई सेक्शन नंबर वन में तो 104 पे चेयरमैन के बारे से दिया 109 पे अपने को दिया डिमांड फॉर पोल और एक 107 है 107 अपने को ये बोलता है कि किसी भी मीटिंग में जब तक पोल डिमांड नहीं होता किसी भी मीटिंग में एट एनी जनरल मीटिंग एट एनी जनरल मीटिंग जब तक पोल डिमांड नहीं होता है तब तक वोटिंग जो होगी वो शो ऑफ हैंड से ही होने वाली है ये 107 अपने को बोलता है बराबर है क्या चलिए सर आगे बढ़ते हैं ये चेयरमैन वाला हो गया अब ये वाला जो सेक्शन है ये भी बड़ा प्यारा है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर वन जीरो सिक्स बाजू में लिखा है ओवर राइडिंग सेक्शन ओवर राइडिंग सेक्शन का मतलब होता है इसकी शुरुआत होती है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द एक्ट इसका मतलब पूरे एक्ट में कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो इसके बावजूद भी हम जो यहां पे लिख रहे हैं यही मान्य रहेगा क्या लिखा है रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट ध्यान से समझना कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल पे लिखकर अपने आर्टिकल में रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज इनकॉर्पोरेट कर किसी भी मेंबर के वोटिंग राइट right को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है यस yes. अब बात यह है कि इस सेक्शन वन सिक्स के अंदर लॉ मेकर ने दो ग्राउंड्स बताए दो ग्राउंड्स यानी कि दो रीजन बताए कि कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल में ये दो ग्राउंड्स ये दो रीजन में किसी भी मेंबर का वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है लेकिन लॉ मेकर बड़ा स्ट्रिक्ट है इस लॉ मेकर कहता है हम जो दो ग्राउंड बता रहे हैं तुम इस दो ग्राउंड को छोड़ के किसी तीसरे ग्राउंड में यानी कि तीसरे रीजन में मेंबर का वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते पहली बात दूसरी बात हम दो ग्राउंड बताएं अगर तुमको इन दोनों ही ग्राउंड में मेंबर का वोटिंग रेट रिस्ट्रिक्ट करना है तो तुमको ये दोनों ही ग्राउंड अपने आर्टिकल के क्लॉज में डालने पड़ेंगे अगर तुमने एक डाला तो तुम एक ही पे वोटिंग रेट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अगर तुम दो डालोगे तो दोनों में कर सकते हो तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट इस एक्ट में कहीं पे भी कुछ भी लिखा उसके बावजूद भी आर्टिकल्स ऑफ कंपनी मे प्रोवाइड दो में कॉल हिम नॉट बिन पेड इन पैसा आपका बचा हुआ है आप जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे आपको हम वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे आपको हम वोट करने नहीं देंगे टू विच कंपनी मान लो कि भाई कंपनी से कोई सर्विसेस लिया होगा किसी शेयर होल्डर ने किसी प्रकार का गुड्स लिया होगा पैसे नहीं पे कर रहा है तो कंपनी ने उसके शेयर्स को अपने कब्जे पे रख लिया है कि भाई जब तक तू सर्विसेज और गुड्स का पैसा नहीं देगा ये शेयर जो है हमारी कस्टडी में रहेंगे लियन पे रहेंगे लियन आपने वर्ड सुना होगा कस्टडी में अपन रखते चीजों को तो भाई अगर कोई शेयर जो है जिसपे कॉल से नरियर्स है और जिसपे कंपनी ने लियन एक्सरसाइज करके रखा हुआ है शेयर होल्डर आप इन दो ग्राउंड में करते हैं कि आपका call है या तो ने आपके आपके को को पे रखा हुआ है इन दो में आपके voting right को कर सकती है इन दो के अलावा कोई भी चीज में प्रोहिबिट आपको नहीं कर सकती आर्टिकल्स so और दोनों होना चाहिए तो ही दोनों में रिस्ट्रिक्ट कर पाओगे दोनों में से अगर एक लिखा है तो आप एक ही में रिस्ट्रिक्ट कर पाओगे उससे ज्यादा अब जैसे मैंने आपको 107 बताया कि 107 पे क्या लिखा है वोटिंग विल ऑलवेज टेक प्लेस बाय शो ऑफ हैंड्स हमेशा शो ऑफ हैंड्स होगी जब तक अनलेस पोल डिमांड नहीं होता 109 में या वोटिंग इज कैरीड ऑन इलेक्ट्रॉनिकली अंडर सेक्शन 108 108 क्या है सर 108 ई वोटिंग के बारे से हमको बताता है जो हम इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं लेकिन अभी मुद्दा क्या है 107 क्या कह रहा है 107 ये कह रहा है कोई भी जनरल मीटिंग हो वोटिंग हमेशा शो ऑफ हैंड से होगी जब तक पोल डिमांड नहीं होता अब मान लो मीटिंग शुरू ही हुई कोई बिजनेस ट्रांजेक्ट कर रहा था चेयरमैन ने मेंबर जो कि एलिजिबल है उसने पोल डिमांड कर दिया जरूरी नहीं है कि पहले शो ऑफ हैंड हो जाए उसका रिजल्ट आ जाए आप तभी कर लो शुरुआत ही हो रही आपने पोल डिमांड कर दिया तो पोल से होगा क्या बोला वोटिंग विल ऑलवेज टेक प्लेस ऑफ बाय शो ऑफ हैंड अनलेस पोल इज डिमांड तो पोल डिमांड हो गया तो पोल से होगा अन्यथा नहीं हो रहा है तो शो ऑफ एंड चल ही रहा ठीक है तो देखो नोट पे मैंने लिखा अगर चेयरमैन सीधा बोलता है वोट करो विदाउट प्रिस्क्राइबिंग अ वोट इट इट इज ऑलवेज बाय शो ऑफ हैंड्स बिकॉज द लैंग्वेज इज अनलेस पोल इज डिमांडेड ओके चलिए अगर मान लो चेयरमैन आता है और सीधा डायरेक्टली बोलता है कि भाई पोल से करो विदाउट आस्किंग फॉर शो ऑफ हैंड्स क्या वैलिड है बिल्कुल वैलिड है क्योंकि जब तक पोल डिमांड नहीं होता तो क्या चेयरमैन डिमांड कर सकता है हाँ तो पोल जब तक डिमांड नहीं हो रहा तब शो ऑफ एंड अगर पोल डिमांड हो गया तो पोल से करना है शुरुआत आते ही सांग बोले पोल से करना है तो पोल से ही करना पड़ेगा अब मेरे भाई और बहनों अपने पास सेक्शन नंबर 108 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 108 रीड हैथ रूल नंबर 20 अपने को इसको करना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा प्रोसीजरल पार्ट है बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर करके लेंगे ध्यान से सुनते रहिएगा तो सबसे पहले तो इसका पर्पज समझो कि किस लिए इस सेक्शन 108 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कंसेप्ट को लाया गया अब देखो मैंने क्लास पे अभी चलते चलते मैंने दो तीन बार इसका नाम लिया था ई e वोटिंग का और ई e वोटिंग का पर्पस होता है कि जो भी शेयर होल्डर हैं वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे जनरल मीटिंग में मान लीजिए कंपनी मुंबई पे है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई पे है उसका एजीएम जो है या जनरल मीटिंग जो है वो मुंबई पे हो रही है उसके शेयर होल्डर पूरे भारत में फैले हुए हैं कोई गुजरात में है कोई छत्तीसगढ़ पे है कोई हरियाणा में है कोई तमिलनाडु में है ऐसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग शहरों में उसके शेयर होल्डर हैं कंपनी चाहती है कि भाई सबका इन्वॉल्वमेंट हो और एक्चुअल में लॉ मेकर चाहता है कि सबका इन्वॉल्वमेंट हो यानी कि वो भी वोटिंग में एटलीस्ट पार्टिसिपेट करे वो भी कंपनी के डिसीजन में एटलीस्ट पार्टिसिपेट करे तो उनको ये कन्वीनियंस देने का कि भाई क्योंकि आपने जितना भी हिस्सा लगा के शेयर होल्डर बने हो कंपनी के आपका भी इक्वली उतना हक बदता है जितना हक का आपने पैसा लगाया है कि आप भी हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करें ऑल दो आप मीटिंग में आ नहीं पाएंगे इन केस अगर आपको ऐसा इनकन्वीनियंस लग रहा है कि भाई आप पहले टिकट कराएं ट्रेन की टिकट फ्लाइट की टिकट रहने का अगर ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है और साथ साथ में आपको पार्टिसिपेट भी करना है तो ई वोटिंग इज द वेरी बेस्ट वे तो एक ई e वोटिंग जो मैंने आपको बताया था कि जैसे एयरपोर्ट के अंदर बोर्डिंग पास प्रिंट करने के लिए जो आ, स्क्रीन लगी होती कंप्यूटर की वैसे जब आप मीटिंग में जाके वोट करते हो उसको भी ई e वोटिंग ही बोलते एक होती है रिमोट ई e वोटिंग जिसकी हम बात कर रहे रिमोट ई वोटिंग यानी कि घर बैठे वोट करना ये वो वाली मीटिंग वोटिंग की बात कर रहा है तो रेगुलर क्लास में इसको हम बहुत बहुत, बहुत में डिस्कस करते। मेरे से खत्म कर दूंगा रेगुलर क्लास में रिवीजन जरूरी है वो मैं आपको यहां के ले रहा हूं ध्यान से समझिएगा एप्लीकेबिलिटी में मेन हम इसको ज्यादा समय लगाते थे लेकिन अभी दो मिनट के अंदर मैं आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी बता देता हूं ये हर उस कंपनी में सेक्शन एप्लीकेबल होगा जिसने लिस्ट किए हैं अपने इक्विटी शेयर्स ध्यान दीजिएगा हर उस लिस्टेड कंपनी और वो लिस्टेड किस वजह से होनी चाहिए क्योंकि उनने अपना इक्विटी शेयर लिस्ट किया है अगर आपको पता होगा तो प्राइवेट कंपनी अपने डिबेंचर लिस्ट कर सकती है तो वो भी लिस्टेड कंपनी हो सकती है बट वो सेक्शन 108 के एप्लीकेबिलिटी वाले स्कोप से बाहर है क्यों बाहर है क्योंकि वो लिस्टेड तो है बट वो डिबेंचर लिस्ट करके लिस्ट होती है हमको यहां पे ऐसी कंपनी चाहिए जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उसके ऊपर ये सेक्शन 108 हैथ रूल ट्वेंटी उसको कंप्लायस करना पड़ेगा यहां पे एंड के बाद वापस से एवरी कंपनी लिखा है तो कुछ बच्चे इसको मिस इंटरप्रिटेट इस प्रकार से कर देते हैं कि जैसे कि सपोज यहां पे एवरी नहीं लिखा है तो एवरी कंपनी विच हज लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड हैविंग नॉट लेस देन थाउजेंड तो कुछ बच्चे इसको ऐसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि भाई इक्विटी शेयर लिस्टेड होना चाहिए साथ साथ में कंपनी के कम से कम थाउजेंड मेंबर्स होना चाहिए तो मैं कहूंगा ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है आप एवरी कंपनी के साथ इसको पढ़िए तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे कि एंड एवरी कंपनी जिसके कम से कम हजार मेंबर हैं उसके ऊपर तो मैं कहूं तो ऐसी कंपनी जिसने इक्विटी शेयर लिस्ट किया किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उसके ऊपर एप्लीकेबल है है रूल और ऐसी कंपनी जिसके कम से कम से मेंबर भले वो इक्विटी शेयर लिस्ट की हो वो लिस्टेड हो चाहे ना हो मेंबर है ना उसके ऊपर भी तो दो प्रकार की कंपनी है ऐसी जिसने अपने इक्विटी शेयर लिस्ट की है उसके ऊपर ही एप्लीकेबल है ऐसी जिसने ऐसी कंपनी जिसके कम से कम हजार मेंबर है उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है तो आप इसको ये मत समझ लेना कि भाई इक्विटी शेयर लिस्ट होने के साथ साथ कम से कम थाउजेंड मेंबर होने चाहिए तो उस कंपनी में नहीं ये दो कंपनी अलग है जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल जिसके कम से कम थाउजेंड मेंबर्स है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल ठीक है सर समझ में आ गया है अब मैं आपको बताना चाहता हूं जब भी आप वोट करते हैं घर बैठ के तो ऐसा नहीं कि आपने घर बैठे वोट कर दिया तो आप एजीएम में नहीं आ सकते आप एजीएम में आ सकते हो लेकिन क्या आपने घर पे बैठे वोट कर दिया है? हाँ आपने ई वोटिंग का फायदा उठा के वोट कास्ट कर दिया हां तो आप दोबारा वोट नहीं कर सकते आप अपने वोट को चेंज नहीं कर सकते आप एजीएम में आ सकते हो तो एजीएम अपने जगह होएगी ही होएगी आपको एजीएम में आके वोट करना है आके वोट कर लीजिए घर बैठे वोट करना है और एजीएम में आके पार्टिसिपेट करना है वो कर सकते हैं आप एजीएम में आके अपना वोट चेंज और दोबारा वोट नहीं कर सकते ठीक है सर समझ में आ गया अब बात आती है इस पर कुछ रिपीट है मैं -फट करूंगा। जो नोटिस है उस नोटिस में जो उस नोटिस में आपको बताना है कि भाई कंपनी रिमोट ई वोटिंग सुविधा रिमोट की सुविधा दे रही रिमोट यानी कि घर बैठे बैठे तो दो प्रकार की वोटिंग है एक ई वोटिंग है जो आप मीटिंग में ही करते हो वही जो स्क्रीन में जाके रिमोट ई वोटिंग जो आप घर से बैठ के करते हो तो ये जो नोटिस मीटिंग का जो नोटिस है जिस पे आप रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो आप किसको किसको सेंड करोगे तो ये आपको पता ही है मेंबर को जाएगा ऑडिटर को जाएगा डायरेक्टर को जाएगा इस मोड के द्वारा या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या तो स्पीड पोस्ट या तो कोरियर या तो ई उसके बाद बोला है कि ये सेम अगर कंपनी की वेबसाइट है तो वेबसाइट में भी यह नोटिस जाएगा नोटिस के अंदर एक स्टेटमेंट रहेगा कि भाई ई e वोटिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है जो मेंबर वोट कास्ट नहीं किया है रिमोट ई वोटिंग में वो आके मीटिंग में ही अपना वोट कास्ट कर सकता है तो पोल के थ्रू ठीक है और जिन मेंबर ने वोट कास्ट कर लिया है वो अटेंड कर सकते हैं लेकिन दोबारा वोट नहीं करेंगे नोटिस के अंदर प्रोसेस रहेगा कि रिमोट ई वोटिंग का क्या प्रोसेस रहेगा टाइम शेड्यूल टाइम शेड्यूल यानी कि आप

आपको याद होगा हमने 101 के अंदर पढ़ा 21 वन क्लियर डेज का नोटिस हमको चाहिए होता है अब यहां पे क्या बोला है? आपको पता है सेक्शन 108 सौ आठ जिसके ऊपर एप्लीकेबल होता है बोले आपने नोटिस भेज दिया नोटिस में आपने ये सारी बातें बता दी इनको इनको भेज दिया सारी बातें बता दी अब नोटिस भेजने के बाद लेकिन कम से कम 21 वन डेज बिफोर जनरल मीटिंग अब आप बोलोगे कि सर अपने को नोटिस के लिए भी तो कम से कम 21 क्लियर डेज का नोटिस देना होता है तो मान लीजिए हमने नोटिस ही कम से कम एकदम कट टू कट 21 क्लियर डेज में भेजा है। तो फिर इसको कंप्लाई कैसे करेंगे ये साथ ही साथ होगा ये साथ ही साथ होगा और क्या अगर मान लो आपने नोटिस भेज दिया है फॉर सपोज 30 दिन पहले तो कम से कम 21 दिन पहले ये काम करना है आपने नोटिस कट टू कट 21 क्लियर डेज किया है तो साइमल्टेनियसली यह काम होगा क्योंकि तो यह क्या बोल रहा है नोटिस भेजने के बाद लेकिन कम से कम 21 दिन पहले बिफोर द जनरल मीटिंग आपको न्यूज़पेपर में ठीक है बट एटलीस्ट इक्कीस डेज बिफोर जनरल मीटिंग आपको न्यूज़पेपर में ये जो है ना दो न्यूज़पेपर ये जो आप पब्लिश कर रहे हो यहां पे ये सारी चीज आपको बतानी है आफ्टर डिस्पैच ऑफ नोटिस बट एटलीस्ट ट्वेंटी डेज बिफोर द जनरल मीटिंग यही फैसिलिटी टाइम स्केड्यूल कौन वोट कर सकता है कौन नहीं कट ऑफ डेट कट ऑफ डेट यानी कि रजिस्टर ऑफ मेंबर कब हमारा बंद हो जाएगा उसको कट ऑफ डेट बोलते तो जो मीटिंग के दिन जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में रहेगा वही वो वोट कर पाएगा ठीक है जी डिटेल्स ऑफ पर्सन टू सॉल्व ग्रीवेंस अगर मान लो ई वोटिंग में कोई तकलीफ आती है तो आप अपना जो ग्रीवेंस है तकलीफ है किसके थ्रू सॉल्व करवा सकते हो टाइमिंग जो रहेगा कम से कम तीन दिन पहले ओपन हो जाएगा ई वोटिंग और क्लोज हो जाएगा मीटिंग के एक दिन पहले एग्जैक्टली पांच बजे बंद हो जाएगा ई वोटिंग का सिस्टम जो ऑलरेडी वोट कर लिए वो मीटिंग में आ सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते चेंज नहीं कर सकते एग्जैक्टली exactly पांच बजे सिस्टम ब्लॉक कर देगा अब आप वोट नहीं कर पाओगे मीटिंग के एक दिन पहले पांच बजे स्क्रुटनाइजर अपॉइंट करेंगे सी एस सी एस सी एम इन प्रैक्टिस होगा या तो एडवोकेट होगा या तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बोर्ड को लगता है कि नहीं ये पर्सन स्क्रुटनाइजर का, का काम कर सकता है स्क्रूटनाइजर यानी कि जो अल्टीमेटली रिपोर्ट देगा कि रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ स्क्रुटनाइजर अपॉइंट होने के बाद चेयरमैन का काम रहेगा कि भाई जो वोट नहीं किया विटनेस का के सामने वो काउंट करेगा और रिजल्ट दे देगा चेयरमैन को विद इन थ्री डेज ऑफ मीटिंग मीटिंग जैसी हुई वहां से काउंट होगा काउंट विटनेस के सामने होगा और काउंट होने के बाद विद इन थ्री डेज आप अपनी जो वो है सौंप दोगे चेयरमैन को सौंप दोगे जो भी रिपोर्ट है जो भी डिटेल्स है सिर्फ स्क्रूटनाइजर को ही उस उसपे हक रहेगा कि वो एक्सेस कर सकता है वोट्स कास्ट बाय वोटिंग रजिस्टर की की मेंटेनेंस अगर बात करूं तो स्क्रूटनाइजर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा कितने फेवर में कितने अगेंस्ट में ये रजिस्टर सेफ कस्टडी में रहेगा स्क्रूटनाइजर के और पूरा प्रोसेस ओवर होने के बाद ये चेयरमैन के पास आ जाएगा रिजल्ट चेयरमैन डिक्लेयर करेगा पब्लिश करेगा ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ द कंपनी एंड वेबसाइट कब माना जाएगा रेजोल्यूशन पास हुआ है तो बोले जब मीटिंग हुई है ये नहीं कि जब पहले से वोटिंग शुरू हो गई थी तब मीटिंग जब होगी तब क्योंकि कुछ लोग मीटिंग में वोट करेंगे कुछ लोग आपके ई e वोटिंग में वोट करेंगे तो जिस दिन मीटिंग हुई उस दिन माना जाएगा रेजोल्यूशन पास हुआ रेजोल्यूशन जो भी पास हुआ है ई e वोटिंग से आप उसको विद्रॉ नहीं कर सकते वो फाइनल रहेगा ये था पूरा रिमोट ई वोटिंग का अब एक कंसेप्ट आता है पोस्टल बैलेट का ध्यान से इसको समझ के लेना कि पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट अपने को क्या बोलता है देखो ई वोटिंग में मीटिंग भी हो रही थी और जो लोग इनकन्वीनियंस फील कर रहे थे कि भाई मीटिंग में आके वोट नहीं कर सकते उनको एक ऑप्शन भी दिया था कि तुम घर बैठे रिमोट ई वोटिंग कर सकते हो वो था सेक्शन नंबर 108 रीड विथ रूल 20 पोस्टल बैलेट है सेक्शन नंबर 110 रीड विथ रूल 22 जिसको बिल्कुल ध्यान से समझना क्या फर्क है दोनों में और ये ओवरराइडिंग सेक्शन है ओवरराइडिंग यानी कि नॉट विथ इसकी सेक्शन की शुरुआत होती है अब पोस्टल बैलेट में ऐसा होता है कि भाई यहां पे मीटिंग ही नहीं होती है ई वोटिंग में जनरल मीटिंग भी होती है ठीक है और साथ साथ में ई वोटिंग की फैसिलिटी भी है जिसको ई वोटिंग करना है कर लो जिसको जनरल मीटिंग में आके वोट करना है कर लो जो घर बैठे वोट कर लिया वो फिर भी मीटिंग में आ सकता लेकिन मीटिंग में वो वोट चेंज नहीं कर सकता दोबारा नहीं दे सकता ठीक है अब पोस्टल बैलेट में क्या होता है नाम पे लिखा है पोस्टल बैलेट पोस्ट कर दिया जाएगा अब इस पे मीटिंग ही नहीं होती है ये इसलिए बनाया गया है कि यहां पे भी कुछ पैचीदा मामले हैं कुछ दस पॉइंट्स हैं कुछ दस सिचुएशंस है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है उस पर डिसीजन लेना जो कि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें हर एक शेयर होल्डर का सहमति असहमति लेना जरूरी है वो इतने इंपॉर्टेंट दस ट्रांजेक्शन होंगे बिजनेस लॉ मेकर कह रहे हैं सेक्शन नंबर एक के अंदर कि जनरल मीटिंग की जरूरत नहीं है यहां पर तो आप हर शेयर होल्डर के घर पे रिजोल्यूशन भिजवाएंगे और वो वहां बैठ के वहां से वोटिंग करेगा मतलब वहां से वो अपना सहमति असहमति भेजेगा कंसेंट कर रहा है कि डिसेंट कर रहा है बराबर है ये उसको भेजना पड़ेगा और वो वहां से अपनी असेंट डिसेंट भेजता है यहां पे फिर आता है फिर काउंटिंग होती है और उसके बाद फाइनल नतीजे में आते अब तुम सोचो वो कौन से दस बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे जिसके लिए हर एक व्यक्ति के घर पे रेजोल्यूशन जाएगा कि भाई कंपनी ये निर्णय लेना चाहती है आप बताइए आप इससे सहमत होगी नहीं हो और अगर वो स्पेशल बिजनेस होगा डेफिनेटली वो चार के अलावा है तो वो जो चार के अलावा है जो एजीएम में ही होगा मैंने बताया था तो अगर वो चार है ऑर्डिनरी वाले वो ऑर्डिनरी चार को छोड़ दो क्योंकि मैंने बताया था वो चार ऑर्डिनरी तो एजीएम में ही होंगे उसके लिए पोस्टल बैलेट नहीं है क्योंकि मैं पहले ही आपको क्लियर कर दिया था सेक्शन एक में कि जो चार ऑर्डिनरी बिजनेस है वो एजीएम छोड़ के कहीं नहीं हो सकते तो वो चार को छोड़ दो पोस्टल बैलेट में नहीं होंगे उसके अलावा जितने सब स्पेशल है यानी कि जो दस बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्योंकि ऑर्डिनरी तो एजीएम में ही होगा यानी कि उसके लिए मीटिंग करना है तो वो कौन से दस ऐसे बिजनेस ट्रांजेक्शन है जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे लॉ मेकर कह रहा है उसके लिए मीटिंग करने की जरूरत नहीं हर एक व्यक्ति के घर पर भेजो रिजोल्यूशन क्योंकि पॉसिबल है कि वो इतने इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन है हर कोई आ नहीं पाएगा वहां पर तो एटलीस्ट हर के घर पे इतना तो समय होगा कि वो पढ़ के उसमें अपनी सहमति असहमति दे सकता है वो अपने मैटर टू ऑल मेंबर्स उनको तीस दिन का टाइम मिलेगा टू रिप्लाई बैक विद असेंट और डिसेंट थ्रू पोस्ट और कोरियर और ईमेल मीटिंग नहीं होगी यहां पे अच्छा एक मजे की बात है मीटिंग भले ही नहीं होगी लेकिन माना जाएगा कि वो रिजोल्यूशन मीटिंग में पास हुआ है यस yes, ये ब्यूटी है इस कंसेप्ट की लॉ मेकर ने ही लॉ पे ये लिखा हुआ है कि भाई मीटिंग नहीं हो रही है लेकिन बोले आप मान लेना जो भी रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास हो रहा है आप मान लेना वो मीटिंग बुलाने के बाद मीटिंग में वोटिंग होने के बाद पास हुआ ऐसा आपको मानना है ठीक अब अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको लिखा एक जगह शेल लिखा एक जगह मे लिखा है शैल का मतलब यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जे तक टेन पॉइंट है ये दस बिजनेस ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसको आपको पोस्टल बैलेट में ही करना है आप इसके लिए एजीएम बुला के कार्यक्रम नहीं कर सकते इसके अलावा मे में लिखा है मे यानी कि इन दस के अलावा आपको और कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन को पोस्टल बैलेट में करना है आप कर सकते हो चाहो तो उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है मैंडेटरी शैल वर्ड कहां यूज हुआ शैल वर्ड यूज हुआ है दस चीजों के लिए मे वर्ड जो यूज हुआ है वो कहा यूज हुआ है बाकी चीजों के लिए लेकिन दस के अलावा किसी के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो मैं फटाफट इसको रिपीट कर देता हूं इस सेंस तो आपके दिमाग में कंपनी अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज पोस्टल बैलेट से इसका रिजोल्यूशन पास होगा कंपनी अपना ऑब्जेक्ट बदल रही है रियल स्टेट से एजुकेशन इंडस्ट्री में जा रही है कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू करके पैसे ले लिए तब तक कंपनी रियल स्टेट पे थी अब वो ऑटोमोबाइल्स में जाना चाह रही तो पहले तो तुमने पैसे ले लिए रियल स्टेट बोल के वो पैसा भी अनयूटिलाइज है और अब तुम बदल रहे हो तो भैया जिन लोगों को तुमने रियल स्टेट बोल के लिया उसके पैसे को अगर तुम ऑटोमोबाइल्स में लगाओगे तो उनकी कंसेंट तो लेनी पड़ेगी पोस्टल बैलेट होगा आर्टिकल ऐसा अल्टर कर रहे हो कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट में हो जाएगी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर रहे हो आप शेयर होल्डर के राइट में वेरिएशन ला रहे हो जो कि उनको अफेक्ट कर सकता है बाय कर रहे हो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो सेल ऑफ अंडरटेकिंग बिजनेस का कोई हिस्सा बेच रहे हो या लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी एक लिमिट बताइए आपको सेक्शन में जो आप इसको आगे वाले लेवल पे पढ़ते हो उस लिमिट से ज्यादा लोन गारंटी सिक्योरिटी आपकी जा रही है यह दस मैटर पोस्टल बैलेट से ही होंगे अब यहां पे क्लैरिटी देना चाहता हूं मैं आपको मान लीजिए फर्ज कीजिए अगर कंपनी के ऊपर सेक्शन 108 भी एप्लीकेबल होता है सेक्शन 108 कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा कि भाई मान लो कंपनी के इक्विटी शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ठीक है पहली बात दूसरा या तो कंपनी के कम से कम हजार है तो उनके ऊपर 108 एप्लीकेबल हो जाएगा अब एक बात बताना अगर कंपनी के ऊपर 108 एप्लीकेबल हो रहा है तो कंपनी को ई e वोटिंग की सुविधा देनी बोले हर रेजोल्यूशन के लिए जो जनरल मीटिंग में होगा तो फिर इनके लिए भी देनी पड़ेगी तो ये तो कंपनी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि कंपनी 108 भी फॉलो करे और कंपनी 110 भी फॉलो करे तो लॉ मेकर ने यहां पे भी इजी कर लिया बोले जिस भी कंपनी के ऊपर सेक्शन नंबर 108 एप्लीकेबल हो रहा है आप इन 10 बिजनेस को भी ई वोटिंग से कर लोगे ना हम मान लेंगे कि आपने एक का भी कंप्लायस कर लिया अलग से एक के लिए पोस्टल बल्कि इन दस मैटर के भेजने की जरूरत नहीं है अगर आप ये दस मैटर ई वोटिंग से कर लेते हैं एक क्योंकि आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो तो माना जाएगा कि आपसे आपका 110 का भी कंप्लायंस हो गया है ठीक है सर समझ में आ गया अब किनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है तो ओपीसी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं भाई ओपीसी किसको पोस्टल बैलेट भेजेगा एक ही तो पर्सन होता है और ऐसी कंपनी जिसके टोटल में दो मेंबर से ज्यादा नहीं है अब कई बच्चे इसको मिस कर देते हैं कि सर प्राइवेट कंपनी माना प्राइवेट कंपनी में 200 सौ मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे लेकिन पब्लिक कंपनी भी ऐसी हो सकती है ना जिसमें 200 से ज्यादा मेंबर ना हो 25 ही मेंबर हो 50 पॉसिबल है ना हाँ तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि प्राइवेट कंपनी नहीं आप ये बोलो कि ऐसी कंपनी जिसके अप अपटू दो मेंबर है उसके ऊपर वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है अब जैसा कि मैंने आपको बताया देखो लिखा हुआ है कि कंपनी में डिस्कस एनी मैटर बाय पोस्टल बैलेट एक्सेप्ट फॉलोइंग टू मैटर्स ये दो मैटर को छोड़ के बाकी कोई भी मैटर में आप पोस्टल बैलेट का काम कर सकते हो जैसे ऑर्डिनरी बिजनेस है तो ऑर्डिनरी बिजनेस जो है ऑर्डिनरी बिजनेस जो है आप नहीं कर सकते पोस्टल बैलेट से और ऐसे मैटर जिसमें ऑडिटर और डायरेक्टर को राइट दिया जाता है कि तुमको सुना जाएगा सुनवाई का मौका दिया जाता है जैसे कि आप डायरेक्टर को उसका टेन्यूर खत्म करने के पहले निकाल रहे हो तो उसको सुनवाई का मौका दिया जाता है बता तेरे को सफाई में कुछ पेश करना है हम तेरा टेन्यूर खत्म करने के पहले निकाल रहे हैं ऑडिटर को भी ऐसा मौका दिया जाता है जो हाल ही में अपन ने इसी चैप्टर पे पीछे पढ़ा है ऐसे मैटर जहां पे ऑडिटर को को और डायरेक्टर सुनवाई का मौका दिया जा रहा है कि तुम अपना कुछ रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो वो मैटर्स और ऑर्डिनरी बिजनेस वाले मैटर पोस्टल से नहीं होंगे बाकी आप जो करना चाहते हो कर सकते हो पोस्टल बैलेट से और ये यह तो अपने को पोस्टल बैलेट से करना ही करना है ठीक है सर समझ में आ गया कुछ सेक्शन अपन स्किप करेंगे जो फिलहाल मुझे रेलिवेंट नहीं लगते अब अपन बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 117 में यह बात करता है कि कुछ रिजोल्यूशन और कुछ एग्रीमेंट अपने को आर के पास फाइल करना है पहले इसका पर्पस समझेंगे कि ये क्या बोलता है उसके बाद इस प्रोविजन को समझेंगे सेक्शन 117 के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन के बारे से बात की है महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन जो कि इतने इंपॉर्टेंट है कि जिसका एक पब्लिक नोटिस होना जरूरी है और आपको पता है आर एक पब्लिक ऑफिस है तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है जो कि आर के पास फाइल होने चाहिए अब आरोप के पास फाइल हो रही है यानी कि पब्लिक ऑफिस है पब्लिक ऑफिस के पास फाइल हो रहा है यानी कि पूरे पब्लिक के पास उसका कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कि हाँ भाई ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन कंपनी में पास हुआ है तो यहां पे आपको टोटल छह टाइप की चीजें मिलेंगी जो आपको आर के पास फाइल करनी है रेजोल्यूशन है ज्यादातर तो जो आपको आर के पास फाइल करनी है

कि ये ये काम बोर्ड 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 रिजोल्यूशन मीटिंग में पास करके कर सकते वो जितने रिजोल्यूशन पास होंगे 17393 के अंदर जो पावर दिए है वो सब एमजेटी सब 14 में आरओसी के पास पास होंगे अब ये जो सिक्स वाला है ये कौन कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है एक प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है और एक आई कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है यानी कि प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी कंपनी के केस पे अगर 1793 के अंदर जो बोर्ड के पास जितने पावर दिए जो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके एक्सरसाइज कर सकता है बोर्ड तो जो भी रिजोल्यूशन पास करेंगे बोर्ड वो प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी कंपनी को फाइल करने की जरूरत नहीं सिर्फ सिक्स वाले मैटर की बात कर रहा हूं बाकी एक से लेकर पांच तक जितने मैटर है वो प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी कंपनी के ऊपर भी अप्लीकेबल है कि आपको फाइल करना है बस फर्क इतना है कि आई कंपनी साठ दिन में फाइल करेगी और बाकी जो कंपनी वो तीस दिन में फाइल करेगी लेकिन सिर्फ छठा मैटर दोनों ही कंपनी के लिए है यहां पे जो भी रिजोल्यूशन पास होगा आपको उसका रिजोल्यूशन एमजीटी 14 में फाइल करने की जरूरत नहीं है अब ये जो पैनल प्रोविजन है इसको थोड़ा सा मुझे यहां पे करेक्ट करना है ये रीसेंट अमेंडमेंट में इसको चेंज किया गया है इसको आप कट कर दीजिएगा और यहां पे अलग से लिख लीजिएगा कि पेनाल्टी किसको क्या लगेगी अगर बात करूं कंपनी की और एक जगह बात करें ऑफिसर इन डिफॉल्ट की ओ का मतलब है ऑफिसर इन डिफॉल्ट तो कंपनी को पेनाल्टी लगेगी फ्लैट बोल लो आप दस हजार रुपए की टेन थाउजेंड और अगर कंटिन्यू डिफॉल्ट है कंटिन्यू चल रहा है आपका आप अपना डिफॉल्ट सुधार ही नहीं रहे यानी कि तीस दिन से ज्यादा इकतीस बत्तीस तैतीस ऐसे दिन बढ़ते जा रहे हंड्रेड रुपीज पर डे लगेगा लेकिन ये मैक्सिमम कितना जाएगा दो लाख रुपए जाएगा सेम ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फ्लैट टेन थाउजेंड की पेनल्टी तो लगे ही लगेगी इनको भी कंटिन्यू डिफॉल्ट पे हंड्रेड रुपीज पर डे लगेंगे लेकिन मैक्स ये कितना जाने वाला है फिफ्टी थाउजेंड जाने वाला है ठीक है सर ये भी समझ में आ गया अब आगे बढ़ के लेते हैं मिनट्स ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हुए हैं ध्यान से समझ के लीजिएगा पर्पज समझिएगा कि मिनट्स सबसे पहले बोलता क्या भाई मिनट्स का मतलब ये होता है कि कंपनी की जब भी बोर्ड मीटिंग होगी या जनरल मीटिंग होगी उसका रिकॉर्ड रखना किस प्रकार से रिकॉर्ड रखेंगे सबसे पहले कौन सी मीटिंग है बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग है कौन से डेट को ही अगर बोर्ड मीटिंग है तो कितने डायरेक्टर प्रेजेंट थे कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन वहां पर डिस्कस किया गया उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ अगर नहीं हुआ तो किस कारण की वजह से नहीं हुआ किसने ऑब्जेक्ट किया कौन डायरेक्टर प्रेजेंट था कौन एब था जनरल मीटिंग में कौन से बिजनेस डिस्कस हुए होल्डर कितने आए थे किसने ऑब्जेक्ट किया क्या कोई ऐसा रेजोल्यूशन था जो फेल हो गया किसकी वजह से फेल हुआ क्या वहां पे कोई डिस्प्यूट से रिलेटेड कुछ बात हुई यानी कि मतभेद हो गए दो लोगों के बीच पे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच में, में भी बहस हो गई क्या एक्सेक्ट्रा एक्सेक्ट्रा तो जो भी प्रकार की मीटिंग है उसका मिनट्स बनता है सिंपली कि उस मीटिंग का जो मेन 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 पूरा थीम है सब्सटेंस है वो पूरा आ जाना चाहिए कि ये बिजनेस डिस्कस हुआ इतने लोग आए थे इतने लोगों ने सहमति दिखाई इतने लोगों ने असहमति दिखाई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ कि नहीं हुआ नया ऑडिटर आया कि नहीं एक्सेक्ट्रा एक्सेक्ट्रा एक्सेट्रा इसका पर्पज क्या होगा ये दो तीन पर्पज सर्व करेगा जो व्यक्ति मीटिंग में नहीं आया वो मिनट्स पढ़ के मीटिंग का पूरा ब्योरा ले लेगा ये एक ऐसा रिकॉर्ड काम आएगा कि भाई हमने मीटिंग में क्या डिसाइड किया था अगर मान लो हमने पांच साल का कुछ टारगेट लिया था वो पूरा हुआ कि नहीं ये कभी कभी कोर्ट में एज एन एविडेंस भी काम आ सकता है मिनट्स जो है बिल्कुल तो सेक्शन नंबर 118 के अंदर आपको मिनट्स मिलेगा और ये हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर मिनट्स ऑफ एवरी जनरल मीटिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर एवरी रिजोल्यूशन पास बाई पोस्टल बैलेट पोस्टल बैलेट से अगर आप रेजोल्यूशन पास कर रहे होने क्यों क्योंकि मैंने बोला था कि आपको मानना है पोस्टल बैलेट से अगर रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो आपको मानना है कि वो रेजोल्यूशन मीटिंग में पास हो रहा है मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड और एवरी कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो या उनकी कमिटी की मीटिंग हो जितनी भी कंपनी है ये कोई भी मीटिंग होगी जो भी रिजोल्यूशन पोस्टल वैलेट से पास होगा आपको इसका क्या बनाना है मिनट्स प्रिपेयर करना है कब विद इन थर्टी डेज जो भी मीटिंग हुई है वहां से थर्टी डेज और वो मिनट्स जो होंगे वो कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होंगे यानी कि चार पांच पेज बने तो वन टू थ्री फोर फाइव कॉन्जिक्यूटिवली नंबर है एंड शैल बी साइंड उसको साइन किया जाएगा एंड शैल बी साइंड रूल नंबर पच्चीस इसकी बात करता है

या कोई भी एक्सवाइजर्ड रीजन हो सकता है अगर वो इनेबल है या उसकी डेथ हो गई है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति सॉरी ऐसा कोई भी डायरेक्टर बाय बाय डायरेक्टर द बोर्ड तो कोई भी डायरेक्टर साइन करेगा जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे कि तुम साइन कर सकते हो मान लीजिए रिजोल्यूशन आपने पास किया पोस्टल बैलेट पे तो बोले चेयरमैन जो बोर्ड मीटिंग का है ना जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन होगा वो पोस्टल वैलेट वाले मिनट्स में साइन करेगा तीस दिन के अंदर और वही अगर उसकी डेथ हो जाती वो इनेबल है तो वो पर्सन साइन करेगा वो डायरेक्टर साइन करेगा जो कि बोर्ड के द्वारा ऑथराइज है ठीक है जी तीसरा अपने को बोल रहा है बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग की अगर मीटिंग है तो बोले चेयरमैन कौन था उस बोर्ड मीटिंग में और कमिटी मीटिंग में वो साइन करेगा अगर वो अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट जो रहेगा ना चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग बोर्ड मीटिंग या meeting, अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब होगी उसका जो चेयरमैन बनेगा वो साइन कर देगा या नेक्स्ट जब कमिटी मीटिंग होगी वो साइन कर देगा नोट में अपने को बोला है कोई भी टाइम लिमिट नहीं रहेगी फॉर साइनिंग कहा के लिए बोल रहा है यहां पे अगर बोर्ड मीटिंग है और कमिटी मीटिंग है प्रिपेयर हो जाना चाहिए मिनट्स तीस दिन के अंदर लेकिन जैसे हर जगह आपको तीस तीस दिन में साइन भी हो जाने की लिमिट थी वो बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग में लिमिट नहीं कि इतने दिन में साइन भी हो जाना चाहिए सिर्फ बोर्ड और कमेटी मीटिंग के लिए ठीक है ये ये जो भी मिनट्स होंगे ये आपको चाहे वो बोर्ड और कमेटी के हो चाहे वो जनरल मीटिंग के हो ये आपको परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना है प्रिजर्व यानी कि संभाल के रखना है कंपनी के अंदर किसकी कस्टडी में रहेंगे या तो सीएस की या तो जो भी डायरेक्टर ऑथराइज बाय बोर्ड है वो सेम यहां पे भी सीएस की या जो भी डायरेक्टर ऑथोराइज बाय बोर्ड है उसके मिनट्स मिनट्स जो है कंटेन इंक्लूड क्या क्या के अंदर आएगा ध्यान से समझना कि मिनट्स के अंदर कौन सी बातें होंगी और कौन सी बातें नहीं होंगी तो पहले तो बोला फेयर एंड करेक्ट समरी ये फेल नहीं है फेयर है करेक्ट समरी देना है फेयर एंड करेक्ट का मतलब भाई जैसा जैसा हुआ वैसा वैसा, वैसा आपको बताना है जैसे भाई बहुत लोगों ने विरोध किया किस चीज के लिए विरोध किया कंपनी जा रही थी कोई नया बिजनेस के लिए बहुत लोगों ने विरोध किया और फेल हो गया तो आप सिर्फ लिख रहे हो कि ना देखिये विरोध, विरोध अच्छा फेल हो गया ये देखिए अच्छा इतने सारे लोग अगेंस्ट में थे एक थीम क्रिएट होनी चाहिए ऑल अपॉइंटमेंट मेड इन एनी मीटिंग कितने अपॉइंटमेंट हुए ऑडिटर का हुआ डायरेक्टर का हुआ और बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग में क्या क्या रहेगा तो बोले कितने डायरेक्टर प्रेजेंट थे नेम ऑफ द डायरेक्टर इफ एनी डिसेंटिंग फ्रॉम और नॉट तो वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग अब कौन कौन सी बातों को आपको इंक्लूड करना है कौन कौन सी बातों को आपको एक्सक्लूड करना है ये टोटल डिस्क्रिएशन रहेगा चेयरमैन का अब हो सकता है भाई मान लो किसी ने गाली वाली दे दी किसी को ये तो डिफेम करने वाली बात है किसी का कोई पर्सनल सीक्रेट रिवील कर दिया

ठीक है। में तुम खुद ही लिखे हो कि नहीं minutes तो बन जाना चाहिए दिन के अंदर। तो तो अगर तुमको बोल रहा तो बनाना अन्यथा आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है ये exemption आपको तभी मिलेगा जब आपने annual return जो section 92 है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 137 में है इसका आपने नॉन कंप्लायंस ना किया हो तो ठीक है सर समझ में गया सर अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हो नॉन कंप्लायंस किस प्रकार का कुछ भी बात जो तीस दिन में बन जाना थी या 30 दिन में आपको साइन करा लेना चाहिए या मान लो आप उस पर मतलब छेड़छाड़ कर रहे हो बन चुका है उसको मोल्ड कर रहे हो उसको अच्छा कर रहे हो उसको साफ कर रहे हो कुछ गलत बातें हुई थी विरोध ज्यादा हुआ था उसमें आप टेम्परिंग कर रहे हो तो कंपनी को पच्चीस हजार रुपए की पेनाल्टी है हर ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो जिम्मेदार था उसको पांच हजार की और जो भी पर्सन गिल्टी फाउंड होता है कि इसने मीटिंग के मिनट्स को टेम्पर किया छेड़छाड़ किए उसको दो साल तक की जेल भी हो सकती है और मिनिमम पच्चीस हजार मैक्सिमम एक लाख का पेनाल्टी भी लग सकता है जुर्माना भी लग सकता है ठीक है सर चलिए बाकी कोई काम की चीजें नहीं है उसको स्किप करते हैं उसको अपन रेगुलर क्लास में आराम से लेते हैं सेक्शन नंबर ट्वेंटी पे आते हैं और समझते हैं सेक्शन ट्वेंटी अपने को क्या बोलता है सेक्शन ट्वेंटी वन बात करता की. का मतलब होता है कुछ ऐसी को लगता है. ठीक है? इनको अपनी मीटिंग करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है एमजीटी फिफ्टीन में कि भाई हमने मीटिंग बुलाई कंडक्ट की और वो अच्छे तरीके से हो गई तीस दिन के अंदर आपको आरओसी को एमजीटी फिफ्टीन में एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है आरओसी को और अगर आप नहीं सबमिट करते हो तो नीचे अपने को पेनल प्रोविजन दिया हुआ है कि कंपनी को एक लाख रुपए का पेनल्टी है पांच सौ हर दिन का जितना डिले करोगे मैक्सिमम पांच लाख यहां पे पच्चीस हजार पांच सौ दिन का और एक लाख मैक्सिमम जाएगा आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी है रिपोर्ट को साइन कौन करेगा एमजीटी फिफ्टीन में जो रहेगी चेयरमैन ऑफ द मीटिंग या चेयरमैन नहीं है तो उसकी इनेबिलिटी में कोई भी दो डायरेक्टर उसमें से एक एमडी होना चाहिए अगर एमडी है तो नहीं तो दो डायरेक्टर चलेंगे तो ये एक पार्ट हो गया कि या तो चेयरमैन अगर चेयरमैन नहीं तो उसकी जगह दो डायरेक्टर साइन करेंगे उस पर एक एमडी होगा अगर है तो दूसरा साइड है कंपनी सेक्रेटरी तो साइन करेगा ही करेगा ठीक है जी क्यों क्योंकि लिस्टेड कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होता ही है ठीक है जी चलिए ध्यान से सुनिएगा अब आगे की चीजें अब बात आ रही रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की बिल्कुल ध्यान से समझिएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर अपने को क्या बोलता है सेक्शन 88 पे है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ध्यान से समझ के लेना हर कंपनी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है अब देखो हर कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स भी होता है कई कंपनी के पास डिबेंचर्स इशू करके रखते हैं तो कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 88 बोलता है कि भाई आपको हर सिक्योरिटी के लिए रजिस्टर बनाना पड़ेगा एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ मेंबर का डिबेंचर होल्डर का उसके बारे से जानकारी दी हुई है सेक्शन नंबर एटी एट में तो क्या बोला है कि जो कंपनी है वो कीप यानी की कि रखेगी और मेंटेन करेगी रजिस्टर ऑफ मेंबर सेपरेट फॉर इक्विटी एंड प्रिफरेंस शेयर्स हेल्ड बाय ईच मेंबर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कौन से फॉर्म में एमजीटी वन पे एमजीटी वन फॉर्मेट उस पर रखेगी और बोले आपके जो डिबेंचर होल्डर है और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स है उनके लिए एमजीटी टू के अंदर होगा तो बोले जो भी एंट्री करेंगे ना रजिस्टर में वो सात दिन के अंदर हो जानी चाहिए ऑफ ऑफ अप्रूवल अलॉटमेंट बाय बोर्ड और कमेटी तो ये कॉमन पॉइंट है मैंने उसके साथ जोड़ दिया इसको इसको हटा देते हैं ठीक है जी तो ये अदर सिक्योरिटी के लिए एमजीटी टू और जैसे ही आपका अलॉटमेंट बोर्ड के द्वारा कंफर्म होता है वहां से सात दिन के अंदर अगर इक्विटी प्रेफरेंस है तो एमजीटी वन का जो रजिस्टर होगा उस पर एमजीटी टू पे या तो अब जो कंपनी लिमिटेड नॉट लिमिटेड बाय शेयर है यानी कि इसके पास कोई इक्विटी कोई प्रेफरेंस नाम की चीज नहीं क्योंकि आप नॉट लिमिटेड बाय शेयर नहीं हो ठीक है इनके लिए कोई फॉर्म नहीं दिया हुआ है बट इसके लिए अलग से डेटा दिया गया कि नेम एड्रेस ईमेल पेन नेशनैलिटी अगर माइनर है तो नेम ऑफ गार्जियन डेट ऑफ बर्थ नेम एंड एड्रेस ऑफ नॉमिनी कब वो मेंबर बना और कब वो छोड़ दिया ये अलग से ये पर्टिकुलर्स आपको मेंटेन करना है अब ये वाली बात ध्यान से समझ के लेना इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आता है ऊपर वाला तो सबसे पहले तो बोला कि आपको इसको रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना है आप चाहो तो अदर प्लेस में भी इसको मेंटेन कर सकते हो लेकिन विद इन सिटी टाउन विलेज करना चाहते हो जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है कोई दिक्कत नहीं है अगर मतलब ये आप बोर्ड रेजोल्यूशन से कर सकते हो लेकिन आप कोई भी प्लेस इंडिया में कोई भी प्लेस में रखना चाहते हो हो सकता है वो रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर हो तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा ध्यान से समझना कब आप बोलते हो कि भाई कंपनी जो है मुंबई की है लेकिन पुणे में ना काफी सारे शेयर होल्डर रहते हैं तो उनके कन्वीनियंस के लिए हम पुणे में भी रजिस्टर ऑफ मेंबर या सिक्योरिटी होल्डर रखना चाहते हो तो आप कब रख सकते हो जहां पे मोर देन वन टेंथ ऑफ द मेंबर्स रिसाइड है याने कि कंपनी के टोटल सौ मेंबर है मुंबई में है अब कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर रखना चाहती पुणे में क्यों क्योंकि पुणे में दस मेंबर है तो क्या दस मेंबर को तुम मोर देन वन टेंथ बोलोगे हंड्रेड का नहीं मोर देन वन टेंथ चाहिए मेरे भाई वो तो टेंथ हुआ मोर देन वन टेंथ चाहिए यानी कि पुणे में कम से कम अगर ग्यारह लोग रहेंगे जो कि मोर देन वन टेंथ है क्योंकि अगर टोटल सौ मेंबर है उसका दस परसेंट करोगे तो दस बराबर अपने को मोर देन टेंथ चाहिए तब आप रख सकते हो तो पहले अगर आपको किसी कंपनी का रजिस्टर उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के रजिस्टर अलावा किसी दूसरी सिटी स्टेट में रखना है तो पहले ये देखो क्या उस सिटी में जहां पे आप रखना चाहते हो मोर देन वन टेंथ ऑफ द टोटल सिक्योरिटी होल्डर है अगर हाँ तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो उसके बाद ही रख सकते हो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है तो कोई रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है ठीक है कंपनी मुंबई में थी आउट ऑफ हंड्रेड के दस मेंबर पुणे पे रहते वेदर रजिस्टर ऑफ मेंबर कैन बी इन पुणे नो क्योंकि मोर देन चाहिए कंपनी पुणे बेस्ड है और अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर एरिया में रखना चाहती है अनदर एरिया में भी रखना चाहते हो तो भी अपने को क्या लगना है स्पेशल रेजोलूशन लगना है अनदर एरिया मतलब विद इन दिटी टाउन विलेज रखना चाहते हो तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन अगर आप कोई भी प्लेस में रखना चाहते हो इंडिया के

आज तक इसके ऊपर ऐसा तो क्वेश्चन आया नहीं बट फिर भी पढ़ लेते हैं कंपनी चाहे तो कंपनी फॉरेन पे भी रजिस्टर मेंटेन कर सकती है अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज है कि कंपनी आउटसाइड इंडिया भी अपने रजिस्टर का पार्ट मेंटेन कर सकती है या डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन कर सकती है अगर आर्टिकल पे परमिशन है रख सकते हो उसको फॉरेन रजिस्टर बोला जाएगा और माना जाएगा कि वो प्रिंसिपल रजिस्टर यानी कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस में उसका पार्ट है

चलिए ये भी समझ में आ गया अब यहां पे ध्यान देना कंपनी जो है आरओसी को इन्फॉर्म करेगी ये कभी भी जैसे कंपनी रजिस्टर ओपन कर रही है ना द कंपनी शेल विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ चेंज ऑफ सिचुएशन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द फॉरेन रजिस्टर यानी कि जब आप फॉरेन रजिस्टर रख रहे हो तो जहां से रख रहे हो ओपन क्यों वहां से तीस दिन के अंदर आपको बताना है किसको इसको आरओसी को एमजीटी थ्री में आपने पहले जहां रखा था उसकी जगह चेंज कर रहे हो फिर बताना एमजीटी थ्री में चेंज करने से तीस दिन में आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो वहां से एमजीटी में आपको फॉरेन रजिस्टर का जो डिसकंटिन्यू कर रहे हो वो बताना है आरओसी को लेकिन जब आप डिसकंटिन्यू करोगे एक चीज आपको और करना है जितनी भी एंट्री उस रजिस्टर में थी वो सब ट्रांसफर कर देना प्रिंसिपल रजिस्टर में क्योंकि अब आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो उसको ठीक है जी और ये जो पेनाल्टी है अब इसको काट के जहां पे मिनिमम मैक्सिमम दिया था वहां पे आपको पूरा लिखना है कि पेनाल्टी जो है कंपनी को अलग हो गई है फ्लैट रेट में और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को अलग हो गई है कंपनी को जो पेनाल्टी है फ्लैट पेनाल्टी है रुपीस तीन लाख की और ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो कंपनी का है जो डिफॉल्ट में है वो लाइबल रहेगा पेनाल्टी के रुपीस पचास हजार ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन एंड गर्ल्स चलिए अब एक यहां इसको हम रेगुलर क्लास में अच्छा डिटेल पे रखते हैं पर्पस इसका बड़ा सिंपल है कि मान लो किसी व्यक्ति को टैक्स इवेजन करना है टैक्स इवेजन यानी कि आप टैक्स पे नहीं करना चाहते हो तो ऐसा है कि मान लो कि आप

जो भी हक है उस इन्वेस्टमेंट में मेरा बेनिफिशियल ओनर मैं हूं लेकिन मैं रजिस्टर्ड ओनर किसी और को दिखा रहा हूं नाम किसी और का दिखा रहा हूं ताकि मेरी प्रोफाइल पर वो चढ़े ना इन्वेस्टमेंट का और शेयर का जो भी फायदा है और मैं इसका बेनिफिट भी लेते रहूं तो ध्यान दीजिएगा मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि इंटर्ड तो है रजिस्टर ऑफ में उसका नाम तो लिखा हुआ है एज अ रजिस्टर्ड ओनर राहुल का नाम लिखा है रजिस्टर्ड ओनर लेकिन उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है मेरा है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम लिखा हुआ बेनिफिशियल ओनर तो है लेकिन शेयर्स उसके नाम पे नहीं है ये दोनों ही सिचुएशन में दोनों को ही बोला है ऐसा व्यक्ति जो एज अ रजिस्टर्ड मेंबर है लेकिन बेनिफिशियल ओनर नहीं है और ऐसा व्यक्ति जो बेनिफिशियल ओनर में लिखा हुआ है लेकिन वो रजिस्टर्ड ओनर नहीं है उन दोनों को बोला कि तुम कंपनी को एक डिक्लेरेशन फाइल करोगे ये फैक्ट बताओगे कि भैया मैं सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर हूं बेनिफिट तो ये लेता है और जो बेनिफिशियल ओनर है वो बोलेगा मैं तो सिर्फ बेनिफिशियल ओनर हूं हु। रजिस्टर्ड मेंबर तो ये है ये दोनों को बताना है तो जो व्यक्ति रजिस्टर्ड ओनर है लेकिन बेनिफिशियल ओनर बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं होल्ड करता वो एमजीटी फोर पे बताएगा विद इन थर्टी डेज ऑफ बिकमिंग रजिस्टर्ड ओनर और ये एमजीटी फाइव में बताएगा विद इन थर्टी डेज ऑफ बिकमिंग बेनिफिशियल ओनर कोई भी चेंज आता है बेनिफिशियल ओनर में वो भी आपको बताना है एमजीटी फाइव में विद इन थर्टी डेज अब कंपनी को जब आप बताओगे ये सारी चीज आप कंपनी को बता रहे हो ठीक है जब आप कंपनी को बताओगे कंपनी इसका एक नोट बना लेगी और कंपनी जब से अपने को रिसीव हुआ है कंपनी को वहां से कंपनी आर को बताएगी एमजी सिक्स में अलॉन्ग फीस ठीक है सर समझ में आ गया यहां तक की बात है आगे बढ़ के लेते फटाफट पेनल प्रोविजन इसके भी चेंज हुए तो ये वाला कार्ड देना और जो मैं नया लिखवा रहा हूं उसको समझ के लीजिएगा अभी अपने को यहां पे लिखना है पेनाल्टी जो कि पर्सन के लिए अलग है जिस पर्सन को अपने को ड्यूटी थी ना कि भाई आपको बताना अगर रजिस्टर्ड ओनर हो अगर बेनिफिशियल उसके लिए अलग है कंपनी के लिए अलग है बोल लो और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए अलग है तो जो पर्सन है उसने डिफॉल्ट अगर किया है तो भैया उसको पहले तो पेनल्टी लगेगी फ्लैट पचास हजार रुपए और जितना दिन यानी कि थर्टी डेज में देना जितना दिन वो डिले करेगा कंटिन्यू रहेगा फर्दर पेनाल्टी लगेगी रुपीज दो सौ रुपए की पर दिन की दो सौ जो मैक्सिमम जाएगी रुपीस थ्री लाख रुपीस के आसपास नहीं फाइव लाख रुपीज के आसपास आसपास नहीं मतलब मैक्सिमम पांच लाख और जो कंपनी है कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को जो फ्लैट पेनाल्टी है ना वो तो सेम है कि भाई कंपनी को बताना रहता है ना जब जैसी कंपनी को रिसीव होता है फिर वो कंपनी बताती है तो कंपनी ऑफिसर डिफॉल्ट की पेनल्टी सेम है आपको हजार रुपए पर दिन का लगेगा जितने दिन आप डिले करोगे हजार रुपए प्रतिदिन का लगेगा लेकिन कंपनी के, 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 के केस पे ये मैक्सिमम जाएगा पांच लाख रुपए का और ऑफिसर एंड डिफॉल्ट केस पे मैक्सिमम जाएगा टू लाख रुपीज के लिए तो ऊपर वाला काट देना अभी ये नया प्रोविजन है चलिए सेक्शन नंबर 91 में आते हैं भाई और बहनों समझ के लेना इसको और 91 का परपज समझना फिर 92 है और अपना ये खत्म हो जाएगा चैप्टर खत्म हो जाएगा 92 के बाद और इसके बाद जो अपने बचे हुए क्वेश्चंस है उसको हम फटाफट कर लेंगे अपने क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और चैप्टर अपना कंक्लूड हो जाएगा विथ प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे कवर करने की कोशिश की अराउंड थर्टी प्रैक्टिकल के स्टडी मैंने इस पर निकाले और सेक्शन हमारे मोटे मोटे कवर हो गए अभी इसके पहले में प्रॉक्सी कोरम 101 102 100, 96, वो विद द प्रैक्टिकल और इसके भी जितने भी प्रैक्टिकल केस स्टडी होगा ये जैसे ही प्रोविजन सारे खत्म है प्रैक्टिकल स्टडी करेंगे और चैप्टर कंक्लूड करेंगे तो समझिएगा भाई और बहनों अब जो सेक्शन नंबर नाइन्टी है ये अपने को क्या बोलता है सेक्शन नाइनटी भाई और बहनों पावर देता है कंपनी को कि तुम रजिस्टर ऑफ मेंबर डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर के रजिस्टर को क्लोज कर सकते हो समझिए क्या जरूरत है इनको क्लोज करने की अब देखो क्या होता है कंपनी की मान लो एनुअल जनरल मीटिंग है तो कंपनी के जितने भी मेंबर हैं उनको नोटिस जाएगा अब लगातार कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खरीदे बेचे जाते हैं मार्केट में कोई शेयर होल्डर किसी और को दे रहा है फिर वो किसी और को दे रहा है तो कंपनी को असल पे ये पता कहां से चलेगा कि भाई अल्टीमेटली रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिनका नाम लिखा हुआ एक्चुअल में असल मेंबर है कि नहीं है हो सकता है अभी फिलहाल उसने अपना शेयर किसी और को दे दिया और उसका ट्रांसफर फॉर्म आया हुआ है लेकिन हमारे तरफ से अभी रजिस्टर हुआ नहीं है तो भाई जो एक्चुअल में रजिस्टर ऑफ मेंबर यानी कि एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग जो आके व्यक्ति वोट करेगा उसका मेंबर होना जरूरी है ना तो कंपनी ना एक आपको समय बता देती है कि भाई इस, से इस समय बीच में हमारे कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद रहेंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद रहेंगे कि मतलब इस दौरान कोई भी ट्रांसफर ट्रांसमिशन ये सब रजिस्टर नहीं होगा तो एक बार हमने बंद किया तो जब बंद किया तो जिन लोगों का नाम उस रजिस्टर ऑफ पे लिखा था उनको ही नोटिस जाएगा वही मीटिंग में आ सकते वही वो वोट कर सकते हैं एक्सेट्रा 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 तो कंपनी पहले से बता देती है ताकि जितने भी ट्रांसफर ट्रांसमिशन ये सारी चीज हो रही हो जाए क्योंकि उस वक्त नहीं होगा अब जब कंपनी बंद करती तो फाइनलाइज कर लेती कि हाँ भाई इतने मेंबर है हमारे जैसे ही बंद करती है क्योंकि बंद करने के पहले जो ट्रांसफर ट्रांसमिशन होना है हो जाएगा अब वो उतने मेंबर को क्या भेजेगी नोटिस भेजेगी उनकी तैयारियां करेगी मीटिंग की एक्सेट्रा 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 तो कंपनी जो है में क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर फॉर एनी पीरियड अब यहां पे तो लिख दिया एनी पीरियड लेकिन मैक्सिमम अपने को समय दिया है फोर्टी फाइव डेज लेकिन इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के लिए करोगे लेकिन एक बार में तीस दिन से ज्यादा नहीं करोगे ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन में तो कर सकते हो लेकिन एक दिन एक बार में तीस दिन से ज्यादा नहीं करोगे यानी कि आप डेज़ मैक्सिमम तो कर सकते हो लेकिन आपने पहली बार किया और सीधा फोर्टी फाइव डेज कर दिया नहीं चलेगा आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा तीस दिन के लिए बंद कर सकते हो हुआ पंद्रह दिन बाद में कर लो या पंद्रह 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 करके तीन बार कर लो या दस 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 चार बार दस दस करके और पांचवी बार पांच करके कर लो पॉइंट यह है एक बार में तीस दिन से ज्यादा के लिए आप बंद नहीं कर सकते मैक्सिमम फोर्टी फाइव डेज आपको इसके लिए प्रीवियस नोटिस देना पड़ेगा कम से कम सात दिन पहले अगर कंपनी लिस्टेड है या लिस्टेड होने वाली है तो आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा एटलीस्ट वंस इन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज और इंग्लिश न्यूज पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में जिसका वहां पर सर्कुलेशन हो जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी एग्जिमिटेड है फ्रॉम इशूंग पब्लिक नोटिस इन न्यूज पेपर न्यूज पेपर में देने की जरूरत नहीं है प्रोवाइडेड आप सात दिन पहले सात दिन पहले नोटिस आपने मेंबर को दे दिया इंडिविजुअली क्लोजर के आपको न्यूज में देने की जरूरत नहीं है ये न्यूज वाली जो कहानी है ये इनके लिए है प्राइवेट कंपनी जो है वो एग्जामेड है न्यूज में नहीं देना इंडिविजुअली क्लोज करने के कम से कम सात दिन पहले आप बता दो अब मान लीजिए रजिस्टर ऑफ मेंबर विदाउट नोटिस आपने क्लोज कर दिया शॉर्ट नोटिस में क्लोज कर दिया शॉर्ट नोटिस यानी कि सात दिन पहले करना था ना सारी चीजें प्रीवियस नोटिस देना था शॉर्ट नोटिस में कर दिया या ज्यादा कर दिया तो जो भी कंपनी और उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको पेनाल्टी है पेनाल्टी कितनी है तो भाई पांच हजार रुपए पर दिन का यानी कि जितना दिन आपका एक्सेस में बंद हुआ है ठीक है और मैक्सिमम जो जाएगा वो जाएगा एक लाख रुपए ड्यूरिंग सेक्शन नंबर नाइनटी वन अब नाइन्टी टू जो है बेटा इस पे थोड़े अमेंडमेंट है ध्यान से इसको समझ के लीजिएगा कि किस प्रकार के अमेंडमेंट है अब सेक्शन नाइनटी टू का ना पहले पर्पज समझो कि क्या बोलता है सेक्शन नाइनटी टू सेक्शन में लिखा है एनुअल रिटर्न तो एनुअल रिटर्न का मतलब यह होता है कि कंपनी के साल भर की इंफॉर्मेशन अपन देते हैं आरोपी को अगेन पर्पस क्या है आरओ एक पब्लिक ऑफिस है एक तो वो रेगुलेट भी करता है किसको कंपनीज को साथ साथ में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का काम है आरओसी का कि भाई एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस का काम करता है आरोसी का ऑफिस आरओसी के ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट आ गया माना जाएगा कि पब्लिक को उसका नॉलेज है तो जो भी व्यक्ति कंपनी में कभी भी डील करना चाहता है उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे एनुअल रिटर्न का एक्सेस रहेगा तो एनुअल रिटर्न यानी कि साल भर की कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन रिटर्न का मतलब इंफॉर्मेशन तो हर कंपनी को एक एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करना प्रिस्क्राइब फॉर्म में कंटेनिंग द पर्टिकुलर एज द स्टूड ऑन द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिगार्डिंग ये दस मैटर है अब ये दस मैटर आप खुद पढ़ेंगे खुद समझ जाएंगे इसको मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं बस बताना चाहता हूं कि इस पे जो ये वाला मैटर है इट्स इन इसको अमेंड करके ओमिट कर दिया गया है ये ओमिटेड है इसको आप नहीं लिखेंगे क्योंकि लॉ मेकर ने इसको ओमिट कर दिया बाकी अगर आप देखोगे तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है सब्सिडरी कितनी है होल्डिंग कितनी है शेयर्स कौन से हैं डिबेंचर्स कौन से हैं ठीक है प्रमोटर्स कौन है की मैनेजेरियल पर्सन कौन है उसमें इन साल पे चेंजेस क्या है की मैनेजेरियल पर्सन को क्या रेमुनरेशन देते हो डायरेक्टर को क्या रेमुनरेशन देते हो कंपनी को पेनाल्टी लगी पनिशमेंट कंपनी के ऊपर लगी या डायरेक्टर के ऊपर लगी मैटर्स रिलेटिंग टू तो सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपके कंपनी में कितना इन्वेस्ट किए ये सारी बातें इसमें जिसमें एक इंडेटनेस वाले को क्या कर दिया गया ओमिट कर दिया गया अब ये एप्लीकेबल है सारे कंपनी में कौन से फॉर्म पे ये रिटर्न देना होता है एमजीटी सेवन पे कंटेंट क्या रहते हैं बोले जैसे ऊपर बताए गए वैसे कंटेंट है यानी कि वो जो दस थे अभी नौ हो गए ठीक है आरओसी को जाता है टाइम लिमिट क्या है विद इन डेज ऑफ एजीएम एजीएम से साठ दिन में जाना चाहिए अब कौन इसको साइन करता है तो साइनिंग का जो प्रोविजन अगर कंपनी नॉर्मल कंपनी कंपनी है नॉर्मल यानी कि से नहीं है स्मॉल कंपनी नहीं है लिस्टेड नहीं है अनलिस्टेड नहीं है उन सबको छोड़ते हैं ये क्राइटेरिया अभी फिलहाल छोड़ते हैं तो डायरेक्टर एंड सीएस अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो तो बाय डायरेक्टर एंड सीएस और अगर सीएस नहीं है तो सीएस इन प्रैक्टिस समझ में आ रही क्या बात सो so, डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी और इफ देर इज नो सीएस तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से साइन करो ओपीसी और अगर आप स्मॉल कंपनी हो तो बाय सीएस और अगर सीएस नहीं है देन बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी ठीक है सर लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी है ध्यान दीजिएगा लिस्टेड कंपनी है और अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड भी ऐसी कोई भी कंपनी नहीं जो अनलिस्टेड है वैसे तो ये भी फिर अनलिस्टेड हो जाएंगे अनलिस्टेड ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम दस करोड़ और टर्न मिनिमम पचास करोड़ उस कंपनी के लिए और लिस्टेड कंपनी के लिए बोला बाय डायरेक्टर एंड सीएस एंड इफ देर इज नो सीएस इन प्रैक्टिस साथ साथ में इन कंपनियों को ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मिनिमम टर्नओवर 50 करोड़ का है उनको डायरेक्टर और सीएस तो साइन कराना है और अगर सीएस नहीं तो सीएस इन प्रैक्टिस सेक्रेटरी से जो भी फैक्ट आपने एनुअल रिटर्न में बताया है वो करेक्टली और एडुकेटली बताया गया यानी कि कोई कुछ भी चीज उसमें गलत नहीं है ये कंपनी सेक्रेटरी एक सर्टिफिकेट देता है एमजीटी एट में कि मैंने हर चीज चेक की इस

एक कॉपी अपने एनुअल रिटर्न के वेबसाइट में भी रखनी अगर कंपनी की वेबसाइट है और एक वेब लिंक दोगे एनुअल रिटर्न का शैल बी डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट अब वेब लिंक का मतलब क्या है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ना पहले आपको देना पड़ता था एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न देना पड़ता था आपको एमजीटी <coughs> नाइन में अब क्या हो गया है वो एक्सट्रैक्ट को हटा दिया गया एनजीटी नाइन करके एक होता था फॉर्म जिसपे एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न होते थे यानी कि एनुअल रिटर्न की कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको हटा दिया गया पूरा पूरा अब क्या बोल रहा है आप एक वेब लिंक दे देना कहां पे बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक वेब लिंक दे देना जहां से ये पता पड़ पाए कि भाई एक्सट्रैक्ट देखना है महत्वपूर्ण बातें देखनी अगर एनुअल रिटर्न की तो वहां दिख जाएगी तो वो जो एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न था जो अपने को एमजीटी नाइन पे देना होता था वो हटा दिया गया है ठीक है सर समझ में आ गई है ये गया उसकी जगह वेब लिंक आ गई है अगर वेबसाइट है तो आपको एक कॉपी पोस्ट करनी है और अगर वेबसाइट नहीं है तो ये जो वेब लिंक वाली बात हो तो बोर्ड रिपोर्ट में देनी वेब लिंक हो तो दे ही देंगे आप अब पैनल प्रोविजन जो है कंपनी अगर कोई भी कंप्लायंस करने से फेल होती तो हर कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पेनाल्टी दस हजार कंटिन्यूंग फेलर अगर है तो सौ रुपए प्रति दिन का लेकिन मैक्सिमम दो लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को सौ रुपए पर दिन का मैक्सिमम पचास हजार जो सीएस इन प्रैक्टिस है जिसने गलत तरीके से मान लो एमजी एट का सर्टिफिकेशन दे दिया उसको पेनाल्टी फ्लैट दो लाख की है अब यहां पर अमेंडमेंट क्या है? ये समझ के लेना एक तो अमेंडमेंट अपना ये था कि भाई ये वाला जो पॉइंट था ये इसका जो इनडटनेस है ये हटा दिया इसके अलावा एक अपने पास पॉइंट है एक पॉइंट जो है यहाँ पे नीचे में डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन ये पूरा हटा दिया है उनका नेम एड्रेस इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ये सारी चीजें आपको देने की जरूरत नहीं है तो एक ये ओमिट किया इतना सा पोर्शन और इंडेटनेस वाला अपने को रिमूव किया इसके अलावा जो रेलिवेंट बात है वो क्या है रेलिवेंट बात में अपने को यह बोला कि एमजीटी 7 तो अपने को देना ही है हर कंपनी को लेकिन बोले ये एमजीटी 7 अगर हम बात करें किसकी ओपीसी की अगर हम बात करें ओपीसी की और अगर हम बात करें स्मॉल कंपनी की और हम उन कंपनियों की बात करें अदर क्लास ऑफ कंपनी एज प्रिस्क्राइब तो ये छोटी छोटी कंपनी है सारी तो बोले इन कंपनी के लिए ना एक नया फॉर्म लेके आए हैं इसको बोलते एवरिज फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न ये मैंने अपने अमेंडमेंट लेक्चर में भी बताया था जो मैंने अलग से दिया हुआ है फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न यानी कि इनको इतना ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं देनी है जो हर कंपनी को देनी होती है तो ओपीसी को स्मॉल कंपनी को और कोई भी क्लास ऑफ कंपनी जिसको भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगी इनको नॉर्मल एनुअल रिटर्न की जगह एवरेज फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न देना है और इनका जो फॉर्म रहेगा जैसे नॉर्मल कंपनी का क्या एमजीटी सेवन है इनका एमजीटी सेवन ए रहेगा इनका फॉर्म का नंबर क्या रहेगा एमजीटी सेवन ए फॉर्म एमजीटी सेवन ए तो अगर मैं बोल दूं कि ओपीसी जो है और स्मॉल कंपनी जो है एमजीटी सेवन में नहीं देंगे वो एनुअल रिटर्न नहीं देंगे वो एवरेज फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न देंगे और देंगे MGT के अंदर यही चेंजेस थे जो मैं आपको बताना चाहता था यहां पे अपना चैप्टर खत्म से बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ तो जितने भी अभी प्रोविजन पढ़े इसके बेसिस में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते वो देख लेते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं पोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है अपने पास जस्ट अ मोमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर

चेयरमैन जो था मीटिंग का वो रिजेक्ट कर दिया इस रिक्वेस्ट को ऑन द ग्राउंड दैट ओनली मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन कैन डिमांड फॉर पोल जो पर्सन प्रेजेंट है इन पर्सन जो सॉरी जो मेंबर प्रेजेंट है इन पर्सन यानी कि साक्षात जब मेंबर आए वही पोल डिमांड कर सकता है प्रॉक्सी डिमांड नहीं कर सकती तो पोल की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया दूसरा इन एन एनुअल जनरल मीटिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोल जिन मेंबर ने अर्लियर डिमांड किया था पोल का वो विद्रॉ करना चाहते हैं चेयरमैन कहता है एक बार आपने डिमांड कर दिया तो दोबारा आप विद्रॉ नहीं कर सकते और ये वाली रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया आपको बताना है वैलिडिटी अगर आपको पोल का अच्छे से याद है तो मैंने आपको यह बताया था पोल मेंबर भी डिमांड कर सकता है प्रॉक्सी भी डिमांड कर सकता है और पोल की डिमांड एक बार आपने की तो आप विद्रॉ भी कर सकते हो तो मेरे हिसाब से दोनों ही रिक्वेस्ट जो चेयरमैन ने रिजेक्ट किया है वो वैलिड नहीं है आइए एक बार इसका करेक्ट आंसर लिख लीजिए फटाफट So, सबसे पहले तो सेक्शन का रेफरेंस दे देना ये सेक्शन कौन सा रहेगा सेक्शन नंबर 109 ठीक है जी और 109 अपने को बोलता है कि भाई पोल आप रिजल्ट के पहले भी डिमांड कर लो रिजल्ट आने पे डिमांड कर लो मैं क्रक्स रक्स निकाल रहा हूं पोल कैन बी डिमांडेड बाय मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा हैविंग शेयर कैपिटल नॉन हैविंग शेयर कैपिटल वाला भी ठीक है तो इस पे मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं द चेयरमैन कैन नॉट रिजेक्ट द डिमांड फॉर पोल और चौथा सेम द चेयरमैन कैन नॉट रिजेक्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर्स फॉर विथड्रॉइंग द डिमांड ऑफ द पोल ठीक है जी आगे बढ़ के लेते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव कर लेते हैं जो कि बहुत बढ़िया सेक्शन के ऊपर है सेक्शन नंबर आप खुद ही गैस कर लेंगे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखो अपने को क्या बोलता है मिस्टर पिंक के पास हंड्रेड पार्टली अप शेयर्स हैं रेड लिमिटेड के ठीक है सर

रेफरेंस लेके आपको बताना है कि क्या पिंक कॉन्टेस्ट कर सकता है क्या बिल्कुल सही बात है अगर आपको याद होगा सेक्शन 106 पे अपने को बोला है कि कंपनी अपने आर्टिकल्स में कुछ रीजंस डाल के रिस्ट्रिक्ट कर सकते रीजन नंबर वन कॉल सीनरिया रीजन नंबर टू शेयर्स में अगर आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर रहे हो तो चेयरमैन बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है अगर आर्टिकल पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन तो तेरे को वोट देने नहीं दिया जाएगा आई एस का करक्ट आंसर आपको लिखवा देता हूं सबसे पहले तो आप रेफरेंस दे देंगे कि किस पे है सेक्शन नंबर वन जीरो सिक्स में है ठीक है इन द प्रेजेंट केस द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी डो नॉट परमिट A shareholder to vote if he has not paid the calls on shares held by him. Therefore, the chairman at the meeting. Is well within its right to refuse him the right to vote at the meeting, and Mr. Pink's contention. ज नॉट वैलिड ठीक है जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन कर लेते हैं अभी सेवन जो है वो मिनट्स के ऊपर है देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन Vina है, उसने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग ऑन सितंबर 15 2018 को की थी मीटिंग बाय मिस्टर मोहन राव मोहन राव द चेयरमैन ऑफ द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लीड की थी मीटिंग को ऑन सितंबर 17 2018 मिस्टर मोहन राव द चेयरमैन विदाउट साइनिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेट इंडिया टू लुक आफ्टर हिज फादर यानी कि इंडिया छोड़ दिया

तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिस डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे वो साइन करेगा अगर आपको याद आ रहा होगा तो ठीक है जी फटाख से लिख लीजिए करेक्ट आंसर लिखवा देता हूं आ जाइए सेक्शन नंबर एक सौ अट्ठारह सेक्शन नंबर 118 दूसरा पॉइंट लिखेंगे इन केस ऑफ मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग इट शैल बी साइंड बाय Chairman of the same meeting within thirty days or in the event of death or inability of that chairman. विद इन दैट पीरियड विद इन दैट पीरियड यानी कि उन्ही तीस दिनों के अंदर बाय अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस तो आप देअर फॉर करके लिख देना की द मिनट्स ऑफ वीना लिमिटेड कैन बी साइंड इन द एबसेंस ऑफ मोहन राव एनी डायरेक्टर ऑथराइज बाय द बोर्ड इन दिस रिस्पेक्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कर लेते हैं अच्छा क्वेश्चन है वो भी उसको ना मैं लिखवाऊंगा नहीं आप उसको खुद ही समझ सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में आइएगा लिखा हुआ इन अ जनरल मीटिंग ऑफ अल्फा लिमिटेड चेयरमैन डायरेक्टेड टू एक्सक्लूड सर्टेन मैटर्स डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी चेयरमैन बोल रहे हैं कुछ मैटर्स को हटाना है इंटरेस्ट में हानिकारक है शेयर होल्डर कंटेंडेडिंग करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसिडिंगाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ मुकेश इज मेंबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी अब मुकेश कह रहा है वो बोलता है कि भाई फेयर एंड करेक्ट समरी होनी चाहिए आप नहीं हटा सकते लेकिन अगर आपको याद आ रहा होगा मैंने बताया था कि चेयरमैन का डिस्क्रिएशन है कौन से मैटर को इंक्लूड करना है कौन से मैटर को एक्सक्लूड करना है कोई डिफॉर्मेटरी मैटर है इनरेलीवेंट मैटर है इम है या ऐसा कोई मैटर है जो डेट्रीमेंटल है हानिकारक है कंपनी के इंटरेस्ट पे बेस्ट इंटरेस्ट पे नहीं है चेयरमैन के पास डिस्क्रिएशन है तो ये जो मुकेश कह रहा है उसका कॉन्टेंशन मेंटेनेबल नहीं है आइए आगे बढ़ के लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करके लेते हैं

अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो एस पर सेक्शन 121 आपको आपकी मीटिंग से 30 दिन के अंदर आपको एक एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी होती है और आपने 10 दिन पास हो गए हैं सिंस 31 अगस्त बट हैज नॉट 20 डेज का अपने पास ऑल टाइम है आपको एनुअल रिपोर्ट देना पड़ेगा फटाक से इसको लिख लेते हैं लिखेगा दोस्तों सबसे पहले रेफरेंस देंगे सेक्शन नंबर 121 का ठीक है और सीधा लिखेंगे कंक्लूजन प्रिस्टन लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हेंस इट हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न एनुअल रिपोर्ट विथ आर ओ सी विद इन थर्टी डेज फ्रॉम थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट करते ट्वेंटी एट काफी अच्छा है जो कि रजिस्टर ऑफ के ऊपर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी 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 एट में रिवाइज भी हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा ट्वेंटी एट ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है मिसेस टेक्नो लिमिटेड रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन कर रही रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई पे कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर है जो कोलकाता पे रहते हैं वो चाहते हैं कि रजिस्टर ऑफ मेंबर कोलकाता पे भी रहे आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से बताना है कि क्या कंपनी कोलकाता पे रजिस्टर और रिटर्न रख सकती है क्या दूसरा रंजीत कंपनी के डायरेक्टर है शेयर होल्डर नहीं है वो और वो राइट क्या उनके पास राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकते रजिस्टर ऑफ मेंबर तो पहली बात पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं अगर आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर अपने सिटी टाउन विलेज के अलावा किसी दूसरी सिटी में या स्टेट में रखना है तो प्रावधान क्या है उस जगह में कम से कम लाइक कम से कम नहीं मोर देन वन टेंथ ऑफ द टोटल मेंबर रिसाइड करने होने चाहिए पहला अगर ऐसा है तो फिर आपको एसआर पास करना पड़ेगा और आप रख सकते हो तो हम बोलेंगे कि भाई रख सकती है अगर कोलकाता में मोर देन ऑफ द टोटल चाहता हूं मेंबर डिबेंचर होल्डर और जो सिक्योरिटी होल्डर है उनका राइट right होता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर डिबेंचर होल्डर सिक्योरिटी होल्डर बाकी लोग पैसे पे करके प्रिस्क्राइब फी पे करके जो शेयर होल्डर नहीं हो फी पे करके कर सकते हो तो आप इवन दो डायरेक्टर हो आपका एक अजम्पन ले सकते हैं कि आप फी पे करके रख सकते हो लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आप नहीं कर सकते आइए इसका कंक्लूजन लिखवा देता हूं लिखेगा लेडीज एंड जेंटलमैन एंड गर्ल्स पहले सेक्शन का रेफरेंस दे देते सेक्शन कौन सा से अपना 94 इसके बाद अपने को यह बताना है कि भाई टेक्नो जो है रख सकता है कि नहीं ठीक है टेक्नो लिमिटेड कैन ऑल्सो कीप द रजिस्टर्स एट कोलकाता आफ्टर कंप्लायस Provided more than one tenth of total number of members entered in the register of member reside in Kolkata. और कंप्लाइंस क्या करना है ये जो मैंने कंप्लाइंस लिखा है इस कंप्लाइंस में क्या करना है एस पास करना है और दूसरा जो बोल रहे है कि भाई वो डायरेक्टर कर सकता है कि इंस्पेक्शन उसका भी लिखिए डायरेक्टर जो कि मिस्टर रंजीत है नॉट शेयर होल्डर हैज नो राइट टू इंस्पेक्ट हैज नो राइट टू इंस्पेक्ट द रोम रोम यानी कि रजिस्टर ऑफ मेंबर एस पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन इस पर एक अपने को और लिखना है कि भाई वो पैसे पे करके इंस्पेक्ट कर सकता है भाई अदर पर्सन में ऑल्सो इंस्पेक्ट अदर पर्सन यानी कि कौन जो डायरेक्टर मेंबर सॉरी शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर सिक्योरिटी होल्डर ऐसे नहीं है तो अदर पर्सन में ऑल्सो इंस्पेक्ट द रूम ऑफ कंपनी बाय पेइंग प्रिस्क्राइब फीस तो प्रिस्क्राइब फी पे करो और चेक करना तो कर लो प्रिस्क्राइब फी चेक पे करके ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर करते बेटा 18 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते क्वेश्चन नंबर एटीन जो है ध्यान दीजिएगा अब देखो क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना ड्यू टू हैवी रेन्स एंड फ्लड्स बहुत ज्यादा बारिश हुई और बहुत ज्यादा पानी बह गया था चेन्नई हैंडलूम लिमिटेड वॉज अनेबल टू तो कन्वेन एनुअल जनरल मीटिंग अप टू थर्टी सेप्टेंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन नहीं कर पाए ठीक है लास्ट डेट होती है आपको याद होगा से छह महीने थर्टी सेप्टेंबर ही आते हैं और कंपनी हैज नॉट फाइल द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न एनुअल रिटर्न जो नाइनटी टू पे रहता है एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी व्यू दैट सी एजीएम डिड नॉट टेक प्लेस बोले एजीएम इन हुई

आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई एजीएम नहीं हुई तो ठीक है भाई एजीएम नहीं हुई तो ये 60 दिन का जो प्रावधान है कि 60 के अंदर हमको एनुअल रिटर्न देना है है हम क्या पर एप्लीकेबल नहीं होता ये गलत बात है। अगर एजीएम नहीं हुई तो जब तक जिस दिन तक एजीएम हो जानी चाहिए वहां से साठ दिन के अंदर एनुअल रिटर्न तो देना पड़ेगा आइए फुल स्क्रीन कर लेते हैं पटाख से आपको इसका क्रक्स लिखवा देता हूं बहुत भारी सा लिखेगा भाई Section ninety four Every company shall file with the registrar a copy of annual return. Within sixty days from the date on which the AGM is held or where no AGM is held in any year. Within sixty days from the date on which AGM should have been held together with. द स्टेटमेंट साथ में एक स्टेटमेंट देना है टूगेदर विथ द स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द रीजन रीजन बताना है और नॉट होल्डिंग द एजीएम साथ में रीजन भी बताना है कि भैया आपने एजीएम क्यों नहीं किया करके तो उस हिसाब से जो डायरेक्टर का कंटेंशन है वो गलत है हेंस द कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट करेक्ट ठीक है जी बेटा अब अमन करने जा रहे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ध्यान से इसको समझ के लेना बहुत प्यारा क्वेश्चन है मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा

मैं जस्ट इसको इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप वापस से दिमाग में आ जाए कि हाँ भाई भले मीटिंग कैंसिल हो गई दैट मैटर जिस डेट तक हो जानी थी वहां से डेज के अंदर आपको एनुअल रिटर्न तो देना पड़ेगा वो हो गया एक बी में आते हैं बेंसन लिमिटेड एक नोटिस इश्यू करता है विद द एजेंडा फॉर नाइन बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इन द एजीएम ठीक है नोटिस में एजेंडा थे नाइन बिजनेस करने थे जिस पे से दो बिजनेस ऐसे थे जिस पे एक मिस्टर साहू और एक मिस्टर प्रणव का एज अ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट था

सारे के सारे मेंबर जितने भी प्रेजेंट है, है एक साथ एक इकट्ठे पास कर लेते हैं। तो उस पे कोई दिक्कत नहीं वो बिल्कुल इलीगल नहीं है कब तक इलीगल नहीं है जब तक कोई भी एक मेंबर भी अगर ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, सब सहमति कर रहे तब वैलिड है अगर एक भी अगर मना कर देता है तो आपको सेपरेट रेजोल्यूशन करना पड़ेगा नौ के नौ बिजनेस के लिए लेकिन अगर कोई भी दिक्कत नहीं कर रहा है कोई इन वाली बात नहीं आप पूरा का पूरा नौ के नौ का पास कर सकते लेकिन मुद्दा यह है उन नौ के नौ में दो डायरेक्टर हैं अपॉइंटमेंट हो सकता है किसी व्यक्ति को ऐसा हो कि यार ये वाला डायरेक्टर मेरे को पसंद नहीं ये ये पसंद है यानी कि दोनों डायरेक्टर को सब लोग अपॉइंट करना चाहें ऐसा पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि अपॉइंटमेंट की बात है तो बोले ये जो दो डायरेक्टर की बात है ना जहां पे अपॉइंटमेंट के लिए वहां पे वो दो इकट्ठे पास नहीं हो सकते उसके लिए अलग अलग करना पड़ेगा बाकी सात के लिए आप एक साथ पास कर दो हां कि हा ना कि ना लेकिन ये दो के लिए नहीं हो सकते क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात है अगर सब लोग एक साथ हा बोले तो वो दोनों अपॉइंट हो जाएंगे किसी को एक को करना होगा किसी को एक को ना करना हो तो वो दो के लिए सेपरेट होगा बचे सात के लिए आप लाइन से एक ही बार में कर सकते हो रेजोल्यूशन पास आइए इसका फटाक से मैं आपको करेक्ट आंसर लिखवा देता हूं ट्वेंटी का बी सो ट्वेंटी का जो बी है पहले वाले का तो ए वाले का आंसर आपको पता है बी वाले का लिख लीजिए देर इज नथिंग इन लीगल If the chairman of the meeting desires that two or more resolutions should be moved together. Unless any member requires that each resolution should be put to vote separately or unless a poll is demanded in respect of any one resolution which should be moved separately is relating to appointment of directors at a gm of a public or private company where two or more directors कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन चलिए जी बहुत बढ़िया हो गया ये भी सो so दोस्तों यहां पे आके अपना पूरे के पूरे क्वेश्चन लगभग मैंने जितने भी निकाले थे सबके सब करवा दिए जो भी क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे करवाए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएगा सारे के सारे जो भी लिखे हैं जैसे भी लिखे आई होप आपको बहुत 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 अच्छा लगा होगा काफी लंबा चला ये लेक्चर बट क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है काफी टेक्निकल चैप्टर है तो इतना समय रिविजन में भी लगना लाजमी था क्योंकि हमने क्वेश्चन के साथ रिविजन किया सो आई होप आपको यह बहुत 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 बहुत, बहुत, बहुत फ्रूटफुल होगा तैयारी के वक्त भी और एग्जाम के वक्त भी क्योंकि हमने सारा कुछ लिख लिख के सारे आंसर के क्रक्स निकाले हैं कंसेप्ट पढ़े हैं दिमाग में सारी चीजें फिट बैठ गई होगी आप इस चैप्टर को अपने से एक बार और रिवाइज जब कर लेंगे ना मेरे पढ़ाने के बाद तो पूरा नस इस चैप्टर की आपके हाथ में आ जाएगी सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी बनता है सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय बाय